हाय दिस इज मोनिका वेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल इस चैनल पे हमारा सबसे पहला वन शॉट होने जा रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे और इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे यहाँ चैट बॉक्स में दिख रहे हैं तो यार फटाफट से फिर तो स्टार्ट करना चाहिए है कि नहीं जल्दी जल्दी से लाइक बढ़ा दो हालांकि मेरे को यहाँ पे लाइक्स नजर नहीं आ रही है उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा मोबाइल एंड फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करेंगे इन बच्चों एक काम और कर दो इस सेशन को शेयर कर दो क्योंकि ये एक शुरुआत है मैं हमेशा से एक चीज़ चाहती थी नीट वाले बच्चों को अब उनकी पढ़ाई में उनके केमिस्ट्री में मदद करना क्योंकि बहुत टाइम से मुझे नीट वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें भी पढ़ाओ है ना और जब मैं फिज़िकल क्लासरूम में पढ़ाती थी ना ऑफलाइन तब हमारा नीट का अलग से बैच हुआ करता था पर जब से मैं ऑनलाइन आई तब से नीट वाले बच्चे मुझसे कभी किसी चैनल पे तो कभी किसी चैनल पे पढ़ते रहे अब मुझे लगता है कि यार टुडे इज़ अ डे जहाँ पे मैं खुद नीट वन चैनल पे नीट के बच्चों को नीट के हिसाब से पढ़ाने वाली हूँ तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड इसके लिए मैं तुम लोगों का सपोर्ट भी मांगूंगी यार कि जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक कम्प्लीट वन शॉट बनाने में खूब सारे क्वेश्चन लाने में और स्पेशली उन क्वेश्चन को ढूंढने में जिनकी रिपीट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कहीं भी कुछ हम मिस आउट नहीं करने वाले हैं फॉर श्योर अगर सपोज कोई जेई एस्पिरेंट्स भी सेशन में बैठे हैं या केवल जो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं या सी के एस्पिरेंट्स हैं वो भी अगर इस सेशन में बैठे हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा और ये बात तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुमको कितना बेनिफिट हुआ है और इवन देखो नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो ये ओवरऑल ओरिएंटेड है

अनीशा तो बहुत स्टार्टिंग में आ गई थी मैं चैट में मैंने देखा था अनिशा ने बोला था वेटिंग फॉर माय मैम है ना तो मैंने देखा था ये चीज़ तो चलो एनीवेज वेज मेरे हर सेशन में आती है एंड बहुत सारे सेशंस में आती है तो जब मैं इसके नाम के आगे देखती हूँ गीतांजलि मैम आई लव यू डियर तो चलो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन को कोऑर्डिनेशन uh, केमिस्ट्री का वन शॉट है सीधा मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी हाँ एक टेलीग्राम चैनल है जिसको तुम्हें ज्वाइन करना है क्योंकि अभी बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है इस चैनल पे यहाँ पे मैं तुमको समरी भी करवाऊंगी जैसे अभी तो तीन घंटे लगेंगे अपन को इस वन शॉट को करने में लेकिन इसी का फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स का एक समराइज सेशन भी आएगा वो भी हमें करना है इसी के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आएंगे वो भी हमें करने हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है तो उसके लिए तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्टेड रहना है जो कि नीट वन का है हालांकि वो स्लाइड मेरी लास्ट में लगी हुई है तो मैं तुमको एक बार दिखा देती हूं जानते ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और उसके बाद हम डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मैं बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं देखो बेटा ये वाला लिंक है इसको जरूर तुमने ज्वाइन करना है ठीक है इसमें ये हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है भेजूंगी ठीक है चलो अब अगर हम इस चैप्टर का डिवीजन करें देखो सबसे मैंने होमवर्क भी दिया है आंसर की वगैरह भी लगाई है इफ यू कैन सी है ना दिस इज एन आंसर की टू द होमवर्क विच आईव गिवन अच्छा अपन क्या करने वाले वो मैं तुम्हें बताती हूं हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बच्चे भी मेरा कंसर्न है जो कि पहली बार पढ़ रहे हैं ठीक है तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कॉर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ठीक है इस चीज से स्टार्ट करेंगे इसके बाद में हमने आगे बढ़ना है और हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे लीग क्या होता है कितने टाइप के लीगिन होते हैं कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कितने टाइप के होते हैं

आ, अपने वी हो गई वी के बाद अपन ने क्या कर लिया सी कर ली सी में जॉन टेलर डिस्टॉशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ ठीक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जितने भी नीट में जो भी कवर हुए वो मैं लेके आई हूँ तो वो क्वेश्चन हम करेंगे और फिर एंड में क्या करने वाले हैं मेटल कार्बोनल पर एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे एंड यूजेज ऑफ कार्बोनल कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से अपना फ्लो आगे बढ़ेगा मैंने सोचा है मुझे तीन घंटा लगेगा और जितना जल्दी कर सके उतना ही बढ़िया है एंड तक बैठे रहना मेरे प्यारे बच्चों मैं तुमको इस बात का वादा करती हूँ कि तुमको बहुत मजा आने वाला है ठीक है ये नीट नहीं आसान ये बात समझ लेना एक आग का दरिया है और डाइविंग करते हुए जाना है बट तुम्हारी इस डाइविंग में तुम्हारी कोच तुम्हारी मेंटर तुम्हारी अपनी एमबी बी माम तुम्हारे साथ है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बेटा सबसे पहले देखो इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट में तुमको एक कंपाउंड दिखाई देता है जिसके अंदर हमेशा ही एक ना एक मेटल होता है और ये छोटे वाले ब्रैकेट्स में ना कुछ स्पीशीज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं लीगेंस ठीक है लीगेंस अब ये लीगेंस और मेटल में क्या रिश्ता होता है ये चीज़ ध्यान रखना जो सेंट्रल मेटल होता है वो एक एक्सेप्टर स्पीशी होती है क्या होती है एक्सेप्टर स्पीशी एक्सेप्टर मतलब लेनदार अपने में लेने का काम करती है कौन? ना मतलब खूब सारे इसको हम बोलते से सुनो, अगर नहीं आता है कभी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी धीरे धीरे सुनो सब समझ में आएगा लीगेंस अब लीगेंस क्या होते हैं डोनर स्पीशीज होती हैं ये क्या होता है एक्सेप्टर स्पीशी होती है लीगेंट मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालता है और इस तरीके ओवरलैपिंग से मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ठीक है बाहर हमको कुछ कभी कभी कुछ दिखाई दे सकता है अगर वो नेगेटिव आयन है बेटा तो वो राइट साइड में लिखाया जाता है अगर नेगेटिव है जैसे क्लोराइड एक नेगेटिव आयन है और, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर इसकी लोकेशन नेगेटिव की हमेशा राइट साइड में होती है और अगर कोई पॉजिटिव आयन है जो कि बाहर है तो उसकी लोकेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होगी ठीक है पॉजिटिव आइन की लोकेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होगी नेगेटिव आइन की लोकेशन हमेशा राइट साइड में होगी इसको हम आयोनाइजेशन स्फेयर कहते हैं अब वर्नर करके एक बंदा हुआ है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसने मेटल और लिगेंट के बीच में बॉन्ड जो होता है और कोऑर्डिनेशन स्फ़ेयर और आयोनाइजेशन स्फ़ेयर के बीच के बॉन्ड को क्लासिफाई किया है इसको उसने बोला है प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी ये क्या चीज है प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी इज अ लिंकेज बिटवीन दिस कोऑर्डिनेशन स्फेयर एंड आयोनाइजेशन स्फेयर ये आयनिक होती है यहाँ से कोई भी जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो सकता है मतलब आयनिक रिएक्शंस दे सकता है जबकि ये वाला जो जैसे मेटल हो गया और लिगेंड है ये एक तरीके की कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या तुमने कभी किसी कोवेलेंट बॉन्ड को या कोवेलेंट कंपाउंड को डिसोसिएट होते हुए देखा है कि सी जो है वो टूट रहा है कार्बन हाइड्रोजन में नहीं ना इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं तो उसी तरीके से ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये प्राइमरी हो गई ये सेकेंडरी एक तरीके की कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी डिसोसिएट नहीं होती इसका मतलब किसी भी प्रॉपर फुल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो टेस्ट देगा वो हमेशा आयोनाइजेशन स्फेयर में पड़ा हुआ आयन ही देगा चाहे राइट में पड़ा है चाहे लेफ्ट में पड़ा है ये जो लीगेंड है ये कभी भी अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देगा ये बात सबको क्लियर है है ना तो और ये क्या सिक्स क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल किसी भी लीगन से कितने बॉन्ड बनाता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या बेसिक पूरा जो ये खाका है मतलब बेसिक जो फ्रेम है ये सबको क्लियर है ना कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके अंदर मेटल पाया जाता है लीगेंड पाया जाता है इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं ये नहीं टूटती है लीगेंड अपना टेस्ट नहीं देते हैं और मेटल लीगेंड से कितने बॉन्ड बनाता है इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं बाहर में अगर नेगेटिव आयन है तो राइट right साइड में होता है अगर पॉजिटिव आयन है तो बी टू लेफ्ट साइड में होता है लेकिन लेफ्ट में हो चाहे राइट right में हो ये आयोनाइजेबल होते हैं और अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दे सकते हैं ठीक है ना वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयोनाइेशन स्र और कोऑर्डिनेशन फेयर के बीच में होती है आयोनाइजेशन फेयर एंड कोऑर्डिनेशन फेयर के बीच में सेकेंडरी कौन सी होती है जो मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनाइजेशन स्र एंड कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बीच में जो लिंकेज है वो प्राइमरी है मेटल और लीगेंट के बीच में जो लिंकेज है वो सेकेंडरी है सेकेंडरी आयोनाइज नहीं होती है प्राइमरी आयोनाइज होती है अब एनसीआरटी के इस आर्टिकल से हमें छोटा सा और क्यूट सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं देखना क्या है ठीक है मैम आज रिद्धि नहीं आई आपकी फेवरेट स्टूडेंट ओहो ये ताना था क्या वैसे आई है हुँ. चलो तो इस एन की आ, क्लिप के थ्रू आपको मैं एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जनरली कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज जो हमारे कोर्स में होते हैं ना बेटा वो ऑक्टाहीड्रल होते हैं ऑक्टाहीड्रल ठीक है तो ऑक्टाहीड्रल का मतलब है उसमें छह लीगन्स होते हैं छह लीगन्स अब वो कह रहे हैं अगर एक मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया तो वो कितने मोल एजीसीएल देगा चैट बॉक्स में तुमने मुझे बताना है कि आ, कैसे अब तुम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया वो बताना बस तुम तो ये बताना समझ नहीं आया जिसको समझ में आया वो यस कर देना हम ये प्रिफर करेंगे कि अमोनिया को एज अ अगेंट रख लें और जहाँ छह लीगेंट पूरे हुए बच्चे खुचे सामान को अपन ने बाहर भेज देना है मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है यहां मेरे को टोटल मिला करके एनसीआर के इस आर्टिकल में कोबाल्ट के साथ टोटल नौ स्पीशी दिखाई दे रही है मुझे छह तो अमोनिया दिखाई दे रहे हैं तीन क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं मतलब मुझे टोटल नौ स्पीशीज दिखाई दे रही हैं मैं चाहूंगी छः को मैं लीगेंड बना लूं और बचा हुआ सामान कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट से बाहर फेंक दूं ठीक है तो यार अमोनिया को मैं लीगेंड प्रिफरेबली बनाऊंगी मेरी चॉइस अमोनिया यूँ मान लो कि अमोनिया मेरा फेवरेट है तो मैंने छह अमोनिया को लीगेंड बना दिया ली। क्योंकि मुझे छह लीगेंड चाहिए तो अमोनिया ने कहा हम हैं जो भी हो तो एज अ लीगेंट ठीक है तीनों के तीनों क्लोरीन कोऑर्डिनेशन फेयर से बाहर चले गए तो ये किस तरीके का फॉर्मूला बना इसका कोबाल्ट एन एच थ्री का होल सिक्स ठीक है एन एच थ्री का होल सिक्स कोऑर्डिनेशन स्फेयर बंद हो गया और नेगेटिव आयन हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है तो क्लोरीन यहाँ तीन आ गया तुम समझे मेरी बस दो चीज़ें थी एक तो मुझे छः लिगेंड चाहिए थे दूसरा मुझे अमोनिया प्रेफरेंस में चाहिए था तो मैंने तीन क्लोरीन को बाहर भेज दिया क्योंकि अमोनिया से मेरी सीट तो फुल हो गई छह लिगेंड्स की ठीक है अगर तीन क्लोरीन आयन बाहर हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट लगाए तुम जानते हो कि ए का जो प्रेसिपिटेशन है वो हो सकता है क्योंकि क्लोरीन बाहर है और बाहर वाला आयन जिसको हम काउंटर आयन के नाम से जानते हैं या आयोनाइजेशन स्फेयर के नाम से जानते हैं वो अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है समझे तुम? वो अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है ठीक है तो इधर तीन क्लोरीन है, इसका मतलब सिल्वर के साथ तीनों क्लोरीन ए जी सी एल के तीन मोल्स बनेंगे डिड आई मेक इट क्लियर डिड आई मेक इट क्लियर नेक्स्ट में दिखा हुआ है कि भाई तीन ये है पांच ये है मेरा मुझे छह सीटें मेरी खाली थी लिगेंड के लिए पर मेरा प्रेफरेंस अमोनिया था मैंने पांचों अमोनिया अंदर खींच लिया स्क्वायर ब्रैकेट के उसके बाद भी एक सीट खाली थी तो मैंने एक क्लोरीन भी अंदर खींच लिया तो कॉर्डिनेशन स्फेयर कैसा बनेगा ये कोबाल्ट होगा पांचों अमोनिया मैंने अंदर खींच लिया क्योंकि मेरे पास छह सीटें थी पांचों अमोनिया अंदर अभी भी एक सीट मेरी खाली है मैं एक क्लोरीन अंदर खींच लेती हूँ ये मैंने अंदर खींच लिया एक क्लोरीन अब मैंने जो बचा खुचा माल था वो बाहर आए ने काउंटर एन बना के फेंक दिया तो दो क्लोरीन बचे ना बाहर तो ये देखो दो क्लोरीन अब क्लोरीन दो हैं तो एजीसीएल के भी तो दो ही मोल बनेंगे समझ में आया फिर देखो इधर भी मेरे पास छह सीटें थी पर अमोनिया सिर्फ चार थे चार पे ही सीट अमोनिया चार थे ख़त्म हो गए दो सीटें खाली थी मैंने दो क्लोरीन अंदर खींच लिए तो देखो कोबाल्ट और ये हो गए अपने तीन अमू, चार अमोनिया और दो क्लोरीन मुझे अंदर ले जाने पड़े क्योंकि मेरे पास छह लीगेंट्स को मुझे रखना है तो अब क्लोरीन तो एक ही बाहर बचा तो एक ही बाहर है तो एक बाहर बचेगा तो ए का एक ही मोल आएगा राइट प्यारा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है आई होप सबको क्लियर हो गया ठीक है और इधर भी देखो यही है कि चारों अमोनिया अंदर दो क्लोरीन अंदर और एक क्लोरीन बाहर तो ये भी एक मोल ही देगा अब क्या होता है बिट्टू ये जो नंबर ऑफ टोटल आयन्स है जैसे अगर तुम इसका आयोनाइजेशन करवाओगे फर्स्ट वाले का तो कैन नहीं बेटी प्रोडिक कि भाई कितना इसके अंदर आयन सॉल्यूशन के अंदर बनेगा जैसे देखो तीन क्लोराइड आयन बन रहा है और एक कोऑर्डिनेशन स्फेयर बन रहा है इसका मतलब टोटल चार आयन प्रोड्यूस होगा अगले का तुम बताओगे अगले का तुम बताओगे वैल्यू ऑफ एन मतलब क्योंकि अंदर से तो कॉर्डिनेशन स्फेयर टूटता नहीं है ना ये अलग हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे इसके तो बनेंगे चार वन पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को मैं वन गिनती हूँ प्लस तीन क्लोरिन है तो मैं उसको थ्री गिनती हूँ तो फर्स्ट वाले के लिए तो ये वैल्यू फोर हो जाएगी इसके लिए मतलब चार आयंस जो है वो आयोनाइजो के सोल्यूशन में आएंगे फिर सेकेंड वाले के लिए तीन आएंगे क्योंकि दो क्लोरीन बाहर हैं वो पूरे डिसोसिएट होंगे और पूरा का पूरा कॉर्डिनेशन स्फ़ेयर अलग हो जाएगा तो कॉर्डिनेशन स्फ़ेयर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा अगले वाले का बताओ इसका बताओ इसका इस वाले का थर्ड वाले का थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो सेम ही है तो थर्ड फोर्थ के लिए वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से टू आ जाएगी वेरी गुड मेरे राजा बेटा और रानी बेटिया

हाँ करती है क्यों नहीं करती कोमल पांडे बेटा कैसे नहीं करती है नंबर आयन्स ही तो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटू कोमल आयन्स आर द ओनली वन विद हुर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी इन आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली रिद्धि है ना तो करती है ठीक है तो अगर करती है इसका मतलब इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टिंग सोल्यूशन ये हो जाएगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया अच्छा एनसीआर में ऐसा दे रखा है कि दिस इज वन एस टू तो थ्री इलेक्ट्रोलाइट वन वन टू तो टू इलेक्ट्रोलाइट वन एस टू तो वन इलेक्ट्रोलाइट तो ये तो तुमको देखते ही पता तो लग गया होगा मतलब क्या ये कॉर्डिनेशन स्फेयर इज टू काउंटर एन का रेशियो दिखा रहा है ठीक है इस वन शॉट से न केवल नीट वाले बच्चों का तो खैर हंड्रेड परसेंट फायदा हो रहा है इससे बोर्ड्स वाले बच्चों का भी हो रहा है जेई वाले बच्चों का भी हो रहा है मैं प्रॉमिस तुमको करके आई हूं ध्यान मेरा प्रॉमिस और मैं हमेशा निभाती हूँ तुम्हें पता है इस बात का ठीक है क्लियर मैम सेम कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी कलर डिफरेंट क्यों एक तो कॉम्प्लेक्सेस बेटा सेम नहीं है दूसरी बात इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी और उसमें भी कलर डिफरेंट हो जाता है एम डी आसेफलम धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीजें ठीक है लास्ट टू का कलर अलग क्यों है सानिया भी यही पूछिए बेटा लास्ट टू का कलर अलग इसलिए है क्योंकि ये दोनों हो सकता है सेम नहीं है और ये दोनों जो है वो बेसिकली कोई से आइसोमर्स हो सकते हैं ना तो आइसोमर्स के केस में कलर अलग हो सकता है बट कलर का टॉपिक आगे आएगा तब मैं तुम्हें समझाऊंगी तो ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है तुम्हें समझ में आ गया शुड आई गिव यू अ थर्टी सेकेंड रिव्यू सिर्फ इसमें इतना है कि मेरे को ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स बनाना है मेरे को छह लीगेंट की जरूरत है अमोनिया को प्रिफर करते हुए मैंने छह अंदर घुसाए बचा हुआ माल बाहर फेंका बचा हुआ हमेशा क्लोरीन था क्योंकि क्लोरीन अपना प्रिफरेंस नहीं था ठीक है क्लोरीन जितना जितना बाहर गया उतने उतने मोल्स ऑफ एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन देगा एक उसी समय हमें यह भी इंटरप्रिटेशन करनी है कि अगर क्लोरीन बाहर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा फर्निश होंगे और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी तो मेरे हाउ मेनी इन सोलूशन इसका आंसर दो, दो फटाफट बहुत सिंपल सा सवाल है कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ एक छोटा सा मैंने तुमको रिव्यू वाला क्वेश्चन दिया <coughs> बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगी श्रेया डोंट वरी देखो रोहित ने सबसे पहले आंसर कर दिया है एम बी मैम बी टू कौन है के नाम से बी इज द करेक्ट आंसर रिद्धि ने आंसर कर दिया है बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि देखो ना पूरा का पूरा कॉर्डिनेशन स्फीयर को हम एक मानते हैं और इनको दो मानेंगे तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री ठीक है अगले क्वेश्चन का आंसर दो बी अच्छा तो ये देखो ये पूरा एक coordination को हम टू एक मानेंगे और इसको भी एक मानेंगे तो वन तो okay. कि एन टाइटी और काउंटर एन को छाट के अलग करना और एन की वैल्यू लिखनी है तुम्हें पता है एन की वैल्यू किस चीज को इंपैक्ट करती है कंडक्टिविटी को इसलिए ये जानना जरूरी है तो अपने अपने कॉपीज में कर लो रफ कॉपी लेके बैठना था कि प्रैक्टिस भी साथ साथ हो एम बी मैम का सेशन जो है वो सेल्फ स्टडी भी होता है इस बात का मुझे एहसास कराओ रफ कॉपी लेके बैठो सामने पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि पढ़ाई चल रही है साथ साथ जैसे कोई मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे टेबल पे बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ उस लेवल पे सीरियसनेस मेरे को तुम्हारी चाहिए ठीक है तो देखो ये अपना हो गया कॉर्डिनेशन एन ट और ये दो काउंटर एन हो गए ठीक है तो के प्लस लिख देती हूँ और टोटल एन की वैल्यू थ्री हो गई अब तुम एक काम करो रिमेनिंग चारों की एन की में भर दो रिमेनिंग की एन की वैल्यू बॉक्स में भर दो कॉम अलग अलग, अलग आके एक साथ लिखना एक साथ लिखना और यहाँ पे टू के प्लस एन की वैल्यू मैं एक साथ करने वाली हूँ सी आर सी एल ये लीगेंस हैं खूब सारे अलग अलग टाइप के लीगेंस हैं ठीक है ठीके? और इधर हो जाएगा टू सी एल माइनस है ना और इधर है एफ सी एन सिक्स और ये हो जाएगा फोर माइनस और इधर है फोर के प्लस जितना काउंटर आए ना उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में कॉर्डिनेशन स्पेयर पे लगा दे रही हूँ ये नो काउंटर आए हैं ठीक है, है? कितना थ्री थ्री फाइव जीरो लैग हो रहा है क्या थ्री थ्री फाइव जीरो सब लिख रहे हैं थ्री 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 फाइव वन नैना लिख रही हैं अनिशा लिख रही हैं थ्री थ्री फाइव जीरो नैंसी लिख रही हैं थ्री 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 फाइव जीरो तो ये तो थ्री था ये थ्री है ये भी थ्री है ये फाइव है और ये वन हो गया ना एक मतलब आयन नहीं है एक्चुअली न्यूट्रल है तो तुम इसको भले ही एन की वैल्यू भले वन लिख सकते हो क्योंकि वन एक एंटाइटी तो एग्जिस्ट करती है ना और चाहे तो जीरो लिख दो अगर तुम इसको कंडक्टिविटी के तौर पे देख रहे हो तो जीरो लिख दो और एक एंटाइटी की एग्जिस्टेंस के तौर पे तुम क्या लिख सकते हो वन लिख सकते हो तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया अब ये नीट 2017 में से ये सवाल पूछा गया है हर एक चीज जो वैल्यूएबल है पूरे पंद्रह से बीस साल के नीट के पेपर्स की एनालिसिस करके सबसे जो अच्छे सवाल और रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स जो वो उस पर मैं सवाल लेके आई हूं पूरी रात की मैं जगी हुई हूं ठीक है तो इन क्वेश्चन को पूरे अच्छे से करना तुम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोक्यूमेट्री ऑफ एजीसीएल फॉर्मड वेन ए जी एल थ्री इन एक्सेस विद दो का सवाल है करो बेटा बी आर ए करेक्ट आंसर श्योर सबका भी आ रहा है ओके लेट मी जस्ट चेक करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोक्योमेट्री ऑफ इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्प्लेक्स दिस 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 अभी देखो छह अंदर अभी सपट पे सवाल आता है सपट तुम देखो छह हैमूनिया अंदर तीन बाहर तो ये वैल्यू थ्री हो जाएगी पांच और एक छह अंदर दो क्लोरीन बाहर तो ये वैल्यू दो हो जाएगी चार और दो क्लोरीन अंदर एक क्लोरीन बाहर तो ये वैल्यू वन हो जाएगी तो हो तो जाएगा थ्री टू वन अब थ्री टू वन कौन सा है थ्री टू वन भी इज द करेक्ट आंसर क्या ये नंबर हम ग्रैब नहीं कर सकते हैं तुम देखना आज थर्टी क्वेश्चन है नीट के एक भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमसे नहीं हो रहा ठीक है हर एक चीज पहले अच्छे से पढ़ाऊंगी ये थोड़ा ज्यादा पुराना क्वेश्चन है 2001 का है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी मैम मुझे भी आपकी अनिशा तो मेरी फेवरेट है बेटा सारे बच्चे मेरे फेवरेट हो अनिश तो चैट बॉक्स में जब मैंने स्क्रीन ऑन किया तो सबसे पहले एक बच्ची आती है और ईगरली वेटिंग फॉर माई एम मैम लिखती है क्या वो मेरी फेवरेट नहीं होगी दिल में बसते हो यार बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्स एम कंडक्टिविटी देखो इसमें टोटल एन की वैल्यू फाइव है चार पोटेशियम और एक ऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसमें एन की वैल्यू थ्री है एक आर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और दो क्लोरीन इसमें एन की वैल्यू फोर है ए कोर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और तीन क्लोरीन और इसमें एन की वैल्यू वन मान लो जीरो मान लो विद रेफरेंस टू एनिक कंडक्टिविटी जीरो तो कह रहे हैं मैक्सिमम किसकी है तो मैक्सिमम तो यार एक ही होगी ठीक है क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो इजीली कर सकते हो चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एनटाइटिस क्विकली करना बेटा जल्दी जल्दी से इन सवालों को निपटाओ फटाफट से <coughs> और मन लगा के पढ़ना बेटा बेटो थैंक यू सो मच बेटा मेरा इमोशन मेरा एक्सप्रेशन मैं तुम लोगों को रेसिप्रोकेट कैसे करूं जो लव मुझे तुम लोग की तरफ से मिलता है आई रियली डोंट नो ए अगेन वेरी नाइस वेरी नाइस ए अगेन क्यों क्योंकि इसमें देखो एन की वैल्यू पांच है थर्ड वाले में एन की वैल्यू टू है अब मैं बता नहीं रही हूँ कि कैसे आई है वो तो आप समझ गए होंगे इसमें एन की वैल्यू फोर है और इसमें एन की वैल्यू थ्री है इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड एब्सोल्यूटली करेक्ट तो इसका मतलब एक फंडा तो अपना क्लियर है हम आइनी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं ठीक है हमें एन की वैल्यू समझ में आती है हमें वर्नर थ्योरी क्लियर है चलो जी आगे चलते हैं कॉमन जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है इसी को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले लीगन्स क्या है मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ बेटू कि लीगेंस वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के काबिल होती हैं जो अमीर हैं केमिस्ट्री में हम अमीर स्पीशीज़ को रिच स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं लीगेंस बोलते हैं ठीक है और मेटल क्या है मेटल एक्सेप्टर होता है

ठीक है जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स द मेटल इज मेकिंग एंड रिपोर्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर मूविंग अहेड क्लासिफिकेशन ऑफ लीगन सबसे पहली चीज है मोनोडेंटेड लीगन हम लीगन को क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि कोई एक लीगन मेटल को कितने दांतों से पकड़ता है नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है कोई खराब नहीं बिटू तो मेरी तबीयत <coughs> बिल्कुल ठीक है कोई भी लीगन मेटल को कितने दांतों से पकड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट मत आई मीन सॉरी डेंटेसिटी तो मोनोडेंटेट कौन हुआ जो एक दांत से पकड़ता है मोनोडेंटेट कौन हुआ जो बिटू एक दांत से पकड़ता है जो सिंगल गढ़ाता है दांत किस में मेटल में तो मोनोडेंटेट लीगन तो एक्वा हो सकता है इसके पास एक ही डोनर साइट होती है डेंटिस्ट नहीं होता उसे डेंटिसिटी याद कर लो ना कितने दांत से पकड़ना है तो देखो इसके पास एक ही डोनर साइट है इसके पास भी एक ही डोनर साइट है इसके पास भी एक ही डोनर साइट है इसके पास भी एक ही 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 सो वैन द लीगेंड हैज़ ओनली वन डोनर साइट कि जिससे वो मेटल से अटैच होए हम उसको मोनो लिगेंड कहते हैं बाई बेटा वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा यानी कि दो डोनर साइट्स होती हैं आप उसमें इनके स्ट्रक्चर्स तुमको याद करने हैं स्पेशली फॉर नीट इसके स्ट्रक्चर्स तुमको ज़रूर याद करने हैं सी एच टू सी एच टू स्ट्रक्चर्स को इग्नोर मत करना इथाइलिन डायमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगेंड है जिसके पास में दो डोनर साइट्स होती हैं और वो दोनों डोनर साइट्स के थ्रू मेटल को पकड़ लेता है मतलब एक ही लीगेंड ऐसे दांत गढ़ाता है ऐसे ऐसे चिमटा देखा कभी रोटी फुलाने का चिमटा देख लो या किसी चीज को पकड़ने का चिमटा देख लो ऐसे ये ये होता है बाईड लिगेंड ए की लिगेंड इस तरीके से मेटल को होल्ड करता है ऑक्जिलेट देखो ऑक्जीलेट में दो डोनर साइट्स तुमको दिखाती हूँ मैं ऑक्जैलिक एसिड से बनता है ऑक्जिलेट लिगेंड ऑक्जैलिक एसिड से ये देखो ये भी क्या करेगा दो डोनर साइड लाइसिन एटो होता है सी एच टू एन एच टू और सी डबल ओ ठीक है सी डबल ओ थोड़ा सा स्लोली बोलते हैं नहीं तो गला बैठ जाएगा ये देखो इसके पास भी दो डोनर साइट इसके पास भी दो डोनर साइट इसके पास भी दोनों एनी लीगेंट एनी सच लीगेंट विच टू डोनर साइट्स इन टोटल विल बी टर्म्ड एज बाईड लीगेंट अच्छा इसमें एक चीज देखो इसमें दोनों डोनर साइट सेम है हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाईड सिमेट्रिकल बाईडेंटिट सिमेट्रिकल बाईडेंटिट का क्या मतलब है नोट्स भी साथ साथ बना रहे हो ना नोट्स साथ साथ बनाओगे तो बहुत मजे आएंगे बेटा फिर कब कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चन लगा सकते हो तुम सिमेट्रिकल बाईडेंटेट एक जैसी डोनर साइट्स दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल बाईडेंटेट ये भी क्या है सिमेट्रिकल बाईडेंटेट ये कैसा है बिटू अनसिमेट्रिकल बाईडेंटेट ठीक है अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिक बाईडेंटेट क्यों बोला इसको बिटू अपन ने अनसिमेट्रिक किसको अनसिमेट्रिकल क्यों बोला उसका रीजन था ये डोनर साइट अलग है 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 तो इसको हम क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड चलो आगे मूव करते हैं बाइडेंटेड के बाद ये पॉलीडेंटेड देखो ये मैं एक ऐसा विजुअल लाई हूँ जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सौ कि एक ही लीगन मल्टीपल डोनर साइट्स के थ्रू मेटल आइटम को कैसे होल्ड करता है मजे आए मजे आए विजुअलाइजेशन से किलर विजुअलाइजेशन है ना कि कोई एक लीगेंड अपने खूब सारी डोनर साइड से किसी सेंट्रल मेटल आइटम को कैसे होल्ड करता है दिस इज द विजुअल थ्रू थ्रूच तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर डेंटिसिटी होती क्या है अच्छा बच्चों अपने अगले वन शॉट में हर बच्चे ने अपने एक एक फ्रेंड को रेफर करना है ठीक है तब पढ़ाने में भी मजा आएगा मुझे पता है ये शुरुआत है लेकिन तुम सपोर्ट करोगे तो हमारी भी एनर्जीज बहुत ज्यादा रहेंगी ठीक है अपनी फ्रेंड्स को so एटलीस्ट एक, एक फ्रेंड को रेफर करके यहाँ पे जरूर लाना तो मज़ा आएगा पढ़ाने में ओके सो दिस इज पॉलीडेंटिसिटी अब ये देखो खूब सारा पॉलीडेंटेट हो गया आगे बढ़ते हैं पॉलीडेंटेट का बेहतरीन एग्जाम्पल जहाँ इतना कॉम्प्लेक्स लीगेंट्स जो सिर्फ एक है सिर्फ़ एक है ई वो किस तरीके से अपने छह दांतों से मेटल को पकड़ के बैठा है इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंट्स क्या बोलते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंस ओके okay. आगे बढ़ते हैं ब्रिजिंग लीगेंस क्या होते हैं ब्रिज मान लो मैं एक ब्रिजिंग लीगन हूँ तो मैं सिर्फ एक मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगी मैं आजू वाले और बाजू वाले दोनों मेटल्स को एक साथ इलेक्ट्रॉन दूंगी तेरे को भी इलेक्ट्रॉन दूंगी तेरे को भी इलेक्ट्रॉन दूंगी ठीक है तो मैं कौन हुई ब्रिजिंग लिगेंड क्योंकि मैंने दोनों मेटल्स को एक साथ इलेक्ट्रॉन एक ब्रिज का रोल निभाया है ठीक है तो सच कॉल्ड एज ब्रिजिंग जैसे दो इलेक्ट्रॉन है ना तो एक इसको दे देगा दे एक इसको दे देगा दे तो ऐसे लीगेंस को भी टू अपन क्या बोलते हैं ब्रिजिंग लीगेंस बोलते हैं ठीक है अब पाई पाई एक्सेप्टर एक्सेप्टर लीगेंट बोलता है क्या रे मैं हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करूंगा मेरे को भी इलेक्ट्रॉन मांगता है लीगेंट का एक बेसिक रोल होता है लिगेंड ने होल्ड किया है या मेटल ने बेटा होल्ड वर्ल्ड वाले कोई फंडा नहीं होता इट इज जस्ट ए बॉन्ड बोथ हैव देयर इंडिविजुअल वन वन इज इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 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 अदर एक्सेप्टिंग लिगेंड डोनेट कर रहा है मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और अड़े किस हुए होल्ड किसने किसको किया हुआ है होल्ड वर्ल्ड का सिस्टम नहीं होता है ठीक है ओके अब आगे सुनो पाई एक्सेप्टर अब एक लीगेंड को बहुत बुरा लग चुका है वो कह रहा है क्या रे हमेशा तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन मंगवा देते हो डोनेट करवा देते हो कभी तो मैं भी इलेक्ट्रॉन लूंगा यार हमेशा क्या मैं सबका भला करता रहूंगा भला करने के लिए पैदा हुआ हूँ मेरे को भी मेरा भला करना है तो मेटल को बोलता है कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा जो कि मेरी नियत है जो कि मेरी फितरत है जो कि मेरा नेचर है लेकिन इस बार मैं तेरे से भी इलेक्ट्रॉन वापसी में लूंगा इसको बोलते हैं पाए एक्सेप्ट लीगन लिगेंड है तो डोनर है लेकिन डोनर के साथ साथ एक्सेप्टर भी है तो डोनर प्लस एक्सेप्टर दोनों तरीके से रोल प्ले करता है डबल बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में इसको हम क्या बोलते हैं पाई एक्सेप्टर जैसे सी हो गया एनओ हो गया ठीक है आगे मूव करते हैं एमबीडेंटेट एमबीडेंटेट पता क्या होता है एक ऐसा लिगेंड जिसके पास में एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं ठीक है लेकिन एक समय पे एक ही डोनर साइट्स यूज एक ही डोनर साइट यूज कर सकता है एक समय पे एक ही डोनर मम्मी का चाटा देखा है सीधा भी पड़ता है उल्टा भी पड़ता है लेकिन एक समय पे एक गाल पे तो एक ही तरीके से पड़ेगा ना दोनों कैसे पड़ जाएंगे बहुत टैलेंटेड जाओगे जब तुम मम्मी दोनों हाथों से चटाक चटाक लगाएंगी फिर तो तुम्हें बहुत टैलेंट चाहिए तो मम्मी या तो ऐसे मारती है चटाक, या ऐसे मारती है ठीक है लेकिन मम्मी के पास पावर दोनों तरीके की होती हैं तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर साइट्स हैं बट एक समय पे एक मेटल के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सके उसको हम क्या बोलते हैं एमबीडेंटेड लिगेंट देखो एनओ टू नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है सी कार्बन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है नाइट्रोजन के थ्रू भी बट एक समय पर एक ही

रोशन जो है उनके हाथ के एग्जाम्पल से हेग्जा डेंटेड विजुअलाइजेशन ओके तो हेक्टेड भी हो सकते हैं सबको क्या बोलते हैं पॉलीडेंटेड देन ब्रिजिंग कि मैं अकेला लिगेंड इससे इससे भी इससे को भी को इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको भी इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये क्या हो जाएगा पॉलीडेंटेड देन होगा एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि मेरे पास मैं तो दो डोनर साइट है बट एक समय पर क्या करूँ एक ही डोनर साइट यूज कर तो सकता हूँ मम्मी कहती है चाटा तो बेटा मैं तेरे को दोनों लगाना चाहती हूँ सीधा और उल्टा लेकिन क्या करूँ एक समय पर एक ही हाथ से पड़ता है है ना तो वो लिगेंड है फिर होता है पाई पाई वा लेने वाला कि क्या मुझे हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा इलेक्ट्रॉन लूंगा इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्टर कीलेशन कीलेशन क्या होता है वो सुनना अब ये नई चीज आई कीलेशन कीलेशन का मतलब होता है तुमने ये देखा ना अभी इसका नाम बताओ जरा इसका नाम बताओ जरा ये कौन सा लीगेंड जो है मैं बना रही हूं ये कौन सा लीगेंड है जो मैं बना रही हूं लीगेंड है मैं मेकिंग राइट नाउ एन इथाइलिन डायमिन राइट अब इथाइलिन डायमिन जिसके पास दो नाइट्रोजन है वो किसी एक मेटल के साथ जब एक साथ दोनों डोनर साइट्स के थ्रू बेटा बॉन्ड बनाता है तो क्या ये एक गोल गोल रिंग नहीं बन गई गोल गोल रिंग इस रिंग को हम बोलते हैं किलेट रिंग क्या बोलते हैं हाँ प्रैक्टिस करवाऊंगी अभी किलेट रिंग ठीक है इस क्लेशन से हम ये मानते हैं मैंने कैपिटल में लिखा है कीलेशन गिव्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स मतलब अगर तुमसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएं और तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जिसमें कीलेट रिंग बनती हैं और जितनी ज़्यादा बनती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में कलेट रिंग से स्टेबिलिटी आती है और रिंग क्या चीज़ है बस ये रिंग ये क्या चीज़ है रिंग ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं नीट 2023 में ये क्वेश्चन है इसको करके बताओ मुझे विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल इस बार का तरोताजा क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 95 यानी कि पहले 10 से 15 सवाल और आखिरी 10 से 15 सवाल में कोऑर्डिनेशन के दो क्वेश्चंस आते हैं एक पहला एक आखिरी इस बार तीन आने की उम्मीद है क्योंकि बहुत सारी चीजें हटी है ना <coughs> हां जी करेक्ट आंसर क्या लग रहा है देखो अब यहाँ पे आ, ये 2023 का लेटेस्ट तरह ताजा ताज़ा निकला हुआ सवाल है ये इससे लेटेस्ट क्वेश्चन ही नहीं है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो देखो क्या पूछा है इन लोगों ने किले ड्रिंक पर सवाल पूछे कितना आसान है है ना तो देखो इसमें कोई किले ड्रिंक नहीं बन रही है इसमें बन रही है इसमें नहीं बन रही है इसमें नहीं बन रही है, बन रही है। तो ये टू इज द करेक्ट आंसर कर लोगे फर्जिया हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर ये नीट 2021 का क्वेश्चन है ये करके दिखाओ नीट 2021 का क्वेश्चन है जल्दी से करके दिखाओ फटाफट से क्विकली इजी इजी क्वेश्चन मैम डेंटेड लिखे भी होते हैं ना बेटा डेंटेड के नाम में फ्लेक्सिबल वर्ड दिखता है फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जैसे ईडीटीए नहीं होता चॉइस से डोनर साइड टोटल छह है पर मर्जी पड़े जो यूज कर लो चार है तो चार यूज कर लो तीन है तो तीन यूज कर लो तो यूज़ कर लो तो फ्लेक्सीबल अबाउट द डोनर साइड इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीटेड ठीक है बिटू नैन्सी हम्म इसका आंसर क्या है ए इथाइलिन डायमीन ट हजार इक्कीस में ईडी के बारे में पूछा गया आपसे कि हेग्जा डेंटेड लीगेंड विथ चार ऑक्सीजन एंड टू नाइट्रोजन मतलब इसका मतलब नीट का रुझान अगर अपन देखें वाया क्वेश्चन तो तुम ये देखो लीगेंस के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लीगेंड के स्ट्रक्चर पे इथाइलिन डायमिन पे भी पूछा हुआ है डायमिन टेट्रासीड आयन और उस पर भी पूछा हुआ है सिंपल इथैलिन डायमीन पे वो क्वेश्चन मैं आई डोंट थिंक मैं लेके आई हूँ बट लीगेंड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछते हैं तो हेक्साडेंटेड लीगेंड है अब ये हेक्साडेंटेड है लेकिन ये फ्लेक्सीडेंटेड भी है मैंसी रीजन ये है कि बेसिकली uh, क्या होता है बेसिकली <coughs> क्या होता है कि अगर कोई ऐसा हो जो कि अपनी मर्जी से देना चाहे इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्लैक्सीडेंटेड मतलब अपनी मर्जी से उसके पास डोनर साइड छह है वो दो यूज करे तीन यूज करे एक यूज करे उसको हम क्या बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेड लीकन ठीक है चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम्म आगे प्रोसीड करते हैं होमोलेप्टिक इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस देखो अब होमोलेप्टिक बहुत सिंपल बहुत ही ज्यादा सिंपल होमोलेप्टिक का मतलब होता है एक ही टाइप के सारे के सारे लीगन एक ही टाइप के जैसे इसमें देखो निकल के साथ सारे लिगेंट एक जैसे हैं कोबाल्ट के साथ ligand, सारे लिगेंट एक जैसे हैं एक ही टाइप ओनली वन टाइप ऑफ लीगेंट होमोलेप्टिक खूब सारे टाइप के लिगेंट जिसमें वो क्लोरीन भी है पानी भी है तो क्या हो गया ये हेट्रो हेट्रोलेप्टिक इसमें देखो तो क्लोरीन क्लोरिन भी अमोनिया भी है तो क्या हो गया ये है? हेट्रोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है एक से ज्यादा तरीके के लिगेंट्स होते हैं तो हम उसे हेट्रोलेप्टिक कहते हैं और एक ही तरीके के लीगेंट्स होते हैं तो हम उसे होमोलेप्टिक कहते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नोम लेटे स्टार्ट करें टोटल छत्तीस मिनट हुए हैं आप कितनी देर का टारगेट बनाना है बोलो रूमेंट लेजे जगह मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को एकदम अच्छे से आता है वो ए लिख दो जिनको मॉडरेट आता है वो बी लिख दो जिनको बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो सी लिख दो फटाफट से मुझे बताओ उस हिसाब से मैं स्पीड अपना रखूंगी ए मतलब हमने हमें अच्छे से आता है बस प्रैक्टिस चाहिए बी मतलब मॉडरेट आता है ठीक ठीक और सी मतलब कि बिल्कुल भी नहीं आता मॉडरेट मतलब, आता है ठीक है तो मॉडरेट को हाईफाई अपन बना देंगे नोट तो के लिए मैंने लिखा, तुम मेरी बात सुन लो किसी भी ध्यान से सुनना पॉइंट नंबर वन किसी भी कोर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपने किसको नाम देना है केटायन को फिर उसके बाद में एन आय को पहला रूल क्या है एम बी हरीश को बिल्कुल भी नहीं आता अरे यार मैं समझाऊंगी तुम ध्यान से सुनो तुम जब किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या तो ऐसा हो सकता है कि जिसके राइट साइड में कोई काउंट्रैन लगा हुआ जैसे सी एल टू ऐसा भी हो सकता है जिसके लेफ्ट साइड में कोई काउंट्रैन लगाओ के या के टू या एन ए टू ठीक है इसका मतलब कोई भी कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हो सकते हैं फ्रॉम दिस आयोनाइजेशन वाला जो जोनर है जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं तो बेटा कोई भी कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मोस्टली 99% केसेस परसेंट में कैटायन और एनायन में टूट जाता है ठीक है जैसे एनायन इस केस में क्लोरीन एनाइन हो गया और पूरा कॉर्डिनेशन फेयर कैटाइन हो गया इस केस में पोटेशियम क्या हो गया कैटायन हो गया और पूरा कॉर्डिनेशनफेयर एनायन हो गया तुम ये ध्यान रखना कि as soon as you identify cation and anion in a coordination compound, रूल नंबर वन इज कि cations को पहले नाम दिया जाता है ठीक है इस केस में आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से नाम शुरू करेंगे और नीचे वाले केस में आप पोटेशियम से नाम शुरू करेंगे मतलब जो कैटायन है वो पहले आएगा क्लियर जो कैटायन है वो पहले आएगा सबको क्लियर है दूसरी चीज ये है कि जब आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम दे हो बेटा तो पहले लीगेंड को भाव देना फिर मेटल को पहले लीगेंड्स को नाम देना फिर मेटल को पहले लीगेंड्स को फिर मेटल को और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है रूल नंबर टू हो गया रूल नंबर थ्री जब आप लीगेंड्स का नाम दे रहे हो तो हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में एक से ज्यादा प्रकार के लीगेंट्स पाए जाते हैं तो उस केस में आपने क्या करना है एक से ज्यादा टाइप ऑफ लीगेंट में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना मतलब आई मीन करनाट को प्रेजेंट करना है रूल नंबर थ्री हो गया फिर से रिवाइज करवा दूं आप किसी भी कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहले केटाइन को नाम दोगे फिर एनाइन को रूल नंबर टू आप जब कॉर्डिनेशन स्फेयर का नाम दे दोगे तो एक कैसे जो सीक्वेंस चलेगा पहले लीगेन फिर मेटल फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रूल नंबर थ्री एक से ज़्यादा टाइप के लीगेंस होने पर आप एल्फाबेटिकल तरीके से लीगेंट को प्रेजेंट करेंगे रूल नंबर फोर अगर आपका कॉर्डिनेशन स्पेयर एक एनायन है जिंदगी में ना नेगेटिव लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भाव मांगते हैं है ना वो नहीं होते मेरे फूफा जी जीजा जी ये टिपिकल टाइप के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू मांगते हैं नहीं वैल्यू तो हो तो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं शादी में शादी में फूफा जी का एग्जाम्पल पता है ना तो हमारे यहाँ भी कुछ नेगेटिव वाला जो आया ना ना वो हमारे फूफा जी जैसा है जल्दी से नाराज़ हो जाता है इसलिए आप उसको स्पेशल भाव देने वाले हो आप स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे देने वाले हो सोचो आपने अगर कोऑर्डिनेशन फेयर नेगेटिव है तो मेटल को सिंपल मेटल नहीं बुलाना है आप उसको वैल्यू करोगे और आप उससे बोलोगे एट जैसे निकलेट कोबाल्टेट सिल्वर को सिल्वर बोलो तो बुरा मान जाएगा भाई फूफा जी है नेगेटिव नेगेटिव है ना नेगेटिव बुरा मान जाएगा इसलिए नेगेटिव के केस में आपको एक्स्ट्रा भाव दे नहीं है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर में मेटल इज एंडेड विद एट तो निकल एट कोबाल्टेट अर्जेंटेट ओरेट बोरेट अरे कहीं भी एट चिपका देना एट मतलब बाई लगू समझे तुम दूसरी चीज अगर लीगेंड ही नेगेटिव है कहीं पे भी लीगेंड हो लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिगेंड को ओ साउंड के साथ एंड करना है ओ एग्जाम्पल बताती हूं देखो जरा ये नेगेटिव है यह ने हर नेगेटिव चीज तुमसे एक्स्ट्रा भाव मांगेगी अगर लिगेंड नेगेटिव है तो लिगेंड के नाम के आगे ओ लगाना पड़ेगा अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के आगे तुम्हें एट लगाना पड़ेगा तो देखो एमिडो क्लोरियो या क्लोराइडो फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइडो जिसको मर्केप्टो भी बोलते हैं साइनो ओ इमीडो ठीक है आइसोथायोसाइनेटो नाइट्रो या नाइट्राइटो ऑक्सो एजाइडो ओ क्योंकि ये क्या है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या 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 लगाना है चैट बॉक्स में स्पैम कर दो ओ ऑक्सो हाइड्रोक्सो नाइट्रेटो बुरा मान जाएंगे नेगेटिव है ना नेगेटिव लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं ठीक है घसीटो घसीटो क्या होता है नैन्सी <laughs> आगे न्यूट्रल लिगेंड को कोई बात देने की जरूरत नहीं है न्यूट्रल मतलब नॉर्मल इनको कोई भाव देने की ज़रूरत तुमको नहीं है तो ये थाइलिन डायमिन इज ए न्यूट्रल लिखे नहीं, नहीं तो थाइलिन डायमीनो ये मेरी इतनी भी वैल्यू मत करो मैं इस काबिल नहीं हूँ ठीक है अमीन अमीनो नहीं पिरीडीन पिरीडीनो नहीं ट्राईफिनइल फोस्फीन ट्राईफिनल फोस्फिनो नहीं ठीक है नाइट्रोसील नाइट्रोसीलो नहीं तो ओ लगाना है सिर्फ नेगेटिव तो चार चीज़ों में मैंने पूरे रूल तुमको समझाए हैं पहला कैटाइन को पहले नाम देना है ए नाइन को बाद में अब ए नाइन तो बुरा मानिए एनाइन तो हमारे फूफा जी हैं कहे मेरे को क्यों बाद में यार तुमने कैटाइन को प्रायोरिटी पे रख दिया तो फूफा जी तो क्या कहते हैं इनको जगह दे दी इनको मिठाई खिला दी इनसे शरबत पूछ लिया मैं नाराज़ हूँ तुमसे तो नहीं नहीं, नहीं आप नाराज़ मत आपके मेटल के आगे हम एट लगाएंगे ठीक है तो रूल नंबर वन ही कहते हैं कि पहले कैटाइन को नाम देंगे फिर एनआन को इससे एन आइन होगा नाराज़ रूल नंबर फोर में हम उसकी नाराजगी दूर करेंगे रूल नंबर टू कहता है जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हो तो उसमें पहले लिगेंड फिर मेटल फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रूल नंबर फोर ये कहते हैं लीगेंड एक से ज्यादा टाइप के होने पर उनको एल्फेबेटिकल दे दो प्रेजेंट कर दो और रूल नंबर फोर या फाइव जो भी है वो ये कहता है कि नेगेटिव चीज़ों को एक्स्ट्रा भाव है अगर लीगेंट नेगेटिव है तो ओ सेंड होगा और अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के आगे एट लगाना है चलो जी स्टार्ट करते हैं सब पढ़ा दिया मैंने इसका नाम बताओ जरा सिंपल सिंपल है फिर उसके बाद क्वेश्चन हैं मतलब क्वेश्चन के जरिए ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए एग्जाम्पल तो मैं कमी लेके आई हूँ पढ़ लो आ जी बोलो बेटू आंसर हाँ श्रद्धा नेगी जब फूफा जी नाराज हो जाते हैं ना तो मक्खन तो लगाना ही पड़ता है <coughs> ये एनायन है हरीश तू मेरे को आंसर दे बेटा ये केटायन है <coughs> <coughs> काउंटर को देख के पता लग रहा है कि वो एनायन है तो पहले केटायन को नाम देते हैं इसका मतलब यहाँ कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से नाम शुरू होगा कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या सीक्वेंस होता है लीग मेटल कॉर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हैगजा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हेक्सामीन अमीन थर्ड क्लोराइड पता कैसे आया अपने वही चार पांच जो गिने चुने रूल्स हैं हेक्सामीन कोबाल थर्ड क्लोराइड वेरी गुड पता क्या किया एनायन को बाद में नाम फर्स्ट रूल में पहले फुफा जी नाराज होंगे चौथे रूल में मनाए जाएंगे पहले रूल में एनायन को हमने भाव नहीं दिया केटाइन को भाव दिया है है ठीक तो पहले रूल में क्या होगा कोबाल्ट और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप डाल के क्या आ जाएगा काउंटर एन का नंबर आ जाएगा तो बेटा एक बात सोचो जरा ये कैसे आया ये वैसे तो देखो नाइनटी नाइन परसेंट बच्चों को पता है फिर भी मैं बता दू पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करके रेसिडुअल उल्टा चार्ज मेटल पे लगा दो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में तीन क्लोरीन है एक क्लोरीन पे माइनस वन का चार्ज होता है तीन क्लोरीन पे माइनस थ्री रेसिडुअल चार्ज प्लस थ्री अलग से एक्स वैक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसका नाम तो देखो ये कैटायन है ये कैटायन है और बाहर काउंटर आयन जो है वो एन आयन है एन आयन है ठीक है तो पहले किसको नाम देते हैं पहले रूल पहले रूल में फुफा जी को नाराज करते हैं पहले कैटाइन को नाम देंगे कैटाइन को नाम देंगे हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है मतलब दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकल प्रेजेंटेशन अल्फाबेटिकल कैसे अमीन का ए पहले आता है क्लोरीन का सी बाद में आता है तो पेंटा अमीन पेंटा अमीन क्लोराइडो अब देखो अमीन तो न्यूट्रल लिगेंड था तो अमीन बोला अमीनो नहीं बोला क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड क्लोराइडो क्लोराइडो नेगेटिव चीज़ों को एक्स्ट्रा भाव ठीक है फिर कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर थोड़ा गैप डाल के क्लोराइड ठीक है अब बिट्टू क्या करना है टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है दो और एक तीन टोटल क्लोरीन है तो माइनस थ्री है रेसिडुअल चार्ज आ जाएगा प्लस थ्री बस समझे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड चलो इन दोनों को भी नक्की करो फटाफट यहाँ पे भी ये क्या है कैटायन है तो कैटायन को पहले नाम देंगे हरीश आया तेरे को फिर एनायन को इधर टन काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का पहला नाम आएगा और फिर कोऑर्डिनेशन पेंटामिन क्लोराइड काम क्लोराटो क्लोराइड वेरी गुड नानसी बिटो अब इन दोनों के नाम कर दो फटाफट फटाफट से हम्म

क्रोमियम क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड यू नहीं मोनो के डाई क्लोराइड बस क्लोराइड देखो कहीं पे भी अपने काउंटर का नंबर नहीं दिया तीन क्लोरीन थे तो भी क्लोराइड बोला दो क्लोरीन थे तो भी क्लोराइड बोला और एक क्लोरीन था तो भी क्लोराइड बोला ट्राई डाई ये नहीं किया है कन्फ्यूजन एकदम क्लियर रखना ठीक है अब ऑक्सीडेशन स्टेट को टोटल थ्री नेगेटिव चार्ज है तो टोटल प्लस थ्री आ जाएगा ओके इसका नाम दो इसमें कैटाइन पोटाशियम है तो पोटाशियम को पहले नाम दो अच्छा टेट्रा पोटाशियम की गलती मत कर देना पोटाशियम मतलब पोटाशियम तो पोटाशियम पोटाशियम ठीक है फिर गैप डाल के टेट्रा साइनो निकलेट निकल लेट निकले क्यों निकल लेट गया क्यों लेट गया निकल लेट क्यों लेटा निकल क्योंकि

बेटा निकल एट कर देना अनिशा बेटा तूने निकल लिख दिया राजा निकल एट ठीक है ओके अब आगे ये वाला कर लो इसमें देखो ये कैटायन है ये कैटायन है और ये एनायन है तो पहले किसको नाम देते हैं कैटायन को नाम देते हैं तो और डाई सोडियम की गलती नहीं करना काउंटरैन का नंबर कभी भी एक्सप्रेस हम नहीं करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा सोडियम क्या नाम हो जाएगा बिट्टू सोडियम ठीक है और फिर एनाइन का नाम आएगा तो एनआन तो फूफा बन के बढ़ गया कि तुमने तो कैटाइन का नाम दे दिया अब मैं तो बुरा मान गया तो फिर पाई लागू करना पड़ेगा ना कैसे सिलिकेट तो सोडियम हेग्जा थोड़ा सा गैप डाल के लंडन मत पहुंचा देना बस थोड़ा सा गैप डाल के मैंने थोड़ा सा लंडन पहुंचा दिया हैग्जा फ्लोराइडो फ्लोराइडो सिलिकेट डोंट फोगेट टू पुट एट इन केस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन क्लियर है सबको हेग्जा फ्लोरो भी लिख सकते हो फ्लोराइडो सिली केट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी माइनस uh, सिक्स इसकी है और प्लस टू इसकी है तो माइनस फोर बच्ची और सिलिकेन पे आ जाएगी प्लस फोर ठीक है क्लियर टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव को सेटल डाउन करके मैं जो भी बचता है वो उसका उल्टा चार्ज मेटल पे लगा देती हूँ हेग्जा फ्लोरोिकेट वेरी गुड वेरी गुड बेटा आसिफ नानसी रिद्धि ओके अब ये वाले आ गए ब्रिजिंग लिगन्स अब ब्रिजिंग लिगेंस में क्या करना है वो सुनो ब्रिजिंग लियंस को हम नाम लिखते वक्त म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ठीक है अब ब्रिजिंग लियंस कौन कौन से होते हैं जैसे एक तो ओ OH एच माइनस होता है तो अगर ये ब्रिजिंग है तो हम इसको बोलते हैं म्यू हाइड्रोक्सो म्यू हाइड्रोक्सो लिख लो इसको अगर नहीं मालूम है तो एनएच टू माइनस इसको हम बोलते हैं म्यू एमिडो एमिडो ठीक है एनएच टू माइनस इसको हम बोलते हैं म्यू ईमीडो म्यू इमीडो टू ठीक है तो ये एटलीस्ट तीन तो लिखो ब्रिजिंग लिगंस लिख लिए इसमें प्रॉब्लम होता है अभिनव नहीं होगा प्रॉब्लम तूने अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा रखा है मजा ल कि मैं तेरे को प्रॉब्लम आने दूंगी तू मुझे जब तक कंफर्म नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी ठीक है इसको ध्यान से देखो इसमें हमें लेफ्ट टू तो राइट मूव करना है अब इसमें तीन पोर्शन में नाम बट बत... मतलब नाम का तीन पोर्शन में तुम बंटवारा करना ठीक है पहला पोर्शन क्या है देखो ये दूसरा ये और तीसरा ये ऐसे टुकड़े करो जब कोई चीज़ मुश्किल होती है ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करना ना बहुत आसान होता है तुम्हें तो पता है मेरे घर इधर स्टूडियो की खिड़की से रेलवे स्टेशन दिखता है और आज पहली बार मैंने ये नोटिस किया मैं कभी खिड़की के बाहर देखती नहीं हूँ पर आज मैं देख रही हूँ तो वो कॉलेज वाले जो खूब सारे बच्चे होते हैं ना उनका मुझे ग्रुप दिखाई दे रहा है तिरंगी कपड़ों के अंदर वेट कर रहे हैं ट्रेन का बड़ा अच्छा लग रहा है पिक्चर के सीन जैसा लग रहा है सामने ट्रेन का वेट कर रहे हैं मस्ती मार रहे हैं एकदम हाँ चलो चलो समझो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था मुझे बहुत गुड फील आई उनको देख के <coughs> हाँ तो पहले ये पोर्शन फिर ये पोर्शन फिर ये पोर्शन जब भी कोई चीज़ मुश्किल होती है उसे उसके ब्रेकअप्स कर लिया करो तो वो ईजिली तुमको समझ में आने लगेगी ठीक है अब इसमें क्या करना है तुम एक पता है ना बात हमेशा लीगेंट को पहले नाम दिया जाता है फिर मेटल को पहले लीगेंट फिर मेटल इस तरीके से नाम दिया जाता है पहले लीगेंट फिर मेटल तो इसमें लीगेंट का ने थाईलैंड आई और ये कॉम्प्लेक्स लीगेंड है कॉम्प्लेक्स लीगेंड के नाम के आगे डाई नहीं आता बिस आता है और स्पेशली इथाइलिन डायमीन में इथाइलिन डायमीन में तो डाई आ ही नहीं सकता उसके खुद के नाम में डाई है तो डाई इथाइलिन डायमीन तो कितना वियर्ड और बद्दा साउंड होता है तो उसके आगे क्या आता है बिस कॉम्प्लेक्स लीगेंड अगर दो होंगे तो डाई नहीं आएगा बिस आएगा तीन होंगे तो ट्राई नहीं आएगा ट्रिस आएगा चार होंगे तो क्या आएगा मैं बताऊँ चार आएंगे तो टेट्रा नहीं आएगा टेट्रा किस आएगा पांच होंगे तो पेंटा नहीं आएगा पेंटा केस आएगा अब ये इन्होंने क्यों ऐसा किया मेरे को नहीं मालूम है मुझसे नहीं पूछना कि मैं ऐसा भद्दा और अजीब नाम क्यों है लेकिन ऐसा ही है बिस ट्रिस टेटरकिस पेटाकिस हेक्साकिस हेप्टाकिस हे राम 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 तो ये क्या हो जाएगा अपना बिस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हम अभी निकालेंगे तो 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट डैश हम अभी निकालेंगे ये पोर्शन निपटा दिया अब ब्रिजिंग लिगेंस को अल्फाबेटिकली निपटाओ बीच का टुकड़ा ब्रिजिंग लिगेंस का है तो मुझे बताओ ये कौन सा है ये NH2 माइनस है NH2 माइनस क्यों खाली NH है ना तो NH2 माइनस तो ये इमीडियो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहले आ गया यार तो पहले तो एच को लिखोगे तो क्या लिखोगे म्यू हाइड्रोक्सो म्यू हाइड्रोक्सो फिर क्या लिखोगे म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो फिर उसके बाद ये पोर्शन भी निपट गया अब इसकी बारी तो इसमें भी तो पहले ली एंड फिर मेटल आएगा फिर आएगा बिस इथाइलीन डायमीन फिर कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और क्योंकि चार्ज छोड़ा हुआ है हम इसको एंड करेंगे आयन से अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी निपटा लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लेटेस्ट कंप्लीट देखो मैंने कहा था टोटल नेगेटिव चार्ज का रेसिडअल एक्अल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज मेटल पर डालना है इस पर कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है माइनस टू इस पर कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है माइनस वन इन पर तो कुछ है ही नहीं अच्छा अगर माइनस थ्री इस पर है तो दो मेटल है तो टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस थ्री ये जो कॉर्डिनेशन स्वेयर के ऊपर चार्ज है यहाँ आ गया प्लस थ्री इसका मतलब टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस सिक्स इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री ठीक है मैं खैर इसको एक्स से नहीं करती मैं ऐसे करती कि इस पर भी तीन है बाहर भी तीन है छः हो गए छः के दो टुकड़े कर लेती थ्री थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती थ्री और ये क्लियर तो बिस इथाइलिन डायमिन कोबाल थर्ड म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो बिस इथाइलिन डायमिन को थर्ड आयन क्या किया हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स के तीन टुकड़े किए इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पहले टुकड़े के अंदर अपन ने इस पोर्शन को निपटाया फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स को निपटाया फिर इसको निपटाया रूल्स वहीं है इस पोर्शन को निपटाओगे तो पहले लिगेंड फिर मेटल इस पोर्शन को निपटाओगी तो ब्रिजिंग लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस पोर्शन को निपटाओगे तो पहले लिगेंड फिर मेटल ठीक है चलो ये तुम अपने आप करो करो बेटा सबसे सही चीज़ होती है कि तुम ऑक्सीडेशन स्टेट का पहले पता लगाते हैं अब देखो ये है ये म्यू एमिडो है इस पर माइनस वन रहता है इस पर माइनस वन रहता है और यहाँ पे टोटल माइनस फोर हो गया तो माइनस फोर माइनस वन माइनस वन मतलब माइनस सिक्स माइनस सिक्स का दो जगह बंटवारा करना है यानी ये भी प्लस थ्री ये भी प्लस थ्री कितना सिंपल है देखो ठीक है ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से डिसाइड हो जाती है अब नाम देखो अब मैं नाम लिखूंगी नहीं मैं सिर्फ पढ़ूंगी नाम को हाँ साक्षी मैं बता दूंगी बेटा डोंट वरी कर लिया है तो थम्सअप कर दो मैं नाम इसका इस पे तो लिखने की मत हिम्मत करना बड़ा थक से जाओगे मैं बता देती हूँ टेट्रा अमीन कोबाल म्यू एमीडो म्यू नाइट्रो टेट्रा अमीन कोबाल थर्ड नाइट्रेट यू वॉन्ट मी टू रिपीट इट

नीट में अगर सबसे ज्यादा नोमट्लेचर पे क्वेश्चन देखे गए तो तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा ये वाले पूछे जाते हैं ठीक है तो इनको पता है कहाँ से हिट करना है इनको बेटा हिट करना है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से इसके इस ये वाले नोमटलेचर बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होता इसको करने के दो तरीके हैं इसको करने के बेटा दो तरीके हैं पहले मतलब दो चीजें जो तुम्हें पता होंगी ना तभी तुम इनका नोमथ्लेचर कर सकते हो पहला सेंट्रल आइटम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे प्लेटिनम की होती है प्लस टू प्लस फोर अब ये नहीं पता तो तुम ये नहीं परफॉर्म कर सकते तो मैं बता देती हूँ कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की क्या होती है प्लस टू होती है या प्लस फोर होती है ठीक है उसके अलावा क्रोमियम की जैसे प्लस वन होती है या प्लस uh, थ्री भी हो सकती है सिल्वर की जनरली प्लस वन ही होती है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया जो डी एफ ब्लॉक से हमें लग जाता है वहां से हमें पता लग जाता है ठीक है कायनात बानो दही चीनी तो मैं अब सबको खिला के भेजती हूँ तो खिला के ही भेजूंगी हाँ 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 सचिन आर्यन फोटोग्राफी श्योर बेटा हंड्रेड परसेंट ओके तो दो बातें हैं पहली बात यह है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए और दूसरी बात क्या है कि भैया ये आपस में चिपके कोई भी चीज़ को चिपकाने के लिए गोंद चाहिए होती है गम चाहिए होती है डबल टेप चाहिए होती है इसका मतलब चार्जेस चाहिए होते हैं चार्जेस चाहिए होते हैं कोई भी अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो न्यूट्रल है जिसपे ज़ीरो चार्ज है तो वो टपक के गिर जाएगा चिपकाने के लिए अगर एक पे प्लस टू है तो दूसरे पे माइनस टू होगा एक पे प्लस फोर है तो दूसरे पे माइनस फोर होगा एक पे प्लस वन है तो दूसरे पे माइनस वन होगा एक पे प्लस थ्री है तो दूसरे पे माइनस थ्री होगा अगर तुम्हारा कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर पूरा का पूरा जीरो दिख रहा है चार्ज से है, तो वो तो गिर ही जाएगा ना ऐसा पट से गिर जाएगा चिपकेगा ही नहीं तो दो बातें दिमाग में क्लियर रखना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन दोनों को चिपकाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बिकॉज ये आयनिक वायलेंस ही यहाँ से ब्रेक हो जाता है कंपाउंड ठीक है तो कैसे करेंगे देखो मुझे पता था कि प्लैटिनम प्लस टू या प्लस फोर में रहता है अगर मैं इस वाले प्लैटिनम को एज्यूम कर लेती कि ये प्लस फोर में है लेटेस्ट से मैंने एज्यूम कर लिया कि शायद ये प्लस फोर में होगा हिट एंड ट्राई तो प्लस फोर माइनस फोर से इसका टोटल कोऑर्डिनेशन स्वेयर का चार्ज तो बिल्कुल ही न्यूट्रल आ जाता ध्यान से सुन लो ना मेरी बात कि ये प्लस फोर मैं एज्यूम करती तो प्लस फोर और प्लस माइनस फोर से ये तो जीरो हो जाता और जीरो हो जाता तो फिर ये चिपकता ही नहीं है तो धड़ से गिर जाता इसका मतलब ये प्लैटिनम प्लस फोर तो है ही नहीं तो ये क्या हो सकता है फिर बेटा ये प्लस टू हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है प्लस टू अगर ये प्लस टू है तो प्लस टू माइनस फोर से इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज माइनस टू डेवलप हो जाएगा क्योंकि एक्स आपका प्लस टू है और ये माइनस फोर है तो नेट चार्ज माइनस टू इस पर आएगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट नेट चार्ज इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर आएगा प्लस टू इस प्लस टू से कैसे आइडिया लगाओगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस टू इसका मतलब ये क्या है ये जो चार्ज है प्लेटिनम पे वो फोर है ठीक है तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस फोर इसका मतलब ये वाला प्लेटिनम फोर्थ है और ये वाला प्लेटिनम सेकेंड है क्या तुम्हें तो मेरा फंडा समझ में आया कि मैंने इसको कैसे किया मैंने ऐसे इसकी शक्ल देख के आइडेंटिफाई किया अभी यार प्लाटिनम तो टू एंड फोर में एग्जिस्ट करना चाहिए तो अगर मैंने सोचा ये फोर में तो फोर में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो चिपकेगा ही नहीं फिर मैंने कहा अगर टू में है तो नेट चार्ज इसका जो है वो क्या आ जाएगा माइनस टू माइनस टू से रेसिडुअल चार्ज प्लस टू प्लस टू की वजह से प्लाटिनम का चार्ज प्लस फोर सब कुछ सेट हो गया इसका मतलब ये प्लेटिनम प्लस फोर है ये प्लाटिनम प्लस टू है ठीक है अब तुम्हें पता है ना अब कटाइन और एनाइन भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो पहले कैटाइन को नाम देना फिर एनाइन को कैटाइन को।, को नाम कैसे देंगे टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम फोर्थ ये कैटाइन नाम होगा फिर इधर शुरू कर देंगे टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड ये पूरा नाम है शुड आई राइट इट फॉर यू शुड आई राइट इट फॉर यू द नेम इज यहां से शुरू करो टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम फोर्थ ठीक है फिर थोड़ा सा गैप क्योंकि कैटाइन का नाम कंप्लीट हो चुका है टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनट क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनेट सेकेंड खत्म इसका नाम करो सेकेंड वाले का ना सेकेंड वाले का इस हिसाब से करो कि भैया अगर मैं इसको प्लस फोर करती हूं तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि प्लस फोर इसका और माइनस फोर इसका ध्वस्त हो जाएगा इसका मतलब ये प्लस फोर में नहीं हो सकता तो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है प्लस टू है अगर ये प्लस टू और ये माइनस फोर है तो पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा माइनस टू तो इस पूरे पे चार्ज आएगा प्लस टू क्योंकि पीरिडिन न्यूट्रल होता है तो वो का वो चार्ज मेटल पे भी तुम डाल सकते हो तो प्लस टू इसका मतलब प्लेटिनम ये प्लस टू में है और ये भी प्लस टू में है अब बाकी चीज़ें हटा दो जो कन्फ्यूज़ कर रही हैं ठीक है और एक चीज़ क्लियर है ये एनायन है और ये कैटायन है तो टेट्रा पीरिडिन प्लेटिनम टू टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट टू दिस इज द नेम टेट्रापिडिन प्लैटिनम टू टेट्रा क्लोराइडो प्लाटीनेट टू क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है एक बार बताऊँ वापस से बता दूं देखो मैंने सोचा ये प्लस फोर होगा जैसे ही मैं सोचती हूं प्लस फोर होगा मुझे लगता है प्लस फोर और माइनस फोर तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कैंसिल करेंगे तो मेरे ये हो जाते कि प्लस फोर तो नहीं हो सकता और अगर ये प्लस टू है तो इस पर नेट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे एज अ होल इस कॉर्डिनेशन स्फेयर पर नेट चार्ज आएगा माइनस टू जिसकी वजह से इस पर आएगा प्लस टू क्योंकि दोनों कॉर्डिनेशन स्फेयर इक्वल है अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये अगर माइनस टू है तो ये प्लस टू है अगर ये प्लस टू है तो न्यूट्रल लीगेंड में वो प्लस टू आया कहाँ से मेटल से आया होगा तो मैं पूरे रास्ता खोजबीन करते हुए पहुंच गई कि मेटल टू में अब ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया तो अब तुम करो ये नीट का क्वेश्चन नहीं ये नीट का क्वेश्चन नहीं पहले एक दो तीन चार पांच पांच सवाल प्रैक्टिस कराऊंगी फिर हम नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे ट्वेंटी टू का करेंगे नोमचर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए दो हजार पंद्रह का करेंगे दो हजार तेरह का करेंगे फिर हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे पहले यह क्वेश्चन निपटाओ लो इसको निपटाओ करेक्ट नेम ऑफ दिस इज हाँ नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए श्रद्धा बिल्कुल सही बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पे नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए द करेक्ट नेम ऑफ दिस इज वेरी नाइस nice, देखो रिद्धि और अनिशा ने सबसे पहले आंसर कर दिया है क्या हो जाएगा ये कैसे देखो आइडेंटिफाई किया ये फोर में नहीं हो सकता ये प्लस टू में होगा ये प्लस टू में होगा तो ये बन जाएगा एन आइन एन जिस पे चार्ज है माइनस टू ये बन जाएगा जिस पे चार्ज है प्लस टू अगर इस पे प्लस टू चार्ज है और इधर माइनस टू तो एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू प्लस टू इसका मतलब जो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का प्लेटिनम है वो प्लस फोर में है तो ये आ जाएगा प्लस फोर में अब तुम्हें पता है ये कैटाइन और ये नया कैटाइन को पहले नाम दिया जाता है नाम हो जाएगा टेट्रा आई डाई क्लोराइडो प्लाटिनम फोर्थ टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनइड सेकंड ठीक है तो फर्स्ट इज द आंसर समझे समझे बेटा आया ही करना मतलब मेरे को सबसे पहले मैं क्या करती हूँ मैं ना जो नहीं हो सकता उसको क्रॉस कर देती हूँ ये प्लेटिनम प्लस फोर में नहीं आ सकता क्योंकि अदरवाइज़ प्लस फोर माइनस फोर से ये चिपक ही नहीं पाएगा जीरो हो जाएगा इस पर चार्ज इसलिए पहले मैं ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट करती हूँ कि प्लस टू ये प्लस फोर है प्लस टू को मैं इसको मार्क कर लेती हूँ यहाँ से मैं पूरी पूरी पूरी, पूरी सुलझा देती हूँ अगला क्वेश्चन ये वाला करो इसको करके फिर नहीं ये वाला नहीं ये वाला करो थर्ड वाला क्वेश्चन टू कर लो होमवर्क में क्वेश्चन टू फॉर होमवर्क क्वेश्चन थ्री अभी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन थ्री क्लोरो भी लिख सकते हैं क्लोराइडो भी लिख सकते हैं मिशकत दोनों लिख सकते हो बेटा यहां पे भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से तुम खेल सकते हो क्योंकि क्रोमियम की भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो जाएगी कोबाल्ट की तो खैर होती ही है कोबाल्ट की तो तुमने डी एफ में पढ़ा होगा कि प्लस थ्री यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो कि ये प्लस थ्री है उसकी वजह से ये प्लस थ्री होगा उसकी वजह से ये माइनस थ्री होगा कॉर्डिनेशन फेयर और कॉर्डिनेशन फेयर माइनस थ्री है तो ये क्रोमियम भी प्लस थ्री होगा तो ये ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया दिस इज हाउ यू कैन डू इट ये कैटायन हो गया ठीक है अब कैटायन से शुरू कर दो इसका भी ए आ रहा है अनिशा का डी आ रहा है मिस बाली का ए आ रहा है अभिनव का ए आ रहा है। हरीश गया क्या ए और बी कंफ्यूजन हो रहा है देखो ये ये है। तो अमीन थर्ड, थर्ड, ये होना चाहिए। अब देखो कौन सा है इज द करेक्ट आंसर है ना ओके चलो अब ये होमवर्क में ले लो अब अपन नीट के पीवाई क्यूज करेंगे और सीधा कर लो 2023 में पूछा गया नोमन क्लेचर का सवाल तुमसे हो रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द इजी है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज नीट का 2023 का हर बच्चे ने मुझे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वन शॉट में कम से कम एक फ्रेंड को यहाँ पे लाइव लेके आना है और अच्छा पढ़ाने की गारंटी मेरी है क्या आ रहा है पूरी ट्वेल्थ मैं यहाँ लेने वाली हूँ ठीक है ट्वेल्थ के सारा केमिस्ट्री मैं यहाँ लेने वाली हूँ क्योंकि तुम लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज भेज भेज के मेरे को बिल्कुल दुखी किया हुआ है कि मैम ट्वेल्थ का वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ आपसे वो नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं पढ़ा पूरा ट्वेल्थ यहाँ मैं लेने वाली हूँ ऑर्गेनिक भी पूरी हांजी अनिशा के रेट डी आर्यन यादव कह रहे टू एम बी मैम का बेटू कह रहे हैं डी सौम्या चतुर्वेदी डी श्रद्धा सिंह डी कॉमर्स और साइकोलॉजी एक भी साइंस का फ्रेंड नहीं था पे ज्यादा फोकस हो रहा बच्चों का पूछा क्लोराइड नो 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 दो दो तरह के लिगेंड हो गए पेंटा अमीन कार्बोनेटो ये तो हो ही नहीं सकता कार्बोनेटो लिगेंड अलग है पेंटा अमीन अलग है तो दो लिगेंड होते ही तो होमोलिप्टिक नहीं हो सकता ट्राई अमीन ट्राय ये भी है पोटेशियम टेट्रा ऑक्जिलेटो एक ही टाइप का लिगेंड है तीन ऑक्जिलेटो लिगेंड है फोर इज द करेक्ट आंसर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अब तक कोऑर्डिनेशन में से हर बार दो क्वेश्चन बने हैं शुरुआत के दस बार मोस्टली क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट से लेकर सिक्सटी वन के बीच में नीट का क्वेश्चन मिल जाता है और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा नाइनटी टू हंड्रेड के बीच में मिलता है इस बार तीन का एक्सपेक्टेशन है ठीक है चलो आगे करो ये वाला करो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आया ये दू पी एस सी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज सब ने कॉमर्स ले लिया किससे पढ़ लिए थे बेटा थैंक यू बेटा श्रद्धा सो नाइस टू हेयर दिस फ्रॉम यू बेटा थैंक यू 2022 ट्वेंटी टू का है। देखो नोम में 2023 में भी क्वेश्चन आया 2022 में भी क्वेश्चन आया 21 में भी आया मैं नहीं लाई लेकिन ठीक है <coughs> ये करो आई यूपीएस नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन पे बहुत फोकस करते हैं ये ये वाले जो कॉम्प्लेक्स के टाइम कॉम्प्लेक्स नाइन होते हैं ना सिल्वर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वन होता है जी नैना मिस बाली मैम की बेटू सौम्या चतुर्वेदी मिशकथ नानसी सोनी सारे बच्चे कह रहे हैं कि आंसर डी है देख लेते हैं देखो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे सिल्वर की सबसे ज्यादा पता होती है कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेज में यही करता है प्लस वन माइनस टू से नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाती है माइनस वन जिसकी वजह से इसकी आ जाएगी प्लस वन और वो प्लस वन यहीं से आएगी ठीक है इसका मतलब ये हो जाएगा एनायन क्योंकि नेट जो चार्ज आया वो इसमें माइनस वन आए ये हो जाएगा कैटायन क्योंकि नेट चार्ज इस पर प्लस वन आए पहले कैटाइन को नाम देंगे डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट है कौन है इनमें से डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के और कॉम्प्लेक्स एन में आपको खेलना किस बात के साथ होता है कि कोई भी कॉर्डिनेशन फेयर पर टोटल चार्ज जीरो नहीं आएगा और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए बस उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक, बाद एक वो पूरा सॉल्व हो जाता है क्वेरी और जैसे ही आपने पता लगा कौन के टाइन है कौन ए नाइन है नाम दे डालो ठीक है चलो ये नीट दो में नोमटलेचर का क्वेश्चन करो द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इज करो <coughs> अरे नानसी तेरी स्माइल से यानगिरेज हो गई ना तो हाँ अभिनव ने सबसे पहले आंसर दिया सी वेरी गुड अभिनव गुड गोइंग नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एफ सी एन सिक्स थ्री माइनस हेग्जा साइनाइडो फेरेट थ्री आयन क्योंकि जिसके ऊपर नेट चार्ज रहेगा वो उसका नाम आयन से एंड होता है नीट 2013 का क्वेश्चन करो करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज फटाफट से निपटाओ उसको निपटाओ बिटू द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस इज दक्ष चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया नहीं रिद्धि ने इवन मिसबा मिसबा ने मैं शायद मिस आउट कर गई हूं लेकिन ये वो बच्चे अनीशा हो गई नीलम हो गई सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी या बी बी और सी में फर्क क्या है डाई फ्लोराइडो और डाई फ्लोरो बिस् इथाइली डायमिन इथ क्रोमियन थर्द फ्लोराइडो और फ्लोरो के अलावा क्या डिफरेंस है ऑल राइट right. फ्लोराइडो इज मोर एक्सेप्टेबल बेटा फ्लोराइडो जो है ना सुनो सुना इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है ये इससे ज़्यादा फर्जी सवाल नहीं हो सकता लेकिन फिर भी अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर लो कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें फ्लोराइडो और फ्लोरो दे रखा हो ठीक है तो फ्लोराइडो को प्रेफर कर देना वैसे तो ये बिल्कुल फर्जी बड़ा है क्योंकि फ्लोरो भी सही है फ्लोराइडो भी सही है लेकिन तुम

वो सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स ही अलग हैं तो वो क्या कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और जिनके स्ट्रक्चर्स भी सेम है मोलिकुलर फार्मूले के साथ साथ वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्टीरो आइसोमर्स मैम आपको पता है आपका ये पुरानी से ज्यादा हाँ यस हंसते रहो हमेशा कीप स्माइलिंग हंस के अच्छे से फ्रेश माइंड खुश वा, खुश मन से पढ़ाई किया करो तो देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का पहला टाइप आयोनाइजेशन पता है आयोनाइजेशन क्या होता है एक पर्टिकुलर एंटाइटी किसी आइसोमर में लीगेंड सर्व करती है और किसी दूसरे आइसोमर में काउंटर आयन बन जाती है इसका मतलब अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आयन भी पोटेंशियल लीगेंड बन सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उस केस में हम आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में सोच सकते हैं जैसे देखो इन दोनों पे फोकस करना यहाँ सल्फेट क्या है काउंटर एन और यहाँ सल्फेट क्या है लीगेंड ठीक है इन दोनों में देखना यहाँ ब्रोमीन क्या है काउंटर एन और यहाँ काउंटर एन है ब्रोमीन अंदर घुस गया ठीक है इन दोनों में देखना यहाँ थानेट के आयन और इधर थायोसाइनेट अंदर घुस गया तो बेसिकली अगर एक काउंटर आयन पोटेंशियल लिगेंड भी हो सकता है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म अब यहाँ नाम आयोनाइजेशन क्यों रखा गया है इसका कारण है कि जब इनका आयोनाइजेशन होता है तो डिफरेंट आयन फर्निश करते हैं ये जैसे कि ये ब्रोमाइड ब्रोमाइडाइन टेस्ट देगा और ये क्लोराइड क्लोराइडाइन टेस्ट देगा ये क्लोराइड एन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा तुम देखना और ये ब्रोमाइड ब्रोमाइडाइन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा इसका मतलब इनका आयोनाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है फिर आयोनाइजेशन का स्पेशल फॉर्म है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पानी अगर कोऑर्डिनेशन स्वेयर के अंदर बाहर हो रहा है पानी तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कि वाटर एक बार एज अ काउंटर काउंट्राइन बिहेव कर रहा है एक बार ही ऐस अ लीगेंट बिहेव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट लिंकेज कौन होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड मम्मी का चाटा ठीक है मम्मी सीधे हाथ का रैप्टा मारे तो अलग तरीके से दर्द होता है और उल्टा मारे तो अलग तरीके से दर्द होता है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड भी मेटल के थ्रू अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्सीजन से लिंकिंग करता है तो अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा साइनो हो सकता है कार्बन के थ्रू मेटल से लिंकड हो या फिर हो सकता है नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से लिंकड हो तो इनको हम क्या बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिनमें ये वाले डिफ्रेंसेज आते हैं हम उनको क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स हम उनको क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमर देखो इधर ज़रा ये देखो लिंकेज आइसोमर ये एन टू नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेटेड है और यहाँ पे क्या है ऊपर वाले में एन ओ टू ओ एन ओ से कोऑर्डिनेटेड हो सकता है तो ये क्या बोलेंगे लिंकेज कोऑर्डिनेशन आइसोमर अदला बदली कोऑर्डिनेशन स्फेयर में अदला बदली जैसे देखो अमोनिया तेरी टोपी मेरे सर मेरी टोपी तेरे सर कोबाल्ट के साथ अमोनिया था क्रोमियम के साथ साइनो यहाँ क्रोमियम के साथ अमोनिया कोबाल्ट के साथ साइनो लिगेंड्स की अदला बदली ओ एन ओ टू नहीं बेटा ओ एन ओ ओ एन ओ टू नहीं ओ एन ओ अच्छा मैंने टू लिख दिया शिट सॉरी हाँ, ओके आगे बढ़ते कोऑर्डिनेशन अदला बदली तेरी टोपी मेरे सर मेरी टोपी तेरे सर ये कौन है कोऑर्डिनेशन आइसोमर अगर कॉम्प्लेक्स के टाइन और कॉम्प्लेक्स है ना, जिनका तुमने अभी अभी, अभी निपटाया था उस केस में अगर लिगेंड्स की अदला बदली कर लोगे तुम विद इन कॉर्डिनेशन स्पेयर हम उसको क्या बोलेंगे कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अब आता है Stereo Isomerism. Stereo Isomerism में, वाले आर्टिकल एक तो अच्छे से पढ़ लो क्योंकि काफ़ी चीज़ तो उसी से हो जाती है मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते तो मैं तुम्हें तो कुछ मेजर आर्टिकल पढ़ा देती हूँ एनसीईआरटी के और उसके बाद हम सवाल करने शुरू करेंगे देखो ये मेटल है सबसे पहले एक बात ध्यान रखना ये मेटल है ठीक है एक तो एम ए फोर या फिर एम ए सिक्स ए क्या है लीगेंड है एम क्या है मेटल है इन में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा एम ए फोर में नहीं मिलेगा एम ए सिक्स में नहीं मिलेगा ठीक है उसके अलावा अगर सिर्फ एक ही लीगेंड अलग तरीके का है जैसे एम ए थ्री बी या फिर सिर्फ एक लीगेंड अलग तरीके का ए फाइव बी अपने फोर कोऑर्डिनेशन है ये सिक्स कोऑर्डिनेशन है ये फोर कोऑर्डिनेशन है ये सिक्स कोऑर्डिनेशन है अगर सारे के सारे एक लीगेंड हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा अगर सारे के सारे एक लीगेंड हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा सिर्फ एक लीगेंडा लगो ओनली वन ओनली वन ओनली वन नहीं मिलेगा इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता इज दैट क्लियर एवरीवन वन इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता ठीक है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसमें देखने को मिलता है एम ए टू बी टू टाइप के कॉम्प्लेक्स किसमें मिलता है एम ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स देखो जैसे ये आपके एक जैसे लिगेंस आजू बाजू में आ गए तो सिस हो गया ये वो उल्टे चले गए तो ट्रांस हो गया तो एम ए टू बी टू करना कुछ और हाईलाइटेड था कुछ और हो गया ठीक है तो एनी वेज इनकोम ट्रांस बोलेंगे इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अगर अपन बात करते हैं ये वाली ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस की तो ऑक्टा में देखो जरा ऑक्टा में देखो अगर आजू बाजू लगे हुए सेम वाले तो हम उनको बोलते हैं सिस अगर ऑपोजिट लगे हैं तो हम उनको बोलते हैं ट्रांस ठीक है तो सिस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटी होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं बेटा जो कि इनैंश्यूमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं और जिनका कोई ऐसा इनैश्यूमर भी नेचर में पॉसिबल है और वो भी प्लेन पोलराइज को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है समझे जैसे ये दोनों आइसोमर्स अगर ये लाइट को राइट रोटेट करता है तो ये लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा तो डेक्सट्रो एंड लीवो। ये क्या हो जाएंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे क्लियर हुआ अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये ई एन पता है कौन है ये सिमिट्रिकल बाइडेंटेट है जो इथाइलिन डायमिन था वो है ये तो ये बेसिकली एम ए ए टाइप का लीगेंड है एम ए ए थ्री एम ए ए थ्री में जोमेट्रिकल तो मिलने से रहा क्योंकि सब कुछ एक जैसा है सिस्ट्रांस करोगे किसका इसमें सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमरिज्म मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम इनमें जोमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलता है ज्योमेट्रिकल के लिए यार ए बी होना जरूरी है खाली ए ए से कुछ नहीं होगा सारी की सारी डोनर साइड्स एक ही जोमेट्रिकल लाओगे कहाँ से सिर्फ इनकी टेढ़ी मेढ़ी ज्योमेट्री के कारण इनमें ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है ठीक है ई एन वाला स्टेबल होता है एग्जैक्टली अनिशा बेटा स्टेबल होता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल वाला जो केस है वो पॉसिबल है एम ई एन थ्री में ठीक है इसी तरीके से देखो अब ये क्या है एम ई एन टू सी एल टू इसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है इसके अंदर तो ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है तुम सी एल सी एल को आजू बाजू लगा दिए तो सिस हो गया यही अगर इसको घुमा के सीधा लगा देते इस बल्ब को घुमा के सीधा लगा देते और क्लोरीन ऊपर नीचे लगा देते वो ट्रांस हो जाता कोई भी ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता एक्सेप्ट एम ए बी थ्री कोई भी ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता ए ए टू क्यों मिशकत पूछ रहा ए ए टू क्यों कहां पे ए ए टू ये है ना ई एन दो है ना प्लैटिनम ई e एन होल्टवाइस सी एल टू है ना ये ई एन सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल को हम ए ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों डोनर साइड एक जैसी हैं और एम ए ए टू बी टू बोल सकते हैं इसको कैटेगरी ले सकते हैं ठीक है मिशक ठीक है अब मसला यह है कि इसमें दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे कौन से वाले सिस एंड ट्रांस तो दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोम ही है कौन से सिस एंड ट्रांस अब मसला यह है कि ट्रांस तो ऑप्टिकली एक्टिव होता नहीं एक्सेप्ट वन केस सिर्फ सिस होता है तो स्टीरियोमर्स तीन होंगे देर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस और तीन होंगे क्योंकि सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक इसका भाई भी एग्जिस्ट करेगा सिस वाले का तो वो क्या हो जाएंगे टोटल तीन क्लियर समझ में आया समझ में आया जिस दिन मैंसी डॉक्टर बनेगी उस दिन ऑटोग्राफ तो मैं लेने आऊंगी ना तो थोड़ी लेने आएगी मेरा क्लियर चलो तो ये फंडा हमारा क्लियर हो गया ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो मैं डिस्कस कर रही करूँ ये देखो ये सिस हो गया ट्रांसिस ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक दो और एक इसका भाई तीन हो जाएंगे ठीक है और ये फिर फेशियल एंड मेरीडोनियल व्हाट इज फेशियल एंड मेरिडोनियल एम ए थ्री बी थ्री टाइप के कॉम्प्लेक्सेज में ये मिलता है फेशियल एंड मेरिडोनियल कैसे देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है जस्ट हैव अ लुक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है ऐसे ठीक है अब इसमें तुम ये मानो कि छह टाइप के लिगेंड्स होते हैं सिक्स टाइप के लिगेंड्स होते हैं अगर ये तीनों लिगेंड एक जैसे हों और ये तीनों अलग हों और एक जैसे हों ए थ्री बी थ्री ए थ्री बी थ्री तो मैं इसको ऐसी मुड्डी बना दूँ ऐसी कुर्सी बना देती हूँ तो ऊपर फेस पे तीनों एक जैसे आ जाएंगे और नीचे जो हैं वो तीनों अलग हो जाएंगे ये भी एक जैसे हैं तो मुड्डी में ये सीट बन गई देखो ए ए ए और नीचे बी 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 ठीक है तो हम इनको बोलते हैं फेशियल इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं फेशियल जिसमें एक जैसे लिगेंड एक साथ प्लेस्ड हो तीनों अमोनिया एक साथ प्लेस हैं तीनों नाइट्रो एक साथ प्लेस हैं तो ए ए ए बी 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 ये फेशियल होता है अभी कहीं भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते थे ए ए ए बी 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 ये फेशियल लेकिन किसी एक की भी पोजीशन तुमने ऐसी इंटरचेंज की कि ए ए बी ए बी बी अब ये क्या हो गया मेरेडोनियल इसको कौन बोलती है फेक के मार आइसोमर फेशियल एंड मेरेडोनियल आइसोमर को तुम्हारी मैम क्या बोलती है फेक के मार आइसोमर फेक के मार ये कौन से वाले केस में होते हैं एम ए थ्री बी थ्री इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है अब इसी में एनसीआरटी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ जोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस अब ये एम ए टू बी फोर है कर लोगे अमोनिया को एक बार आमने सामने लगा देना एक बार आजू बाजू लगा देना आजू बाजू लगाओगे तो सिस हो जाएगा आमने सामने लगाओगे तो ट्रांस हो जाएगा इसको देखो सिस सी एल टू ओ एक्स टू इसका सिस आइसोमर वो पूछा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कायरल बेटा ट्रांस इज नॉट कायरल ऑलवेज सिस इज कायरल ठीक है लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ट्रांस भी कायरल होता है मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जिसका ट्रांस भी कायरल होता है कौन सा वाला मैं बताती हूं एम ए बी थ्री इसमें क्या होता है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ए बी थ्री में अब ए बी का एग्जाम्पल बता सकते हो कैन एनी मी द एग्जाम्पल ऑफ ए बी टाइप ऑफ लीगन विच हैजेट्रिकल अनिट्रिकल बागन बताओ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगन का एग्जाम्पल दो मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया था तुमको शुरुआत में जब क्लास शुरू की थी बोलो आ रहा ना जी, ग्लाइसीनेटो ग्लाइसीनेटो मैंने बनाया था ना ऐसा CH2, एच टू सी डबल फिर NH2, ऐसा बनाया था ना मैंने ग्लाइसिनेटो ये होता है ए बी इसकी दोनों डोनो साइड अलग है अगर बेटा इस तरीके का बाइड एंडेट तीन लगे हुए हो ठीक है तो उस केस में उस कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के दो जोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं सिस भी होता है और ट्रांस भी होता है और क्योंकि सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव है ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो दोनों के भाई एग्जिस्ट करेंगे इसका मतलब टोटल स्टीरियोमर्स चार है जोमेट्रिकल आइसोमर्स दो हैं स्टीरियोमर्स चार हैं दिस इज द ओनली केस जहाँ पे ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो एनसीआर के हमने सारे कर लिए हैं एक बार रिविजन करा देती हूँ फिर क्वेश्चन करोगे आइसोमर्स के देखो एनसीआर टी के हमने एग्जाम ये इस ये वाले देख लो तुम ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में अगर सारे लिगिन एक जैसे हैं तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा और अगर ऑक्टाहेड्रल uh, में सारे एक जैसे हैं तो भी नहीं होगा ठीक है अगर अपन बात करते हैं एम ए थ्री बी ए की लिगेंड डिफरेंट है बाकी सारे एक जैसे तो भी नहीं होगा तो स्क्वायर प्लेनर में तो एम ए टू बी टू में हो सकता है एम ए बी सी डी में भी हो सकता है यानी चारों अलग हो तो भी आइसोमर होते हैं तीन जोमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं कैसे वो भी बता देती हूँ मैं तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे देखो एम अगर ऐसा कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन, मिले जिसके चारों लीगेंड अलग हो तो और तुमसे बोला जाए कि इसके कितने जोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो वो क्या होगा वो क्या होगा तीन उसका आंसर होगा थ्री कैसे देखो ए के सामने बारी बारी से देखना अलग अलग आना चाहिए तो एम ए डी सी डी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी मुझे बताना ए सी बी डी ए डी बी सी अब एक और करने वाली बात पे ध्यान दो तुम जरा ए के सामने बी आ गया ए के सामने सी आ गया ए के सामने डी आ गया बस तुम्हें यही इंश्योर करना है अगर बी को रेफरेंस लेते हो तो बी के सामने ए आएगा बी के सामने सी आएगा बी के सामने डी आएगा बस ये तीन बनेंगे अगर सी को रेफरेंस लेते हो तो सी के सामने एक बार ये आना चाहिए एक बार बी आना चाहिए एक बार डी आना चाहिए अगर डी को रेफरेंस लेते हो तो एक बार उसके सामने ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए फिर सी आना चाहिए ये मैं तुम्हें तो ऑप्शन दे रही हूँ ए बी सी ये थ्री जोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ए बी सी डी के ये ये वाला कौन सा है ए बी सी डी में से ये किसके आइडेंटिकल है दिस इज आइडेंटिकल टू ए बी और सी क्योंकि चौथा तो कोई होता ही नहीं है इसका मतलब ये किसी ना किसी का आइडेंटिकल है यस रिद्धि दक्ष चौधरी इट इज़ आइडेंटिकल टू बी क्योंकि हमने यहां ए के सामने सी का प्लेसमेंट किया हुआ है और ये रहा जिसमें ए के सामने सी का यानी ये और ये इसमें कोई फर्क नहीं है ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाती थी तो मैं इसके जब आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने की देती थी तो बच्चे कॉपी पे कॉपी भरते जाते थे

और अगर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं तो ऑक्टाहीड्रल में आपके जो एम ए थ्री बी थ्री फेक के मार्क फेशियल एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है एम ए फोर बी टू ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा इसमें एक ट्रिक भी थी मैं अभी बताऊँ या थोड़ी देर में बताऊँ एम ए फोर बी टू एम ए थ्री बी थ्री इसमें लिगेंड भी दो तरीके के हैं और जोमेट्रिक आइसोमर्स भी दो ही बनते हैं लिगेंड भी दो तरीके के हैं और जोमेट्रिक आइसोमर्स भी क्या होते हैं दो ही बनते हैं ठीक है चलो एनी वेज ऑप्टिकल आइसोमर्स में एम ए ए थ्री के दो बनते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता ठीक है और द ओनली आइसोमर द ओनली लाइक दिस कंपाउंड जिसके अंदर ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो कौन सा होता है ये वाला एम ए बी थ्री सिस एंड ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं इसलिए चार चीजूमर्स इसके बनते हैं क्वेश्चन करो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल ऑप्टिक आइसोमेरिज्म इनमें से तुम्हें कौन लग रहा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कोई करना बता भी दी मैंने अब क्या बता दो बता दो कर रहे हो थोड़ी देर में उसको देखती हूं नोट तो और रिवाइज करवा दूंगी ये बताओ विच ऑफ द फॉलिंग कंपाउंड्स शो जो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखे सबसे पहले कौन आंसर देता है वेरी गुड एमबी वेम्स बेटू आंसर नहीं नहीं सौम्या बेटा ए नहीं है रिद्धि सही बोल रही है श्रद्धा सही बोल रही है ए कैसे होएगा सी एन सिक्स किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोम सी एन तो बेटा एम ए सिक्स तो ज्योमेट्रिकल तक नहीं देता ऑप्टिकल कैसे देगा एम ए सिक्स तो ज्योमेट्रिकल तक नहीं देता एम ए सिक्स कोई सा भी आइसोमिज्म नहीं देता ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल ऑप्टिकल के लिए तो कंपाउंड बहुत अनसिमेट्रिक होना चाहिए बहुत अनसिमेट्रिक यहां तो सिमेट्री भरी पड़ी है तो ये तो हो ही नहीं सकता ए तो ठीक है ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है एल आई हमारे शरीफ जी का है मामला ठीक है तो ये हो गया ये कौन सा वाला है एम ए ए है क्रोमेट थ्री क्रोमियम थ्री ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर हाँ अब ये नोट करो जरा जनरल फॉर्मूला इसमें ना मैं ये बता रही हूं कि अगर सारे के सारे लीगेंड एक जैसे हो एम ए सिक्स तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा एम ए फाइव बी केस मतलब पांच लिगेंड एक जैसे एक लिगेंट एक जैसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है इसमें दो टाइप के लिगेंड है ए फोर बी टू तो दो इसमें भी दो टाइप के लिगेंड है ए थ्री बी थ्री मतलब तीन तीन है लेकिन लिगेंड के टाइप तो दो है ना तो इसमें भी दो जो मेट्रिक क्लाइस आएंगे फिर ए फोर बी सी में भी दो आते हैं ठीक है फिर ए थ्री बी टू सी में तीन आते हैं ए थ्री बी सी डी में चार आते हैं ए टू बी टू सी टू में पाँच आते हैं ए टू बी टू सी डी में छः आते हैं ए टू बी सी डी में नौ आते हैं और अगर ऑक्टाहेड्रल के केस में सारे लिगेंड्स अलग हों तो पंद्रह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इस टेबल को नोट कर लेना इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है बट फॉर योर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की मैम हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए तो उस हिसाब से ये टेबल परफेक्ट है ठीक है ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स दे रखे हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स जो बनते हैं टोटल उसमें इनश्यूमर्स भी देखने पड़ेंगे तो एम ए टू बी टू में कुछ भी नहीं बनता या तो एम ए बी सी डी ई एफ के अंदर देखो ए बी सी डी ई एफ अगर छ के छीगेंड एक जैसे हैं सॉरी अलग हैं छ के छ लीगेंड अलग हैं पूरा रिव्यू करा दूंगा निशा आर रेडी फॉर फुल रिव्यू फटाफट से दोबारा से पढ़ा दूर फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें बता दू मुझे चैट बॉक्स में छ के छ लीगेंड अलग हैं तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना कंपाउंड 6 के 6 लीगेंड अलग हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड तो देखो ए ए बी सी डी ई एफ अब इसके टोटल स्टीरियोमर 30 क्यों हैं कितने आइसोमर बताए थे पंद्रह बताए थे ज्योमेट्रिकल पंद्रह के पंद्रह ऑप्टिकली एक्टिव हैं टोटल स्टीरियोमर 30 हो जाएंगे तो मोनोडेंटेट के, के केस में जो होता है एक तो एम ए2 बी सी डी ई होता है जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है और दूसरा कौन सा होता है एम ए थ्री बी सी डी होता है और एक ही होता है इन तीनों के अलावा कोई केस नहीं होता ठीक है फिर वो बाइडेंटेट में ऑप्टिकल एक्टिविटी आने लग जाती है पूरा रिवाइज करा सम हाँ पूरा रिवाइज करा सम अप करवा दूँ ठीक है फटाफट कराती हूँ नो इश्यूज ये तो तुम नोट कर लेना ये डिटेल्स तो और अनसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है पूरा सम अप करा रही हूँ आइसोमेरिज्म चलो मैं इसको प्यारा सा सम अप कराती हूँ वरी बहुत ही शानदार वाला सम अप कराती हूँ देखो सुनो पानी पी के कराती हूँ सुनो मेरी बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके का आइसोमेरिज्म पाया जाता है एक, है स, आ, structural isomers, एक है structural होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक होते हैं आपके स्टीरियो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मुला भले ही सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे हम उन्हें क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टीरियो के केस में उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमे तो सेम ही होगा उसका थ्री डी ओरियंटेशन कुछ अलग होता है स्टीरियो फर्दर दो तरीके का होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ठीक है अब सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर शुरू हो रहे हैं जिसमें आपका ये आयोनाइजेशन आ गया आयोनाइजेशन आइसोमर वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर और काउंटर आयन का जब आयोनाइजेशन हो तो ये आइसोमर्स अलग अलग टेस्ट दें क्यों क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंडीशन है अगर काउंटर आयन भी पोटेंशियल लीगेंट है तो सल्फेट आयन एक दफा काउंटर आयन एक दफ़ा लीगेंट तो एक सल्फेट आयन का टेस्ट पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा हो गया ना आयोनाइजेशन आइसोमर क्योंकि आयोनाइज होने पर डिफरेंट आयन्स फर्निश कर रहे हैं सेकेंड आता है हाइड्रेट हाइड्रेट में वाटर अंदर बाहर हो रहा है अगर वाटर एक पोटेंशियल काउंटर आयन भी है और पोटेंशियल लिगेंड भी है तो फिर वो एक हाइड्रेट आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएगा लिंकेज एम्बीडेंटेड मम्मी का चाटा एम्बीडेंटेड लिगेंड कोई अगर डिफरेंट डिफरेंट डोनर साइड के थ्रू दो अलग आइसोमर्स में लिंक हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे एम्बीडेंटेड लीगेंड और आइसोमरिज्म को बोलेंगे लिंकेज आइसोमर, बिकॉज मोड ऑफ लिंकेज ऑफ लीगेंड इज डिफरेंट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें तेरी टोपी मेरे सर मेरी टोपी तेरे सर मेरे लीगेंड तेरे तेरे लीगेंड मेरे मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लीगेंड एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन आइसूमर फिर आते हैं आपके कौन से वाले स्टीरियो आइसूमर्स स्टीरियो आइसूमर्स दो तरीके के होते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पहले ज्योमेट्रिकल डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं ज्योमेट्रिकल डिस्कस करूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में तो टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते ही नहीं है क्योंकि टेट्राहेड्रल की सारी पोजीशंस एक दूसरे से एडजस्टेंट होती हैं ऑपोजिट पोजीशंस जहां एग्जिस्ट नहीं करेंगी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर फोर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एम ए फोर नो जोमेट्रिकल ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहे अभी ऑप्टिकल तो है ही नहीं जब जोमेट्रिकल नहीं है तो ऑप्टिकल का तो सवाल ही नहीं उठता एम ए सिक्स एम ए सिक्स अच्छा नहीं सिक्स पर तो आने नहीं है एम ए फोर एम ए थ्री बी हम तो कंडीशन फोर की बात कर रहे हैं एम ए थ्री बी में भी अगर सिर्फ ए की लीगेंड अलग टाइप का हो बाकी सब एक जैसे हो नो जोमेट्रिकल आइसोमर्स सो मेरे एम ए टू बी टू सिस्ट्रॉन्स बट नो ऑप्टिकल आई ओनली जोमेट्रिकल फिर एम ए बी सी डी देर आर थ्री जोमेट्रिकल आइसोमर्स समझे कॉर्डिनेशन नंबर फोर में देर आर टू टाइप ऑफ जोमेट्रीज टेट्राहेड्रल स्क्र टेट्राहेड्रल में नो जोमेट्रिकल आइसोमर बट ऑप्टिकल आइसोमरिजम में बी देर इफ ऑल द फोर लीगन्स आर डिफरेंट कॉर्डिनेशन नंबर फोर स्क्वायर प्लेनर एम ए फोर नो एम ए थ्री बी नो एम ए टू बी टू यस टू आइसोमर्स एम ए बी सी डी यस थ्री आइसोमर्स ठीक है अब बात करते हैं आ, ऑप्टिकल की इन कॉर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोम होगा अगर चारों लिगेंड अलग होंगे क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको एटलीस्ट एक ऐसा प्लेन चाहिए जहां से मॉलिक्यूल मतलब बेसिकली एक भी ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए जहां से मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में कट जाए प्लेन ऑफ अनसिमेट्री मतलब कोई भी एक ऐसा प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम कहते हैं कि मिलना नहीं चाहिए और सारे प्लेन्स अनसिमेट्रिकल होने चाहिए समझे प्लेन ऑफ सिमिट्री वी शुड नॉट फाइंड इफ वी फाइंड अ सिंगल प्लेन ऑफ सिमट्री तो कंपाउंड विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव अगर हमें एक भी प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल गया जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल हिस्सों में कट गया बट गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता अब इसी को हम स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल पर लागू करते हैं टेट्राहेड्रल में जब तक चारों लीगेंड अलग नहीं होंगे आपको प्लेन ऑफ सिमिट्री मिलता रहेगा ठीक है पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ये मिलता रहेगा टेट्राहेड्रल के केस में अगर चारों लिगेंड अलग अलग नहीं है तब तक मिलता रहेगा अलग अलग हैं देन यू कैन नॉट फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री देन द कंपाउंड विल भी ऑप्टिकली एक्टिव टेट्राहेड्रल एम ए बी सी डी विल भी ऑप्टिकली एक्टिव एम ए बी सी डी स्क्वायर प्लेनर एम ए बी सी डी बिकॉज देर इज अ मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है पूरा कॉम्प्लेक्स ही एक प्लेन में होता है प्लेनर होता है स्क्वायर प्लेनर आप बीच में से ही चला दो दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री दो भाग में कट जाएगा वो बीच में से काट दो ना उसको तो दो भाग में ऐसे कट जाएगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें आपको ऑप्टिकल आइसोमरिजन देखने को मिलेगा देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो ये खत्म आपका कॉर्डिनेशन नंबर फोर कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स में ओनली ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल अब केस नंबर वन एम ए सिक्स नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल एम ए फाइव बी नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल एम ए फोर बी टू ज्योमेट्रिकल एम ए थ्री बी थ्री फेक के मार्क ज्योमेट्रिकल एम ए थ्री बी थ्री फेशियल एंड मेरीडोनल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ठीक है फिर उसके बाद में कुछ ऐसे आते हैं जैसे ए टू छह के छह अलग हैं तो पंद्रह ज्योमेट्रिकल और पंद्रह के पंद्रह ऑप्टिकल एक्टिव तो तीस टीरोट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडेंटेट वाले बायोडेंटेट का ये केस जिसमें ई एन लीगेंट आ जाए तीन दफा ऑक्टो लिगेंड आ जाए तीन दफा ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनमें ज्योमेट्रिकल तो नहीं मिलता बट तो ऑप्टिकल मिलता है ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्जिलेटो में ऑप्टिकल मिलता है में ऑप्टिकल मिलता है ठीक है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा सिमिट्रिकल बाइडेंटिट लीगेंड और तीन है तो ऑप्टिकल मिलेगा सिस इन ट्रांस लेकिन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिगेंड और तीन है तो ज्योमेट्रिकल भी मिलेगा ऑप्टिकल भी मिलेगा क्योंकि ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा चार स्टीरियोमर्स बनेंगे एम ए बी थ्री में ठीक है फिर उसके अलावा ये केसेस आते हैं एम ए ए टू बी टू तो ये इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है या फिर ये केसेस आते हैं ठीक है ये देखो सिस ऑप्टिकली एक्टिव है ट्रांस इन एक्टिव है तो टोटल तो तीन आइसोमर्स हो जाएंगे तो आई थिंक इट इज क्लियर अब मेरे को तुम कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ ये करके दिखाओ ओवरऑल आइसोमरिज्म पर अब तुम्हारा टेस्ट है लगाओ बेटा क्वेश्चन कंपाउंड दिस एंड दिस शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोम इजी क्वेश्चन है जल्दी से लगाओ इसको भी आ रहा है रिद्धि का भी आ चुका है देव तो अंडमान निकोबार आईलैंड मैं आई हुई वहां पे बड़ा अच्छी जगह है सौम्या का भी आ चुका है अभिनव का भी आ चुका है नैना का भी आ चुका है एमबी बेटू का भी आ चुका है सौम्या चतुर्वेदी का भी आ चुका है तो बिल्कुल ठीक है ब्रोमीन बाहर क्लोरीन बाहर आयोनाइजेशन बाकी मोलिकुलर फॉर्मुला सेम सिक्सटींथ क्वेश्चन करो क्विकली सिक्सटींथ क्वेश्चन करो फटाफट ये मेरे टाइपिस्ट को क्या हुआ हर जगह एक्सलेमेटरी मार रखा है अगेन बी इज द आंसर वेरी नाइस क्योंकि ये कौन सा वाला केस है कैन समी टेल मी कौन सा वाला केस है एम ए ए होल्थराइस वाला केस है इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल नहीं होता अगर ई एम ई एन बी सी का एग्जाम्पल है ये तो ऑक्जिलेटिव है ई एन बी सी केस का एग्जाम्पल है तो ये इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है नेक्स्ट करो सेवनटीन्थ एमंग द science, कॉम्प्लेक्स साइंस द वन विच शोज will be. इनमें से कौन है जो जोमेट्रिकल आइसोमरिजम शो करेगा बहुत ईजी और प्यारा सा सवाल है ए बिल्कुल सही क्योंकि बेटा एम ए थ्री बी नहीं शो करता एम ए फाइव बी नहीं शो करता एम ए सिक्स नहीं करता तो दिस इज ओनली ऑप्शन मैंने कहा ही लिगेंड अलग होगा एक ही लिगेंड अलग होगा एक ही, ही इसमें तो एक भी अलग नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल क्लास शो नहीं करेंगे एटींथ क्वेश्चन करो एटींथ क्वेश्चन करो करो बिट्टू ए अगेन वेरी गुड दक्ष रिद्धि तो तो नहीं, 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 तो तो कोऑर्डिनेशन के डब्बे के अंदर चाहिए थ्री थ्री जैसे कि इसमें ए थ्री बी थ्री ये डब्बे के बाहर गया ना तो सी आंसर नहीं है श्रद्धा डाउट क्लियर है बेटा ये गलती नहीं करनी है है ना तो इसके अंदर अच्छा सी के अंदर कौन सा ऐसा मिलेगा ये बताओ सी के अंदर कौन सा आइसोमर मिलेगा मिशकत कह रहा है ऑप्टिकल मिलेगा बिल्कुल सही ऑप्टिकल नीलम भी कह रही है ऑप्टिकल ये एम ए थ्री वाला केस है ये बहुत फेमस होता है फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये आता है एग्जाम में ठीक है तो इसमें ऑप्टिकल मिलेगा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल मिलेगा ठीक है इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा एम ए फाइव भी है इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा इसमें कुछ नहीं मिलेगा और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा इसमें फेक के मार आइसोमर मिलेगा फेक के मार ठीक है नाइनटीन क्वेश्चन करो जो दो हजार अट्ठारह के नीट के पेपर में आइसोमेरिज्म में से पूछा गया द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस इज अच्छा गर्ल ओके ओके मिश्कत नाम प्यारा है वैसे द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस इज दो हजार अट्ठारह में पूछा गया एम बी मैम्स के बेटे ने सबसे पहले आंसर कर दिया अभिनव ने कर दिया सौम्या चतुर्वेदी ने इस बार बिल्कुल ठीक जवाब दिया करेक्ट है करेक्ट आंसर ज्योमेट्रिकल ये क्या होगा ये वैसे तो ऑप्टिकल भी देगा क्योंकि इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव बट ये ऑप्टिकल का चॉइस ही दिया हुआ तो इन सब में से करेक्ट ज्योमेट्रिकल है ठीक है इसमें दो फॉर्म एग्जिस्ट सिस भी एग्जिस्ट करेगी और ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगी जिसमें से सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा ठीक है सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो तीन स्टीरियोमर्स बनेंगे अगर वो एक्टिव ज्योमेट्रिकल की जगह ऑप्टिकल ऑप्शन देता तो भी सही हो जाता जोमेट्रिकल दिया तो भी सही है ठीक है ये करो 2011 के नीट के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सौम्या चतुर्वेदी ने सबसे पहले कर लिया वेरी नाइस nice. दक्ष चौधरी बेटू रहे ए बेटू कह हैं बी और अभिनव हैं सी वाह 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 वाह, ये हो गया अब तो करेक्ट आंसर है सी ये कौन सा आइसोमर शो कर रहे देखो तो तेरी टोपी मेरे साथ क्रोबाल्ट के साथ अमीन क्रोमियम के साथ साइन कोबाल्ट के साथ साइन हो क्रोमियम के साथ अमीन कोऑर्डिनेशन हो गया ना ये बी वाले कौन है भाई लिंकेज और आयोनाइजेशन सपट कोऑर्डिनेशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स के टाइम केस होता है वो तो सपट कोऑर्डिनेशन होते हैं ये बताओ 2011 के नीट के क्वेश्चन पेपर में द कॉम्प्लेक्स दिस हैव हाउ मेनी जोमेट्रिकल आइसोमर्स <laughs> इसमें हो हो रहा है? क्या हो रहा है? है? क्या दो तीन चार कोई कंफ्यूजन नहीं है M -A -B -C -D का केस है स्क्वायर -E टोटल तीन जो आइसोमर्स होते हैं शुरू करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और इसको तुम जितना अच्छे से और स्मूथली समझोगे तुम्हारे उतना ही फायदा होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दिमाग में फिट बिठा दूँ इस टॉपिक को बॉन्डिंग इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स इसका सबसे पहले प्री रिक्यूसाइट ये है कि तुम्हें स्कैंडियम से के जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है टोटल पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करनी है देखो स्कैंडियम इज ट्वेंटी वन स्कैंडियम टाइटेनियम वैनिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ये सीक्वेंस तुम्हें याद करना है ट्वेंटी वन से लेके थर्टी तक का अब थ्री डी वन फोरेस्ट टू इसका ग्राउंड स्टेट है बट अगर तुम प्लस टू स्टेट में लोगे तो कॉन्फिग्रेशन थ्री डी वन हो जाएगी ठीक है क्योंकि फोरेस्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल आयन को आप प्लस टू स्टेट में लेके आते हैं तो पहले फोरेस्ट के इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर थ्री डी के ठीक है यहाँ से भी फोरेस्ट के उड़ा दो थ्री डी टू यहाँ से भी फोर एस की उड़ा दो थ्री डी थ्री यहाँ फोर एस का एक ही है तो एक थ्री डी का भी जाएगा थ्री डी फोर ठीक है यहाँ भी फोर एस की उड़ा दो थ्री डी फाइव शरीफ जी को माफ़ कर दो हाँ फोर एस की उड़ा दो थ्री डी सिक्स यहाँ पर फोर एस की उड़ा दो थ्री डी सेवन यहाँ पर भी फोर एस की उड़ा दो थ्री डी एट इधर ये एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं वैसे थ्री डी नाइन कर लो उसको मतलब नहीं नहीं इसका तो टू प्लस एग्जिस्ट करता है इसका इसका तो बहुत ही स्टेबल होता है थ्री डी टेन ठीक है थ्री इधर आते हैं अगर तुम प्लस थ्री स्टेट में लेके आते हो तो एस के तो उड़ गए इलेक्ट्रॉन एस के इलेक्ट्रॉन तो गए अब डी का भी जाएगा तो अगर डी वन था तो थ्री डी जीरो अगर डी टू था तो थ्री डी वन हो जाएगा एक एक माइनस कर दो डी थ्री था तो थ्री डी टू हो जाएगा डी फोर था डी फाइव था तो थ्री डी थ्री हो जाएगा क्योंकि एक यहां से गए दो यहां से गए फिर ये थ्री डी थ्री डी फोर हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री डी फाइव यह हो जाएगा थ्री डी सिक्स ये हो जाएगा थ्री डी सेवन ये हो जाएगा थ्री डी सेवन हो जाएगा हाँ सेवन हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री डी uh, एक यहाँ से गए और दो वहाँ से गए एट पर ये एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं और ये हो जाएगा थ्री डी ये तो और फर्जी है नहीं ये भी एक्जिस्ट नहीं करेगा जिंक का एग्जिस्ट नहीं करता ये ठीक है अब सुनो मेरी बात एक ट्रुक सुनना अच्छे से सुनना ध्यान से हाँ ये अभी भी बहुत मस्त कराने वाली हूँ चिंता मत करो अभी तो करवाऊंगी साथ में नीट के क्वेश्चंस का तड़का भी लगेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको ध्यान से सुनो क्या तुम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम ऐसे एकदम डोजिंग स्टाइल में याद होता है जैसे मम्मी बचपन का थ्री फाइव ज़ा थ्री टू ज़ा थ्री एट ऐसे फोर टू फोर टू ज़ फाइव वन जैसे मम्मी पूछती है ना फाइव वन ज़ा तो इजी होता है हाँ मतलब फ़ाइव फिफ्टीन ज़ा तो डॉजिंग नहीं होती थी तो उस तरीके की चीज़ जो है वो तुमको अभी इनमें आती है जैसे मैं तुमसे पूछू मैंगनीज तो ट्वेंटी फाइव आयरन तो ट्वेंटी सिक्स कबाल तो ट्वेंटी सेवन जिंक टू थर्टी इस तरीके से या ट्वेंटी वन बोलो तो स्कैंडियम आंडियम ट्वेंटी फाइव बोलो तो मांगनीस मैं बोलूँ ट्वेंटी फोर तुम्हारे दिमाग में क्रोमियम आता है सबको कितने बच्चों को आता है मुझे लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि मैम ट्वेंटी सेवन कबाल दिमाग में छपता है मतलब ये नहीं सोचना पड़ता है ट्वेंटी एट बोलते निकल तुरंत छपता है ट्वेंटी थ्री बोलते होने सबको आता है काफी बच्चे यस बोल रहे हैं काफ़ी बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं अब सुनो अगर एटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन है तो प्लस टू में थ्री डी वन है प्लस थ्री में थ्री डी जीरो है प्लस टू सुन लो पहले ट्वेंटी वन थ्री डी वन ट्वेंटी टू थ्री डी टू ट्वेंटी थ्री थ्री डी थ्री ट्वेंटी फोर थ्री डी फोर ट्वेंटी फाइव थ्री डी फाइव ट्वेंटी सिक्स थ्री डी सिक्स ट्वेंटी सेवन थ्री डी सेवन ट्वेंटी एट थ्री डी एट ट्वेंटी नाइन थ्री डी नाइन थर्टी थ्री क्लियर प्लस थ्री डांस हो गया बुरा मेरा मोह मोए हो गया अब देखो इधर थ्री डी जीरो अब क्या करना है तुमको जैसे ही प्लस थ्री स्टेट लेके आनी है तो प्लस थ्री स्टेट के लिए तुमको क्या करना है डी का एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है जैसे थ्री डी वन था ना वो तो थ्री डी जीरो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा थ्री डी वन थ्री डी टू थ्री डी फोर थ्री डी फोर थ्री डी फाइव मतलब डी में से एक कम कर देना थ्री डी सिक्स थ्री डी सेवन इस तरीके से कम कर देना तो प्लस थ्री स्टेट में अगर कोई ट्वेंटी फोर है या ट्वेंटी थ्री है तो थ्री डी टू हो जाएगा ट्वेंटी सेवन है तो थ्री डी सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी फाइव है तो थ्री डी फोर हो जाएगा ट्वेंटी एट है तो थ्री डी सेवन हो जाएगा प्लस थ्री में प्लस टू में ट्वेंटी सेवन है तो थ्री डी सेवन हो जाएगा ट्वेंटी टू है तो थ्री डी टू हो जाएगा ट्वेंटी एट है तो थ्री डी एट हो जाएगा क्या ये बात समझ में आई समझ में आई ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे बताओ जरा क्रोमियम प्लस थ्री में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ क्रोमियम प्लस थ्री में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्रोमियम प्लस थ्री प्लस थ्री की मतलब से ट्वेंटी फोर होता है ये अब प्लस थ्री लेकर क्या होगी थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है प्लस थ्री के अंदर ही हो जाएगा थ्री डी थ्री थ्री डी थ्री कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे एन की वैल्यू क्या होगी थ्री होगी सिंपल थ्री क्योंकि थ्री डी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन तुम कैसे भरोगे ऐसे भरोगे है ना भाई तो अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री हो जाएंगे फिर कभी कभी मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्वेश्चन आता है ठीक है इसको भी यूं कर लेते हैं हाँ मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आता है तो रूट ऑफ एन एन प्लस टू से हम निकालते हैं बोर मैग्नेटॉन में निकलता है वहाँ एन की वैल्यू यही होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन एफ ई टू प्लस थ्री प्लस में निकालो आयरन होता है ट्वेंटी सिक्स तो एफ प्लस टू स्टेट में होगा थ्री डी सिक्स और प्लस थ्री स्टेट में होगा थ्री डी फाइव ये रटा रहना चाहिए अगर ये नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर से सीधा सीधा लिंक करना है एटॉमिक नंबर होता है इसका ट्वेंटी सिक्स तो मैंने प्लस टू में थ्री डी सिक्स और प्लस थ्री में थ्री डी फाइव कर दिया हाँ जी तो एम बी मैम्स बेटू की शुरुआत में बेटू प्लस टू के अंदर प्लस टू के अंदर थ्री डी सिक्स है ना तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना एक दो तीन चार पाँच छः और प्लस फाइव मतलब थ्री डी फाइव जो है प्लस थ्री के अंदर इसके अंदर पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर है फोर एंड फाइव करेक्ट आंसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हूं फाइव एंड फोर नहीं है फोर एंड फाइव है फोर एंड फाइव फाइव एंड फोर कैसे होंगे ठीक है फोर एंड फाइव अब हम रियल वीबीटी पे अटैक बोलने वाले हैं एंड आई डोंट थिंक कि मेरे को वी बी टी समझाने में दस मिनट से ऊपर लगेंगे ठीक है इजी थ्योरी है और कुछ मैं ईजी समझाने की कोशिश भी करूंगी देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो साइंटिस्ट पुराने साइंटिस्ट हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इन्होंने ना सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स उठाया पूरी की पूरी स्टडीज मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है मतलब उल्टी हैं पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो फिर रिवर्स कैलकुलेशन से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हो फिर जियोमेट्री निकालते हो तो रिवर्स कैलकुलेशन एंटायर स्टडीज आर बेस्ड अपॉन फर्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन देन एज्यूमिंग देअर देन डिटामाइनिंग देअर जियोमेट्रीज तो इधर इन्होंने देखा कि कोबाल्ट अब आप कोबाल्ट के बारे में आप जानते क्या हो

ये जीरो का क्या मतलब है रूट ऑफ एन एन प्लस टू की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इम्प्लाइज एन इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो अबे यार ये क्या करें हमारे हिसाब से तो N की वैल्यू होनी चाहिए थी अनपेड इलेक्ट्रॉन चार होने चाहिए थे पर आए क्या जीरो तो साइंटिस्ट इस बात को कैसे प्रूव करते साइंटिस्ट की तो फिर क्या हो गई मुझे, मुझे. हो गई ना कि भैया इसमें तो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर कितने दिखाई दे रहे हैं जीरो हो गई तो अब इन्होंने क्या किया जरूर दो इलेक्ट्रॉन्स पीछे चले गए होंगे पीछे ये साइंट तुम प्रूव करते उन चार इलेक्ट्रॉन्स को जब वो फाइनल स्टेज में जीरो आ रहा है तो तुम क्या जर्नी बताते तुम कहते मैम ये जरूर पीछे चले गए होंगे इनमें पेयरिंग हो गई होगी ठीक है पेयरिंग होकर के दो खाली हो गए होंगे अब तुमने ऑलरेडी ये बात का आइडिया लगाया हुआ है कि जो केमिकल बॉन्डिंग से कि हेग्जा कोऑर्डिनेटेड जो ज्योमेट्रीज होती है ना हेक्सा कोऑर्डिनेटेड उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट नंबर वन एस पी थ्री डी टू ऑब्लिक डी टू एस पी थ्री होती है पॉइंट नंबर टू फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल के ऑर्बिटल्स होने चाहिए खाली ठीक है और लिगेंड के ऑर्बिटल्स होने चाहिए फुली फिल्ड तो तुम एज अ वी साइंटिस्ट क्या करते तुम ये बोलते कि अरे यार इसका मतलब तो जो दो डी खाली चाहिए ना क्योंकि देखो बेटा मेटल के पास में एक एस खाली तीन टी खाली और दो डी खाली तो चाहिए ये बात तो है ठीक है अब ये तुम्हारा थ्री डी है थ्री डी के अंदर तुम क्या देख रहे हो कि यार ये तो लोचा हो गया अपने पास तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर तो चार है हमारे अकॉर्डिंग तो चार होने चाहिए दो को पीछे ले जाके क्या करवा देते हो तुम पेयरिंग करवा देते हो तुमने ये ज्यूम किया कि ये पक्का पीछे के पेयर हो गए होंगे पेयर हो गए होंगे मतलब तुमने थ्री के दो ऑर्बिटर्स को खाली करवा लिया ठीक है किसके लिए खाली तो करवानी पड़ेंगे बिना खाली के तो कॉर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता तो तुमने खाली करवा लिया और बोले कि यहाँ पे लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरेगा यहां भरेगा यहाँ भरेगा फिर फोर एस में भरेगा ठीक है फिर फोर पी में भरेगा ये देखो ये लीगेंड अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को भर रहा है जो कि मैं अभी दिखा नहीं रही कैसे चलो दिखाई देते ना क्यों आलस करना ये देखो अब क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी तुमको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं दिख रहा इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आ रहा है जीरो तो साइंटिस्ट ने बोला पीछे ठूस दिया जैसे घर में मेहमान आते तो तुम सबको नहीं सब तुम बच्चों एक ही कमरे में आ जाओ क्योंकि जो तुम क्या तीन भाई बहन हो लेटेस्ट से ठीक है अब तीन भाई बहन हो और अलग अलग कमरे में अपनी प्राइवेसी इन्जॉय करते हो कोठी है तुम्हारी कोई भी गेस्ट रूम नहीं है मौसी जी आ जाती हैं ठीक है और मौसा जी भी आ जाते हैं अब मम्मी कहती बेटा सब भाई बहन एक कमरे में हो जाओ क्योंकि मौसी जी को कमरा देना है ना तुम्हारा समझे तो उस चक्कर में इनको पीछे ठुसा दिया और ये खाली करा दिया अब अगर कोई लीगेंड ऐसा करा सकता है वो ये हो गया जैसे मैग्नेटिकट कम हो गया इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब जब मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम आएगा जीरो आए नहीं आए इसका ठेका नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड से कम आएगा तो पेयरिंग होगी क्या और क्या कंक्लूड कर सकते हैं पेयरिंग होगी फिर साइंटिस्ट ने कहा देखो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि कोबाल्ट थ्री प्लस में चार एक्सपेक्टेडली अनपेड होने चाहिए थे लेकिन देखा इनकी वैल्यू जीरो आई है तो बोले कि इसको पीछे ठूस दिया पेयर करा दिए और फिर डी टू एस पी थ्री मतलब दो डी के निकाल लिए एक एफ का निकाल लिया तीन पी के निकाल लिए डी टू एस पी थ्री हैबिट अच्छा डी टू पहले क्यों आया क्योंकि थ्री डी खाली कराए गए हैं ठीक है अब इसी के अंदर इसको क्या बोल जाता है इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें पेयरिंग हो जाती है पेयरिंग हो जाएंगी तो स्पिन कम हो जाएगी क्योंकि देखो सारी स्पिन कैंसिल आउट हो रही है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल आउट हो रही है तो पेरिंग हो जाएगी ना तो लो स्पिन बन जाएंगे ये स्पिन क्या होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है प्लस हाफ उल्टा है तो माइनस हाफ और दोनों एक साथ हैं तो प्लस हाफ माइनस हाफ टोटल स्पिन जीरो हो जाती है क्योंकि पेयरिंग हुई है तो लो स्पिन बोल सकते हैं क्योंकि पेयरिंग हुई है स्पिन बोल सकते हैं क्योंकि पेयरिंग हुई है और पेयरिंग तभी होती है जब अंदर के हमें खाली कराने इनर ऑर्बिटल कोई बात नहीं स्टडी मारते हैं जरा कोबाल्ट अपने प्लस थ्री स्टेट में था कोबाल्ट की प्लस थ्री स्टेट में अगेन हमारी वही एक्सपेक्टेशन थी कि भैया प्लस थ्री स्टेट में है तो डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन होगा हमने सोचा इनके चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट फोर पॉइंट नाइन आना चाहिए था जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे छोटी सी ट्रिक है अगर एक अनपे एक अनपेड अन्पे, इलेक्ट्रॉन वन तो पॉइंट सेवन थ्री आता है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन टू पॉइंट एट नाइन आता है थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री पॉइंट नाइन आता है चार अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर पॉइंट नाइन आता है फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइव पॉइंट नाइन आता है मैग्नेटिक मोमेंट सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते क्योंकि डी के अंदर छह ऑर्बिटल नहीं होते फिर उल्टी गिनती वापस स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ अपन ने देखा कि यार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्सपेक्टेड था वो फोर पॉइंट नाइन आना चाहिए था आया कितना 4.9 4.9 ही आया इसका मतलब क्या हुआ होगा इसका मतलब 3D को छेड़ा भी नहीं गया होगा 3D को छेड़ा भी नहीं गया होगा लेकिन यार हेक्सा कोऑर्डिनेशन यानी ऑक्टा ज्योमेट्री में तो एस पी थ्री डी टू दो डी तो खाली चाहिए ही चाहिए दो डी तो खाली चाहिए ही चाहिए भाई ऑक्टाहेड्रल के केस में या तो डी टू एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू दो डी तो खाली चाहिए कॉर्डिनेशन कंपाउंड है अब ये दो डी कहाँ से आए क्योंकि इनको तो छेड़ा ही नहीं मैग्नेटिक मोमेंट बताता है कि थ्री डी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है तो कहाँ से आया होगा सोचो ये थ्री डी था ये था तुम्हारा थ्री डी ऑर्बिटल ये फिर तुम्हारा फोर एस ऑर्बिटल फिर ये तुम्हारा फोर पी ऑर्बिटल और एक फोर डी नामक व्यवस्था भी तो एग्जिस्ट करती है मेहमान को नहीं दिया कमरा हमने नहीं दिया कमरा गीतांजलि कह रही है मैं नहीं दूंगी अपना कमरा ऐसी तैसी सो जाओ था आगे गार्डन में वो खाट डाल के मंजी डाल के बढ़िया चांदनी रात में नींद आएगी चांद खूब सारे तारे देखते देखते है ना नहीं दे रहे हम अपना कमरा तो गार्डन में जाके दे दी तो ये थ्री डी ये फोर एस ये फोर पी और ये फोर डी एक बात तय है कि ये सारे खाली ऑर्बिटल की व्यवस्था तो करनी है बट मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अंदर के ये छेड़े ही नहीं गए हैं तो फिर कहाँ से आए खाली ऑर्बिटल कहाँ से आए हैं एक फोर एस तीन फोर पी और दो फोर डी इनको हाइब्रिडाइज कराया गया है एस पी थ्री डी टू बोला गया है उसको क्या बोला गया था डी टू एस पी थ्री क्योंकि इनर डी काम में आ रहे थे अंदर गीतांजलि गित, का कमरा खाली करवा दिया था इस बार गीतांजलि मुकर गई बोले मैं नहीं दूंगी अपना कमरा तुम्हारी ऐसी तैसी ठीक है तो ये फोर एस फोर पी फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं यार अब ये जिद कर रही है तो नहीं देगी तो चलो कोई बात नहीं आप तो अपन तो गार्डन में ताश पत्ती खेलते हुए सोएंगे मज़े से तो गार्डन ऑफर कर दिया घर से नहीं निकाला मेहमान को गार्डन ऑफर कर दिया तो फोर डी तो फोर एस फोर पी फोर डी यानी जो खाली जगह थी वही ऑफर कर दी अपने अंदर कोई डिस्टर्बेंस अपन ने घर के अंदर नहीं करी है इसको क्या बोलेंगे हम इसमें पेयरिंग नहीं हुई है ना तो स्पिन फ्री क्योंकि स्पिन फ्री है तो इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलेंगे स्पिन फ्री उसके अलावा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हाँ. वहां लो स्पिन हो गए थे तो उसका ऑपोजिट यहां क्या हो जाएगा हाई स्पिन ये देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन ठीक है फिर उसके अलावा इधर 4d डी काम में है मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल तो हम इसको क्या बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कंक्लूड ये करेंगे कि जब जब मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही आता है जितना कि हमको लग रहा है आना चाहिए मतलब थ्री को डिस्टर्ब नहीं किया गया तो फिर फोर की व्यवस्था की गई है और फोर तो ऑलरेडी खाली था कौन सी बड़ी बात है तो फोर डी की व्यवस्था करो गार्डन तो वैसे ही खाली पड़ा था रात को गार्डन में बैठा देता दाशपति खेलने ठीक है तो ये ऑलरेडी खाली था तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्लियर ठीक है और अगर तुम्हारा ये मैग्नेटिकट जब जब कम आएगा जब 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 एक्सपेक्टेड से कम आएगा जीरो की कोई गारंटी नहीं है लेकिन कम भी आ रहा है ना तो पक्का ये छेड़े गए हैं और फिर उस केस में स्पिन पेयर हो जाएगी लो स्पिन हो जाएगी और क्या हो जाएंगे ये ये हो जाएंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस तो इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस को दो में डिवाइड किया कौन कौन से इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कंक्लूड ऐसे किया इनर ऑर्बिटल दब जब मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू

कि इतना मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए उतना ही आया है तो फिर वो फोर डी यूज हुआ है हाइब्रिड स्टेट एस पी थ्री डी टू है स्पिन फ्री है हाई स्पिन है चमका सबको सबको क्लियर क्लियर हो गया ये है ये है okay. ओके आगे बढ़ते हैं यही चीज कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में कैसे लागू होगी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो फेमस एंड कॉमन ज्योमेट्रीज होती हैं टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कौन सी होती है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी होती है जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2 का मतलब होता है अंदर गुर्दे तो छीलने पड़ेंगे d का, का काम तो आएगा इसका मतलब ये है स्क्वायर प्लेनर तुम्हें पता भी है स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड x एक्सिस और y एक्सिस से अटैक करता है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो काम में लाया जाता है और एक डी तो खाली कराना पड़ेगा ही इसका मतलब पेयरिंग भी होगी इसका मतलब म्यू आपका लेस देन एक्सपेक्टेड आएगा लेस देन एक्सपेक्टेड यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में जब मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेशन से कम आए तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और जब एक्सपेक्टेशन जितना आए तो टेट्राहेड्रल जोमेट्री जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम आए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अगर एक्सपेक्टेड जितना आए एक्सपेक्टेड से ज्यादा नहीं आता एक्सपेक्टेड जितना आए तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स छुडा रिपीट थैंक यू शालिनी बेटा छुडा रिपीट शुडा रिपीट मैग्नेटिक मूड पर पूरा खेल टिका है मैं क्या बार बार ही अपनी चप्पल खोल देती हूँ और कल मुझे इतना खतरनाक कांटा पैर के अंदर सेंटीमीटर घुस गया था हालांकि अब उसका दर्द नहीं है लेकिन मैं डरी बड़ी पड़ी हूँ चप्पल पहन के पढ़ाने की हैबिट नहीं मुझे नंगे पर हैबिट है और मैं डरी हुई हूँ आज कल शाम की मेरी ऐप की क्लास में खच करके घुसा था <coughs> अब सुनो बात को दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कौन सा एक होता है आपका फोर और एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं एक होती है sp3 और एक होती है dsp2 अगर मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन एक्सपेक्टेड आ रहा है तो खाली कराना पड़ा है मामला dsp2 स्क्वायर प्लेनर इक्वल टू एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन एक्सपेक्टेड आ रहा है तो पेयरिंग करानी पड़ी है इनर ऑर्बिटल लो स्पिन ठीक है और अगर पेरिंग अगर आपके एक्सपेक्टेड के बराबर आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल इसको दोनों टेबल्स को वीबीटी में आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेना अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं ठीक है इन एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं तुम्हारा टेस्ट है ये एक तरीके से तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह का टेस्ट है फिर सी स्टार्ट हो रही है एक छोटी सी हिंट जरूर दूंगी बिफोर आई स्टार्ट द टेस्ट तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन पेयरिंग कराएगा कौन नहीं जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी लीगेंट की वो पेयरिंग कराने की क्षमता ज्यादा रखेगा स्ट्रॉन्ग लीगेंट कहलाएगा जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी लिगेंड की वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा यानी फ्लोरो क्लोरो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टरपीस एलिमेंट्स <coughs> माने जाते हैं ना वहाँ उनकी चलती ऐसे कॉलर ऐसे करके रहते हैं जो कौन से वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वहाँ यहाँ आने पे ऐसे हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में क्योंकि ये पेयरिंग नहीं कर पाते तो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट इज द पावर टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स उल्टा कर दें वहां के सारे बाप्स यहाँ के बेटे हो जाएंगे ठीक है और यहां वहां पे कार्बन की तो इतनी मतलब वैसे तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे को कोई हैसियत ही नहीं थी इधर कार्बन के लिगेंड्स बहुत स्ट्रॉग होंगे और पेयरिंग कराएंगे ये छोटी सी हिंट थी टेस्ट चालू करना है तुम्हें अपने आप करते जाना है जैसे अब ये करो और ये करो <coughs> जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही हाँ यस उतना ही पेयरिंग कराने की क्षमता नहीं होगी अब ये तो स्ट्रांग लिगेंड है एक करके दिखा दूँ क्या एक करके दिखा देती हूं साइनाइड को तुम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में लेने वाले हो करेक्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मैंगनीज के बारे मेंज ट्वेंटी फाइव अटोमिक नंबर होता है प्लस टू स्टेट में थ्री डी फाइव होता है ट्वेंटी फाइव एटोमिक नंबर है प्लस टू स्टेट में थ्री डी फाइव होता है ठीक है प्लस टू स्टेट में थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव को लेकर के तुम्हारा एक्सपेक्टेशन तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन का था बट लीगेंट तुम्हारा तगड़ा है तो पांचों को पेयर कराएगा बेटा जब डी के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना तो ऐसे होंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है और फिर ये जो थ्री का ये वाले दोनों हैं ये तुम्हारे डी टू एस वाले में काम में आएंगे डी टू एस पी थ्री हाइप्रडाइजेशन डी टू एस थ्री क्योंकि स्ट्रॉन्गली गेंड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहाइड्रल क्योंकि सिक्स में तो अपन आग बंद करके लिख सकते हैं ऑक्टाहाइड्रल और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली वन ठीक है और मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा मैग्नेटिक पैरा कैसे अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा हो जाता है अब यही फिल तुम इसके लिए भी कर दो नीचे वाले सेकेंड वाले के लिए भी फिल कर दो हां सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जितने भी कार्बन के लिगेंड हो गए हो गया सीएन हो गया सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है स्ट्रांग फील्ड है कर दिया चलो इसको देखते हैं आयरन जो है वो अपने किस में है प्लस थ्री में है थ्री डी है तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो पाँच अनपेड इलेक्ट्रॉन का हो सकता है क्योंकि फाइव है लेकिन लिगेंट स्ट्रांग है स्ट्रॉग लीगेंट पाँचों को इकट्ठा कर देंगे और पाँचों ऐसे इकट्ठे जाएंगे ठीक है इधर फिर ये थ्री डी हो गया ये फिर फोर हो गया ये फोर हो गया तो डी टू एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन हो जाती है डी टू एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक क्लियर चले आगे पैरामैग्नेटिक कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दोनों को करो इन दोनों को करो बेटा ऑक्सीजन का जो लीगेंड है वो कैसे हो जाएंगे वीक आप ये करो मैं अभी आई हो गया बेटा हम्म चलो तो अब देखो ये बेटा ऑक्सीजन का लिगेंड ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब ये लिगेंड कैसा होगा वीक फील्ड होगा जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना उतना ही वीक फील्ड लिगेंड होंगे ये वीक फील्ड होगा और फ्लोरो भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वीक फील्ड होगा तो पहले तो यही कंक्लूड कर करो रह और वीक फील्ड जो है ना वो पेयरिंग नहीं करा पाता वीक फील्ड जो है वो पेयरिंग नहीं करा पाता तो देखो एफ तो क्यों लिखना है अपने को तो ऑर्बिटल बनाने देखो जरा हाँ तो अगर वीक फील्ड लिगेंड थ्री डी फाइव केस है इसका मतलब सारे के सारे अनपेड ही रहेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है सारे के सारे क्या रहेंगे अनपेड और फिर ऑक्टा हेडल होता है तो यार एस पी थ्री डी टू तो होता ही है तो फोर एस फोर पी और फोर डी से ही हाइब्रिडाइजेशन होगी ठीक है तो ये पूरे काम में आएंगे हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एस पी थ्री डी टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाँच हो जाएंगे पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा क्लियर वीक फील्ड लिगेंड से आइडिया लगा लिया अपन ने है ना इधर देखो इसके अंदर एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस है अगेन थ्री डी फाइव है थ्री डी फाइव वाला केस है अपना ठीक है लेकिन अब इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच है ना और फिर नेक्स्ट ये फोर एस फिर ये फोर पी फिर ये फोर डी अब कैसे पता लगा कि यार फोर डी कम महंगी या फिर थ्री डी कम महंगी है मैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं दे रखा लीगन की स्ट्रेंथ देख के लीगन फर्जी है फ्लोरो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्जी है लीगन फर्जी है तो अगर लीगन फर्जी है तो अपने को क्या करना है थ्री डी को नहीं छेड़ना है थ्री डी पावरफुल है मैं पेयरिंग नहीं करूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी लीगन में दम नहीं है कि वो पेयरिंग करा सके तो फिर सीधा क्या यूज होंगे ये इसका मतलब कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे एस पी थ्री डी टू थ्री डी ठीक है और फिर आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स पांच ज्योमेट्री पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा नेक्स्ट टू करो नेक्स्ट टू करो बेटा लीगेंड फील्ड की ये देखा करो ये स्ट्रांग लीगेंड है ये स्ट्रांग लीगेंड है ये वीक लीगेंड है उस हिसाब से कंक्लूड करो अच्छा थर्ड में एफ टू प्लस है एक सेकेंड सी में नहीं है एफ़ एफी टू प्लस यहाँ गलत लिखा हुआ है एफी थ्री प्लस है ना इस पर जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री प्लस आएगी यहाँ ये ये यहाँ मैंने ठीक कर दी गलती हाँ हा लो टेस्ट दो ना इसका करो ई का आंसर करो जरा ई का आंसर करो नहीं प्लस टू में नहीं है मिश्कर दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक थी वो प्लस टू में नहीं है बेटा यस 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 साहिल डी टू पी थ्री ऑक्टा विद वन अनपेड इलेक्ट्रॉन नैना बोल रही है डी टू पी थ्री ऑक्टा विद फोर या वन बी टू चलो अब इसको मैं कंक्लूड करती हूँ देखो जरा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है थ्री डी सिक्स है स्ट्रॉन्ग तो लीगेंड तो चलने ही नहीं देता डी के इलेक्ट्रॉन्स को चलो ठूसो इधर एक दो तीन चार पाँच गुस्से वाली मम्मी है कि नहीं डांट लगा के गुस्सा देगी सब भाई बहनों को एक ही कमरे में तो थ्री डी के अंदर तो पेयरिंग हो गई ठीक है इसका मतलब दो डी खाली हो गए फिर ये फोर एस हो गया फिर ये फोर पी हो गया थ्री डी सिक्स सिस्टम आयरन ट्वेंटी सिक्स होता है प्लस टू स्टेट में थ्री डी सिक्स होता है ठीक है तो दो इसके काम में आ गए एक इसका तीन इसका यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जाएगी डी टू एस पी थ्री इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा स्पिन पेयर्ड बनेगा लो स्पिन बनेगा ठीक है और ज्योमेट्री तो ऑक्टाहाइड्रल होगी लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे और मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा इसका डाया मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक क्यों क्योंकि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है डाया मैग्नेटिक पैरा नहीं होगा मिस बाली दोबारा समझाऊं क्या बेटा दोबारा समझाऊं? अब इधर देखो ये कैसा है वीक लीगेंड है केफ थ्री डी सिक्स का है बेटा थ्री डी सिक्स वाले केस में जब लीगेंड वीक होता है और वो पेयरिंग नहीं करा पाता तो उसको जगह मिलती है किस में एस मिल जाता है खाली पी मिल जाता है खाली और फोर डी मिल जाता है खाली ठीक है फोर एस फोर पी फोर डी ये तीनों चीज़ें इसको खाली मिल जाती हैं ठीक है अब मसला क्या है क्योंकि लीगेंड में दम नहीं है एच टू जो है लीगेंड उसमें दम नहीं है तो वो इनको यूज में लेगा तो क्या बोलेंगे आउटर ऑबिटल एसपी थ्री डी टू ठीक है एसपी थ्री डी टू अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे पैरामैग्नेटिक इस किस का सही है अब अगला बिल्कुल प्योरली तुमने करना है मैं बिल्कुल नहीं मदद करूंगी ये करके दिखाओ जरा हाँ, ये फीलिंग है करेक्ट 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 रिद्धि सही है सही है सही है वेरी गुड रिद्धि ने करेक्ट आंसर दे दिया पहले वाले का उसके बाद बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया बिट्टू देखो जरा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है कार्बन एंड नाइट्रोजन के लीगेंट स्ट्रॉंग होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के लीगन वीक होते हैं ये वीक लीगेंड है वीक फील्ड ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग मतलब थ्री में पेयरिंग ठीक है तो थ्री में पेयरिंग कराएगा कोबाल थ्री डी से सिस्टम है छह इलेक्ट्रॉन सिमट जाएंगे तीन ऑर्बिटल्स में एक दो तीन चार पाँच छ इलेक्ट्रॉन किस में सिमट जाएंगे तीन के अंदर फिर ये किस में आएगा फोर एस मतलब थ्री डी फोर एस और फोर पी ये आ जाएगा डी टू एस पी थ्री है ना इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि थ्री डी ऑफर हुए हैं ना थ्री डी ऑफर हुए मेहमानों को लिगेंड्स को तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो ये कैसा हो जाएगा थ्री डी सिक्स है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो और डाया मैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है अगला वाला भी कर दिया नेक्स्ट वाला ओके okay. देखो वीक फील्ड लीगेंड है वीक फील्ड लीगेंड के अंदर केस थ्री डी सिक्स का है जब लीगेंड में दम नहीं होता कि वो पेयरिंग करा दे तो छः कैसे दिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है अब कौन काम में आएगा एक फोर एस आएगा फोर पी आएगा एंड फोर डी आएगा फोर डी के दो खाली ऑलरेडी पड़े हुए हैं भैया गार्डन में सो जाओ क्योंकि तुम में दम नहीं है पेयरिंग कराने का एस पी थ्री डी टू ठीक है दम नहीं कैसे पता लगा फ्लोरो है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उतना ही दम नहीं होगा ठीक है तो ये इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑक्टाहाइड्रोल ज्योमेट्री हो जाएगी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा चमका एस पी थ्री डी टू ठीक है ये करो जरा जिंक वाले कॉम्प्लेक्सेस करो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर आ गया है और लिगेंड कैसा है ये स्ट्रोंग लिगेंड है ये भी स्ट्रांग लिगेंड है करो बेटा कितनी स्लाइड्स हो गई अच्छी पेस्ट चल रही है अपनी कोबाल्ट का केस ही अलग होता है रिद्धि थैंक यू अंशुल बेटा थैंक यू सो मच थाउजेंड टीयर्स अरे बहुत डोकरी कर दोगे रे मुँह से दांत ही चले जाएंगे फिर कैसे जीऊंगी मैं आऊँ आओ करके पढ़ाने आऊँगी फिर थाउजेंड तो बहुत ज़्यादा हो गए रे <laughs> फिर सेल्फी खींचने के लिए पाउड बनाना ही नहीं पड़ेगा अपने आप ही बना हुआ ही रहेगा उस टाइम तक तो <laughs> हाँ जी हो गए दोनों एस एस वी थ्री टेट्राहेड्रल देखो जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जिंक टू प्लस थ्री डी टेन है अबे ये रुको 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 थ्री डी टेन है तो थ्री डी टेन के अंदर अंदर तो जगह ही नहीं है ठस ठस भरे हुए इतने वो कमरे अंदर के ऑलरेडी फुल हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग होगी वीक होगी ऐसी कि तैसी हो जब थ्री में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो फिर जगह ही नहीं बचती है पेयरिंग होने की पेयरिंग कैसे होगी पेयरिंग करा के खाली किसको कराओगे सब तो ठसा ठस थस भरे थे थ्री डी पूरा फुल ठसा ठस थस भरा जिंक का केस देखो जरा तुम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस क्या बरोगे कहाँ भरोगे पेयरिंग करा के कौन सा रूल वॉलेट कर दोगे पॉलिक्स पॉली की ऐसी की तैसी कर दोगे पीछे ले जाके नहीं कर सकते इसका मतलब एस पी थ्री इज़ द ओनली पॉसिबल केस एस पी थ्री ठीक है एसपी थ्री करोगे तो ये आपका ज्योमेट्री तो क्या जाएगा? आ जाएगा टेट्राहेड्रल आ जाएगा ठीक है और नंबर ऑफ एंड्रेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा समझ में आया क्योंकि डी पूरे भरे हुए ठीक है ये बताओ निकल का टेट्रा साइनो वाला केस निकल थ्री डी एट सिस्टम है स्ट्रॉन्ग लीगेंड पेयरिंग करा सकता है थ्री डी एट सिस्टम कैसे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेज देगा कि भैया पेयर हो जाओ चलिए 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 अंदर चलिए ये स्ट्रॉन्ग लीगेंट ठीक है स्ट्रॉन्ग लीगेंट थ्री डी का यूज करना जानता है ये एट सी मट गए पूरे चार के अंदर ठीक है अब क्या हुआ डी का एक खाली हो गया एक एस खाली और दो पी खाली तो ये क्या रहेगा डी एस पी टू डी एस पी टू कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी निकल वाले कॉम्प्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए ठीक है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर और अ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे डायमैग्नेटिक क्लियर सबको क्लियर अच्छा सा समझ में आ गया बीबीटी ये भी कर लो निकल वाले बाकी दोनों भी ये आपका लीगेंड्स वीक है ये दिस इज वीक लीगेंड एंड दिस इज अनदर स्ट्रॉन्ग लीगेंड। करो मैं बैठी हूं अब थोड़ी देर मैं अपनी कॉफी का मजा लेती हूँ तुम इन दोनों को कंप्लीट करो बिल्कुल करोगे अंशुल माई ब्लेसिंग्स बेटा पहला वाला गया एन इज इक्वल्स टू थ्री डी टू पी थ्री फर्स्ट का एन थ्री आ रहा है थ्री कैसे आ रहा है थ्री कैसे आएगा राजा टू आएगा ना वीक वीकलीगेंड पेरिंग नहीं करा पाएगा पेयरिंग नहीं करा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो ही चीजें सोचा करो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो चीजें सोचा करो या तो sp3 टेट्राहेड्रल या dsp2 स्क्वायर प्लेनर बस sp3 टेट्राहेड्रल dsp2 स्क्वायर प्लेनर गीतांजलि जवाब दे रही है sp3 2 एंड पैरा सही है बिल्कुल सही है बिट्टू हम्म नेक्स्ट वाला भी कॉर्डिनेशन में फोर है लेकिन वो निकल डेट्रा कार्बुन ले इसका भी बता दो इसको भी निपटाओ फटाफट कोई बात नहीं रिद्धि सौम्या चतुर्वेदी नेक्स्ट वाला बता रही क्या एसपी थ्री स्क्वायर प्लेनर पैरा एस पी थ्री स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर विद एसपी थ्री जो मीटरी थोड़ी ना होता है सौम्या नहीं 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 रुको देखो मैं तुमको बताती हूँ थोड़ा सा तुम ट्रैप में आ गए मेरे पहले इस केस को डिस्कस करते हैं थ्री डी एट सिस्टम है थ्री डी एट सिस्टम है तो ये तुम्हारा थ्री डी बन गया और वीक फील्ड लिगेंड है छेड़ ही नहीं सकता थ्री डी को वीक फील्ड लिगेंड की हैसियत ही नहीं होती कि वो पेयरिंग करा सके तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है ये थ्री डी एट हो गया अब क्योंकि वीक फील्ड है और टेट्रा कोऑर्डिनेशन कॉर्डिनेशन बेटू चार कोऑर्डिनेशन में दो केसेस होते हैं इधर एस पी थ्री और डी एस पी टू डी एस पी टू कब होता है जब स्ट्रॉन्ग है और एस पी थ्री का होता है जब वीक है अब ये तो वीक है इसका मतलब एस पी थ्री वाला केस है यानी एस और पी थ्री के अंदर लीग अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी थ्री दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये होगा पैरामैग्नेटिक और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ठीक है अब इधर देखो निकल टेट्राइस कार्बोनिल्स जितने भी होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होती है बता तुम्हें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जीरो होती है तो थ्री डी एट फोर एस टू कॉन्फिग्रेशन है निकल की फॉरेस्ट टू को हटाओ मत हर जगह हम बाई डिफॉल्ट हटा रहे हैं तो हमारे दिमाग में फीड हो गया है हमारे क्या जो न्यूरोस होते हैं ना वो जब एक रस्ते पर चल के एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ना तो बार बार उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं अपने आप जाते हैं उनका रास्ता बदलना पड़ता है कोशिश करके और वो उस रास्ते को गहरा और करते जाते हैं गहरा गहरा और गहरा इसीलिए तुम भी फिसल गए क्योंकि तुम बहुत देर से एक ही तरीके से सोच रहे थे तो फिसल गए तो ये क्या होता है थोड़ा तुम्हारी एज में तो क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त होती है अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी तो यहाँ देखो फोरेस्ट को नजरअंदाज नहीं करना है फोरेस्ट खाली नहीं पड़ा अभी हर बार हम फोरेस्ट को खाली ले रहे हैं इसलिए तुमने इस वाले केस में भी ले लिया इस केस में नहीं है तो देखो थ्री डी एट फोरेस फोर पी ठीक है अब देखो मसला क्या है अगर थ्री डी एट है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फिर फोरेस्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन्स और फोरपी खाली ये थ्री डी है ये फोर एस है ये फोर पी है अब भाई तू तो स्ट्रोंग है ना कार्बोनिल को बोल रही हूँ मैं कि तू तो स्ट्रोंग है करा पेयरिंग तो बोले हाँ कराऊंगा कार्बोनिल कह रहा है मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ मैं तो पेयरिंग कराऊंगा तो पेयरिंग कराएगा तो कहा क्या पेयरिंग कराएगा अगर पेयरिंग कराएगा चलो मैं स्ट्रांग हूँ मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाया और यहाँ भेज दिया अब क्या झंडा गाड़ दिया तूने ने एस तो तेरा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है बिना एस के तू कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करा सकता है एस पी थ्री लो तो हाई एस की जरूरत पड़ती है खाली डी एस पी टू लो तो एस की जरूरत पड़ती है Did you नोटिस की एस तो खाली चाहिए चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में कुछ भी हो S तो खाली चाहिए चाहिए समझे तो कार्बोनिल तूने स्ट्रांग होके कौन सा कोई फली फोड़ दी कौन से कहाँ से देश का झंडा गाड़ दिया S तो वहीं पड़ा कहेगा अच्छा तो अभी बताता हूँ मेरे में तो बहुत टैलेंट है मैं तो एस के इलेक्ट्रॉन्स को पीछे ले जा सकता हूँ ये देखो अब क्या करेगा तू स्ट्रांग होकर के भी एस पी थ्री के अलावा नहीं ना बच्चा क्योंकि एस खाली कराते हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल एट प्लस टू टेन है तो एसपी थ्री होगी लेकिन बहुत यूनिक टाइप की है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री नो अनपेड इलेक्ट्रॉन तुमने जितना भी देखा है ना डायमेग्नेटिक केसेस होते हैं स्क्वायर प्लेनर के पैरा होते हैं इसके यहां पे क्या है डायमेग्नेटिकोस टू जीरो डायमैग्नेटिक वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट केस कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्लियर डॉक्टर सिमरन मैम हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया आप नीट के लिए भी पढ़ाने लग गए थैंक यू सो मच तो फिर इस सेशन को शेयर करना क्योंकि उतना ही मतलब मजा आएगा मुझे काम करने का जितने ज्यादा बच्चे आएंगे अगली बार वाले सेशन को अच्छे से शेयर करना ठीक है ओके अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक समअप कर दू वीबीटी का फटाफट बीबीटी का एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ तुम लोगों को मैं 77 स्लाइड्स तुम कर चुके हो और बहुत प्यार से तुमने अच्छे से किया लेकिन अब तुम्हें रिव्यू का और मजा आएगा जरा देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो बातें होती हैं या तो एम एल सिक्स होते हैं छह लीगेंट होते हैं या फिर चार लीगेंट होते हैं अगर तो लीगेंट छह है कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ऑक्टाहाड्र इसमें फिर आपको देखना होता है मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर इंटरप्रिटेशन करा रहे हो तो देखो अगर मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम आया है तब फिर होगा थ्री के अंदर पेयरिंग हो गई हाइब्रिड स्टेट डी टू एसपी थ्री हो गई स्पिन में पेयरिंग हो गई पेयर होकर के कुछ भी हो सकता है हो सकता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए हो सकता है तीन बजा हो सकता है एक भी ना बचे पर मैग्नेटिक मैग्नेटिकमेंट कम आएगा और उसको हम लो स्पिन बोलते हैं कभी कभी ये इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक मोमेंट से नहीं होता लीगेंट को देख के होता है तो लीगेंड अगर कैसा है स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो पेयरिंग करा देगा स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं कार्बन के जैसे सी एन हो गया सी ओ हो गया एनएच थ्री हो गया ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है कार्बन एंड नाइट्रोजन के दूसरा लीगेंड में दमी नहीं है फ्लोरो एक्वा दमीनी लिगेंड में ऐसे तैसी लिगेंड की तो लिगेंड थ्री के अंदर कुछ नहीं कर सकता थ्री डी एज इट इज़ रहेगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी टू इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल क्यों आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे क्योंकि फोर डी गार्डन में बिठा दिया बताओ तो फिर आउटर ऑर्बिटल आउटर मतलब बाहर गार्डन में बिठा दिया आउटर ऑर्बिटल ताकतवर लिगेंड थे तो अंदर शुड आई राइट इट लिगेंड वीक लिगेंड लिख लेना स्टेबल में यहां स्ट्रॉग लीगें वीकली वीकलीगेंड होगा तो एसपी थ्री डी टू और मैगनेटूमेंट एक्सपेक्टेड आएगा फोर डी यूज होंगे नेक्स्ट आता है अपना कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर फोर में दो ही तरीके की पॉसिबल जोमेट्रीज होती हैं एक होती है आपकी एसपी थ्री दूसरी हो, मतलब एक होती है स्क्वायर प्लेनर अब चाहे बेटा टेट्राहेड्रल हो चाहे बेटा स्क्वायर प्लेनर हो एस तो चाहिए ही चाहिए एस के बीना काम कैसे चलेगा क्योंकि टेट्राहैडल में एस एक एस और तीन पी खाली चाहिए और स्क्वायर प्लेनर में एक डी एक कैस और दो पी खाली चाहिए अगर तो लिगेंड में दम है तो वो पेयरिंग करा के डी एस पी टू ठा लेता है साइनो हो गया सीओ बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं अगर लिगेंड फर्जी है फ्लोरो हो गया क्लोरो हो गया तो फिर वो पेयरिंग नहीं करा पाता और एसपी थ्री ऑप्ट कर लेता है कभी कभी लिगेंड फर्जी नहीं होता तेज होता है लेकिन कार्बोनिल्स के केस में जैसे निकल हो गया वो कह रहे हैं भाई तो कितना भी तेज है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मेरे पास मैं क्या करूं तो निकल वाला केस हमने स्पेसिफिक पढ़ा जहाँ लीगेंट फर्जी नहीं था स्ट्रॉन्ग था पेयरिंग भी कराया लेकिन एसपी थ्री मिला उसको दैट इज एन एक्सेप्शनल केस समझ में आया सबको सबको क्लियर हुआ बेटा चलो अब मैं शुरू करती हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो भी बड़ी मजेदार है और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैंने कभी यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है तो तुम्हें और मजा आएगा पहली बार पढ़ोगे तुम मेरे से चलो जी अब ब्रेक लेना है या सीधा शुरू करें ओरल टेस्ट ले लो चलो मुझे बताओ ओरल टेस्ट का सी में मजा आता है रिद्धि इसमें नहीं आएगा इसमें कुछ ज्यादा सवाल ही नहीं है तो सी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सी में भी काफी कुछ है देखो सी में बहुत मजे के विजुअल्स हैं और अभी तुम्हारे को मैं जॉन टेलर जो है मैंने टाइप कभी नहीं करवाया तो मैं हैंड रिटन ही पढ़ाने वाली हूँ जॉन टेलर डिस्टोशन ठीक है एंड फिर ये नीट के क्वेश्चन जॉन टेलर पे आए हुए हैं तो ये सब करेंगे जल्दी निपटेगी ये इसको भी कर ही लेते हैं अभी है ना सुनो so, फॉर्म no, में आए हुए हैं तो निपटाते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हाँ सी के बाद में मैं लेती हूँ तुम्हारा ओरल टेस्ट क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना हाँ मैंने कभी YouTube पे नहीं पढ़ा जॉन टेलर तो पहली बार YouTube पे आज मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि नीट के क्वेश्चंस आते हैं बस एक मिनट कॉफी पी लूं यार <laughs> बच्चों का कॉफी विद कर रहा होता ना कॉफी विद स्टूडेंट्स है मेरा हम्म चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT अब बेटा CFT को समझने से पहले अप्रोच समझना इस थ्योरी की इस थ्योरी की अप्रोच कुछ ऐसी है कि ये थ्योरी कहती है मेटल और लीगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो कोवलेंट नहीं होते आयोनिक होते हैं जिसमें मेटल एक पॉजिटिव सेंटर का रोल अदा करता है और लीगेंड एक नेगेटिव सेंटर का रोल अदा करता है The interactions बिटवीन मेटल एंड ligand आर नॉट covalent, रादर दे आर आयोनिक इन which मेटल प्लेज अ रोल ऑफ अ पॉजिटिव सेंटर एंड ligand प्लेज अ रोल ऑफ अ नेगेटिव सेंटर लीगेंड अगर न्यूट्रल हो चाहे से लीगेंड पे चार्ज हो लेकिन लीगेंड एक नेगेटिव सेंटर होता है अब जब मेटल लीगेंड को अट्रैक्ट करता है तो मेटल के अंदर के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं कि मैं नहीं आने दूंगा उसको प्रॉब्लम होती है तो डी ऑर्बिटल्स में क्या हलचल होती है जब लीगेंड मेटल की तरफ बढ़ता है वो इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं बात को समझें जब मेटल आयन लीगेंट को अट्रैक्ट करता है तो डी ऑर्बिटल जब कोई ऐसे लव मैरिज करता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं ना वैसे ही मेटल और लीगेंड की लव मैरिज है जिसमें ये डी ऑर्बिटल है इसके फैमिली मेंबर्स तो भी परेशान होने वाले हैं वो बर्बाद हो जाएंगे भैया अरे यार नहीं यार नहीं यार नहीं यार हम जैसे हैं वैसे खुश हैं ऐसे मत करो यार तो मेटल और लीगेंड के अप्रोच की वजह से डी ऑर्बिटल में क्या हलचल होने वाली है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? अब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें डी ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा भाई जब लव मैरिज करते हैं तो घर वालों को पहले समझना पड़ता है ना उनकी केमिस्ट्री समझनी पड़ती है भैया कैसे हैं कैसे नहीं है तो पहले तुम्हें डी ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा डी ऑर्बिटल टोटल दो तरीके के होते हैं इस थ्योरी को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाली हूँ तुमको ठीक है इस मतलब एक बार तुमको चमक गई ना तुमको कभी किसी एक भी सवाल में नहीं अटकोगे ये मैं तुमको वादा करती हूँ सुनना ध्यान से जब हम पढ़ रहे हैं कि डी ऑर्बिटल में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो डी ऑर्बिटल को समझते हैं कि डी ऑर्बिटल का नेचर कैसा है बेटा दो तरीके के डी ऑर्बिटल होते हैं एक वो जिनके लोब्स एक्सेस पे हैं डी जेड स्क्वायर ठीक है इसका टू नीचे टपक गया है बुरा मत मानना एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनके लोब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स तीन होते हैं नॉन एक्सियल तुम देख सकते हो इन तीनों में लोब एक्सेस के बीच में है बीच में है बीच में है तो लोब जब एक्सेस के बीच में होगा हम उन्हें बोलेंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स और ये कैसे हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स जरा देखो एक्सेस के बीच में लोब्स आ रहा है डी एक्स जेड एक्सेस के बीच में और जेड एक्सेस के बीच में आ रहा है डी वाई जेड एक्स और वाई एक्सेस के बीच में लोब आ रहा है डी एक्स वाई इधर देखो सपट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लोब आ रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सपट जेड एक्सेस पे लोब आ रहा है डी जेड स्क्वायर तो डिपेंड करते हैं कि आपके ऑर्बिटल के लोब लोब्स कहाँ ओरिएंटेड है एक्सियल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को बोलते हैं नॉन एक्सियल एक्स वाई को बोलते हैं वाई जेड को बोलते हैं और एक्सड को बोलते हैं चलो नॉन एक्सेल का नाम लिख दो थैंक यू बेटा नीलम नॉन ऑर्बिटल्स के नाम लिखो जल्दी से इस लेक्चर को देखने के बाद तुम 10, 15, 20, 25 साल के नीट के पेपर लगा लेना एक भी क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा वेरी गुड रेड दी डी एक्स वाई डिवाइजेड एंड डी एक्सेट शाबाश अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये थ्योरी ये कहती है कि मेटल और लीगेंट के बीच में एक लव स्टोरी चल रही है और ये मेटल के खुद के परिवार के सदस्य यानी कि उसकी डी ऑर्बिटल्स बीच में कीड़ा कर रहे हैं ठीक है तो इनको समझने की जरूरत है कैसे कीड़ा होगा वो समझेंगे मैंने बेसिकली मेटल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है एक्जियल ऑर्बिटल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल तो बेटू जो नॉन एक्जल ऑर्बिटल है हमने उसको नाम दिया टीटो जी यह मत पूछना कि मैम टीटू जी क्यों आएगा ना किसी कभी किसी नीट एग्जाम में ना कभी किसी जे में ना कभी किसी ओलंपियाड में यह पूछा गया है कि टीटू जी में टीटू जी क्या है यह एनर्जी स्टेट्स होती हैं जो कि मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना जब एमएससी तब हमने पढ़ी थी ठीक है टी टू जी एवन जी ए टू जी ए टू जी ये बहुत सारी होती है इसका पूरा चैप्टर होता है इसके लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए तो एज ऑफ नाउ आपको इसके नाम का मीनिंग नहीं समझना है आपको बस ये ध्यान रखने के अगर नॉन एक्सियल तो टी टू जी है और अगर एक्सियल तो ई जी है एक्सियल कौन से हो गए हो गया और डी एक्स स्क्त और नॉन गए जिनके बीच बीच में हो गए। अब तुम ये देखो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टा हेड्रल अप्रोच अगर हम नंबर सिक्स की बात करें नंबर सिक्स पढ़ रहे हैं हम जस्ट लुक एट द अप्रोच ऑफ द लीग जस्ट फोकस ऑन द अप्रोच ऑफ द लीगेंट कि लीगेंट मेटल को कहाँ से अप्रोच कर रहा है बताओ कौन से दो ऑर्बिटल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं चैट बॉक्स में बताना विच टू ऑर्बिटल्स आर इम्पैक्टिंग ड्यूरिंग दिस अप्रोच क्योंकि पांच तरह के सदस्य हैं परिवार में पांच सदस्य हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किन ऐसी की तैसी हो रही है इस अप्रोच में बताओ बिट्टू, एक्सियल एक्सियल, शालिनी शालिनी राजू देखो राजू वैसे ना बेटू और राजू का कॉम्बिनेशन में अपनी बेटी को बोलती हूँ डॉटर उसको मैं राजू बोलती हूँ प्यार से वो तो कहती है मम्मा मुझे सबके सामने राजू मत बोला करो तो वो मेरे मुंह से बहुत निकलता है तो देखो दो तरह के ऑर्बिटल्स। एक होते हैं एक्सियल ध्यान से सुनो बेटा एक होते हैं नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल अब नॉन एक्सियल क्या है फोकस करना नॉन एक्सियल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड और एक्सियल कौन से हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन डी जेड्स को है. इसको दिमाग में उठाने की कोशिश करो कि पांच ऑर्बिटल है जिसको मैं हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया इसको हम टी टू जी के नाम से बुलाते हैं इसको हम ई जी के नाम से बुलाते हैं ठीक है टी टू जी एंड ई जी अब मैं कह रही हूँ कि जब ये छह लीगेंट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाई एम एल सिक्स होते हैं ना ऑक्टाहेड्रल एल सिक्स तो जब छह छीगेंट किसी मेटल को अप्रोच करते हैं तो जो दो अप्रोच मुझे दिखाई दे रही है ये वाली ये वाली और ये वाली इसमें मुझे लग रहा है मेटल का ये इम्पैक्ट होगा डी जेड स्क्वायर क्योंकि ये z एक्सेस पे अप्रोच है इस लिगेंड की और इस लिगेंड की z एक्सेस पे अप्रोच है तो एक जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है डी जेड स्क्वायर दूसरा ये मुझे लग रहा है जैसे x एक्सेस और y एक्सेस पे अप्रोच है x एक्सेस और y एक्सेस तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो इम्पैक्टेड ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो ओ तेरी उल्टा लिख दिया सॉरी उल्टा लिख दिया राजे ए जी टी टू जी मैं सोच रही थी कलर चेंज करके लिखूं और <laughs> मैं सोच रही थी कि मैं कलर चेंज करके लिखूंगी मैं कर चलने दो और उल्टा लिख दे दो देखो कलर अपने आप ही चेंज हो गया हाँ एनी जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगन मेटल को अप्रोच करता है तो दो लीगेंस मुझे डी जेड स्क्वायर से आते हुए दिख रहे हैं और चार लीगेंस मुझे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आते हुए दिख रहे हैं इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में जिन ऑर्बिटल्स पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स हैं हैं यानी कि आपके सेट ऑफ जिनकी टेंशन हाई होने वाली है इन पे नहीं होने वाली क्योंकि इन पे तो लीगेंड आ ही नहीं रहा है ligand का हेड ऑन हेड अप्रोच ही नहीं है इनका ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं इसको भी देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि एक तो तुम्हारा ये देखो इन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा डी एक्स वाई डी एक् वाई जेड और डी एक्स लेकिन डी जेड रहा है ठीक है डी जेड स्क्वायर पर पढ़ रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर पढ़ रहा है तो इस विजुअल पे को देख के कन्फ्यूज मत होना बस मैं तुम्हें यही बता रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में लीगेंट्स जिन लीगेंट्स के आने की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स इम्पैक्टेड होते हैं वो डी जेड स्क्वायर होते हैं और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं अब अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो क्या तुमको ये बात लग रही है कि मैम जब तक मेटल की जिंदगी में लीगेंट नहीं आया था तब तक वो खुश था ऐसा होता ना फिर वो लव स्टोरी स्टार्ट होती है ना फैमिली वालों के घर बहुत घर में टेंशन स्टार्ट हो जाती है बहुत टेंशन वही वही बातें होंगी घर में समस्याएं होंगी सबकी एनर्जीज हाई होंगी कभी कभी गालीबाजी भी हो जाती है बहुत टेंशन हो जाती हैं तो जब तक मेटल की जिंदगी में लिगेंड नहीं आया था तब तक मेटल सुखी सुखी अपना जीवन एक लो एनर्जी स्टेट में गुजार रहा था शांति से फिर जब लीगेंड आने लगा तो चर्चा चलने लगी कि मेटल का तो लिगेंड के साथ कुछ है तो लीगन आ रहा है अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ तो जब इस तरीके की हवा चलती है ना तो क्या होता है टेंशन हो जाती है हल्के घर वाले में, घर में फैमिली मेम्बर्स को हल्का हल्का स्ट्रेस होने लगता है मानते हो इस बात को स्ट्रेस होगा तो एनर्जी ऊपर जाएगी इसका मतलब पूरा का पूरा डिओर्बिटल का सेट ऊपर चला जाएगा मैं तुम्हें याद दिला दूं हम क्या पढ़ रहे थे इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अ मेटल एंड अ लीगेंट वेयर बीच में डिऑर्बिटल अपनी अड़ीबाजी कर रहे हैं तो ये वही डिऑर्बिटल है जिनको लीगेंट के अप्रोच की वजह से बुरा लग रहा है और उनकी एनर्जी बढ़ रही है एनर्जी बढ़ती है गुस्सा आता है तो बुरा लग रहा है अब हुआ ये कि जब लीगन्स ने अप्रोच कर दिया और वो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच थी ठीक है हाँ गर्मा गर्मी नहीं है ना एग्जैक्टली exactly. जब लीगेंस ने अप्रोच कर दिया और वो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच थी तो आउट ऑफ द फाइव डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक साथ बढ़ रही थी डी जनरेट बोलते हैं इसको सेम एनर्जी को एक साथ बढ़ रही थी डी जनरेट सेम एनर्जी स्टेट इनमें से दो डी ऑर्बिटल्स एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर उनको लगा हमारे माथे आ रहे हैं कौन सा वाला डी जेड स्क्वायर जो भी मैंने एक विजुअल के थ्रू समझाया कि डी जेड स्क्वायर एन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लगा भाई यार ये तो हमारे माथे आ रहे हैं हमारी गई ठीक है तो ये दो की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कौन से वाले ये एक्सल देखो जरा एक्ज वाले की बहुत ज्यादा बढ़ गई डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेकिन वो तीन जिन पे लीगेंड अप्रोच नहीं कर रहे थे वो थोड़े शांति की सांस कर अपने अपने कोई ज़्यादा घाटे की बात नहीं है तो वो थोड़े नीचे आ गए ये ऊपर चले गए ये नीचे आ गए टी टू जी थोड़े स्टेबलाइज हो गए ई जी ऊपर चले गए क्योंकि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंसेस हो गए एक्जियल वालों को रिपल्जन की फीलिंग ज़्यादा आ रही थी क्योंकि लीगेंड उनके माथे आ रहा था नॉन एक्जेल वालों को रिपल्जन की फीलिंग कम आ रही थी क्योंकि लीगेंड उनके माथे नहीं आ रहा था अप्रोच नहीं थी उसकी तो ये इन दोनों में एनर्जी गैप आ गया जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये जो एनर्जी गैप प्रोड्यूस हुआ है ये बेसिकली प्रोड्यूस हुआ है डिफरेंट अप्रोच ऑफ लीगेंट की वजह से लीगेंट जिन जिन ऑर्बिटल से हमला बोले हैं वहाँ पे जो जिन जिन ऑर्बिटल्स की तरफ से हमला बोले हैं वो ऑर्बिटल्स रिपल्जन खा के ऊंचे चढ़ गए हैं और जिन ऑर्बिटल्स को लीगेंट्स ने माफ़ किया हुआ है वो ऑर्बिटल ओहो शांति की सांस खा के नीचे बैठे हुए है हैं समझ में आई बात अब देखो जरा ये अभी डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि लीगेंड के अप्रोच की वजह से अशांत हो रखे हैं टेंशन में आ रखे हैं फिर क्या होगा ये नीचे सेटल हो गए थी टू जी वाले इनको पता है हम पे नहीं हमला हो रहा और इनकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी इनको पता है हम पे हमला हो रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्यर वालों की एनर्जी ऊपर चलेगी क्योंकि कह रहे हैं हम पे हमला हो रहा है तो आई थिंक तुम्हें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ में आ गई क्रिस्टल फील्ड मतलब आयोनिक बॉन्डिंग लाटिस, क्रिस्टल बनते ना क्रिस्टल लैटिस तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब होता है मेटल और लीगेंट के बीच में आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग क्यों हुई क्योंकि एनर्जीज अलग अलग हैं एनर्जीज अलग अलग हैं स्प्लिटिंग हो गई इसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं जो सेंटर होता है उसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं अब स्प्लिटिंग तो हुई ठीक है लेकिन अब जैसे सपोज करो कि आपके घर के बेटे का किसी के किसी भी बंदी के साथ में कोई कुछ भी है अब वो बंदी कैसी है स्ट्रॉन्ग है वीक है घर वालों के साथ अच्छा रखेगी बुरा रखेगी उस पर फिर और ज़्यादा चीज़ें फर्दर डिपेंड करेंगी ये बात तो, तो तुम सारे बहुत अच्छे रिलेट कर सकते हो ठीक है तो लीगेंट जो आ रहा है जिसकी वजह से मेटल के खलबली मची हुई है लीगेंट जो आ रहा है जिसकी वजह से मेटल में खलबली मची हुई है अब वो लीगेंट कैसा है क्या वो लीगेंट स्ट्रांग है ध्यान से सुनना क्या वो लीगेंट स्ट्रांग है जो स्ट्रांग फील लीगेंट क्या वो लीगेंट स्ट्रांग है जो अप्रोच कर रहा है या वीक है बेटा जब वीक लीगेंड आता है तो उतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाता और नहीं कर पाता तो स्प्लिटिंग भी बहुत मिनिमम सी होती है और जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड आता है तो टी टू जी और ई जी सेट में गजब का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा ई जी वाले बहुत ज़्यादा ध्वस्त होंगे अरे अपने माथे आके स्ट्रॉन्ग लीगेंड फूट गया ई जी की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी टी टू जी उतने ही सेटल डाउन हो जाएंगे वीक वाले केस में ई जी की एनर्जी भी कम बढ़ेगी और टी टू जी भी कम ही सेटल डाउन हो ठीक है इतनी भी टेंशन नहीं थी ये बात समझे कि देर आर टू टाइप ऑफ लीगेंट्स देर आर टू टाइप ऑफ लीगेंट्स वीक फील्ड लीगेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट्स ये वीक फील्ड लीगेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट्स वीक वो जो ज्यादा स्प्लिटिंग कराने के काबिल नहीं है स्ट्रॉन्ग वो जो अच्छी खासी स्प्लिटिंग कराने के काबिल हैं ठीक है अब सुनो अब जब हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये नीचे सेटल हो गया और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये ऊपर आ गए हैं इधर देखो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड नीचे सेटल हो गए हैं और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऊपर आ गए हैं ये बोल रहे हैं माथे हमारे आ रहे हैं ऑक्टाइडल में हमेशा टी जी सेट ऊपर चढ़ जाता है अब इसमें कैसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा फॉर दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दूसरा इधर आएगा तीसरा इधर आएगा इधर भी यही होगा भाई हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले भरे जाते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा दूसरा इधर तीसरा इधर चौथे के लिए चॉइस है अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वो सोच रहा है कि भाई साहब ऊपर जाऊं कि नीचे ही पेयर हो जाऊँ ऊपर जाऊँ तो उसको बहुत ही ज्यादा खाई टाप के जानी पड़ रही है क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है हाई एनर्जी गैप है तो वो सोच रहा है तुमने कभी किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर घर किराए पे लो या हॉस्टल या रूम किराए पे लो आगे जाके तुम कभी किसी हॉस्टल में जब रूम लोगे तो तुमको ऑफर दिया जाएगा कि फर्स्ट फ्लोर पे पेयरिंग कर ले या फोर्टीनथ फ्लोर के ऊपर अकेला रह ले सीढ़ी से जाना पड़ेगा रोज दूध ब्रेड जैम जो भी तुम खाते हो खरीदी करने कोचिंग पढ़ने फोर्टीनथ फ्लोर के ऊपर सीढ़ी से रोज फर्स्ट फ्लोर पे पेयरिंग ही कर लेते हैं माम कौन इतना ऊंचा चढ़ेगा रोज छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेयरिंग तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में टी टू जी में चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर क्या जाएगा तुम्हें कोई बोल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे शेयरिंग में रूम अवेलेबल है सेकंड फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के जाना है पर फर्स्ट फ्लोर पे शेयरिंग पे सेकंड फ्लोर पे खाली है क्या करोगे बताओ फर्स्ट फ्लोर पे शेयरिंग में अवेलेबल है सेकंड फ्लोर पे खाली है इनमें गैप ही नहीं है ना दादा एक सीढ़ी चढ़ोगे तो ऊपर खाली रूम है प्राइवेसी वाला रूम किराए सेम कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे बताओ सेकंड में जाएंगे खाली में जाएंगे काई को मतलब अपनी अपनी गंध अलग अपना अलग पर्सनल गंध मचाएंगे दूसरे के गंध के साथ क्यों झेलेंगे ठीक है पाँचवा इलेक्ट्रॉन फिर क्या एक चौदह माले कौन चढ़ेगा मैं तो इधर ही रह जाता हूँ पाँचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाऊँगा मजे से रहूँगा अकेला अपना अलग गंध मचाऊँगा छठा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा छठे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी पेयरिंग करनी पड़ी यहाँ भी पेयरिंग करनी है तो सीढ़ी क्यों चढ़ेगा ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा सातवां इलेक्ट्रॉन सातवां इलेक्ट्रॉन आठवां इलेक्ट्रॉन आठवां इलेक्ट्रॉन नववां इलेक्ट्रॉन नववां इलेक्ट्रॉन दसवां इलेक्ट्रॉन दसवां इलेक्ट्रॉन अप्रोच अलग अलग हो गई बात को ध्यान से समझना फर्स्ट फ्लोर एंड फोर्टीन फ्लोर फिलिंग कैसे होगी अवेलेबिलिटी ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड फोर्टीन फ्लोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब खत्म हो गया जगह हाउसफुल सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाउसफुल सेवन एट नाइन टेन सबसे खतरनाक तो बेचारा ये रोएगा पेयरिंग भी करनी भी है और रोज सीढ़ी भी चढ़नी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्लियर है ना यह रैप फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर वन टू थ्री फोर फाइव अब पेयरिंग करनी पड़ेगी सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर से सुनो वन टू थ्री फोर फाइव

राइट right. तो इसका मतलब यह बात तो सबको अच्छे से समझ में आ गई कि अच्छा हाँ इसमें टेक्निकली जो लैंग्वेज यूज होती है वो ये होती है कि इस केस में पेयरिंग एनर्जी जो है ना वो कम है और सी एफ एस सी ज्यादा है ये यूज होता है कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन सी एफ एस सी सी एफ एस सी सी एफ एस सी होता है ये गैप खाई ज्यादा बड़ी है पेयर करना आसान है इस केस में होता है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और सी एफ एस सी कम है वॉट इज पेयरिंग एनर्जी एनर्जी रिक्वायर टू ओवरकम ये भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो पेयर अप होएगा ना तो पेयरिंग एनर्जी ऑफ वो ठीक है ये ये टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं पर तुमको ये चमक गया ना वॉट जॉन टेलर डिस्टोशन और यार इसमें मुझे डुप्लीकेट करनी थी इधर हो जाती है ना ये मैं डुप्लीकेट जॉन टेलर डिस्टोर्शन जॉन टेलर डिस्टोशन आई थिंक एक बार ही डुप्लीकेट हाँ ओके okay. अब समझ में आएगा अच्छा सा थोड़ा लिखने की जगह मिल जाएगी और तुम्हारे पास स्लाइड भी आ जाएगी सुनो देखो क्या है मामला जॉन टेलर डिस्टोशन का नॉर्मल थ्रू जॉन टेलर डिस्टोशन पॉइंट नंबर वन आपकी जो सिमिट्रिकल ज्योमेट्रीज होती हैं स्पेलिंग्स में मत जाना वो जॉन टेलर डिस्टोशन के थ्रू अनसिमिट्रिकल में अनसिमिट्रिकल में टर्न अप हो जाती हैं अनसिमिट्रिकल में टर्न अप हो जाती है अन सिमिट्रिकल इससे ज्यादा की स्पेलिंग मुझे नहीं आती तो सिमिट्रिकल ज्योमेट्री जो है वो किस में बदल जाती है अनसिमिट्रिकल में अब अनसिमिट्रिकल के कौन कौन से केसेस होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक केस हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि जैसे ये मेटल है तो इसके ये चार लिगेंड्स नॉर्मल लगे हुए हैं दो लिगेंड्स लंबे हैं लंबे हैं मतलब जैसा तुम वो डी इसमें देखते ना एस ज्योमेट्री के अंदर एस कि चार तो नॉर्मल है दो लंबे हैं हम इसको बोलते हैं एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल क्या बोलते हैं हम इसको लिख इसके नोट्स बना लो साथ साथ में एलोंगेटेड ऑक्टाहीड्रलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल दूसरा केस होता है जिसके अंदर और इसका नाम भी तुम ही सजेस्ट करना कि क्या रखा गया होगा मेटल ये छोटे हैं ऊपर नीचे वाले और ये लंबे हैं इसका क्या नाम रखा गया होगा एक अगर एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल हो गया तो दूसरा क्या होगा सोचो एक अगर एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल है तो दूसरा क्या होगा मेरे को तो यही दिखा ना तो लाइक्स दिखाई दे रही हैं ना मेरे को बच्चे कितने लाइव हैं वो दिखाई दे रहे हैं कमी बच्चे लाइव हैं हैं हाँ बताओ क्या लग रहा है नहीं आई थिंक इसकी स्पेलिंग तो यही होती है जे ए एच ए नहीं होती है एक बार चेक कर लो रिद्धि बेटा नहीं आ रहा ना किसी के भी दिमाग में शॉर्ट एंड नहीं कंप्रेस्ड इसको बोलते हैं ये पिचका दिया अपन ने को ऐसे पिचका दिया तो इसको बोलते कंप्रेस्ड ऑक्टाहाइड्रल कंप्रेस्ड ऑक्टाहाइड्रोल ठीक है और इसको हम बोलते हैं एलोंगेटेड ऑक्टाहाइड्रल ठीक है अब तुमको ये समझना है कि ये केस हुए क्यों हैं इसके लिए थोड़ा सा बहुत सी चीज है दो मिनट से ऊपर नहीं समझ, दो मिनट से ऊपर नहीं समझाने में और सवाल की बात होती है। तो, क्या तुम्हें ये बात याद है कि किसी भी ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में लीगेंस हमेशा डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के थ्रू आता है डो यू रिमेंबर दैट थिंग कि ऑक्टा हेड्रल अप्रोच जब जब होगी ऑक्टा हेड्रली जब लीगेंट्स अटैक करेंगे तो जो लीगेंट्स आते हैं वो एक्चुअली किन के माथे आते हैं डी जेड स्क्वायर के माथे आते हैं और डी एक्स स्क्र वाई स्क्वायर के माथे आते हैं ये सबको याद है जो भी बच्चा अभी क्लास में बैठा है इसका मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड इनका कोई मेजर बहुत रोल नहीं होता तभी तो सेटलों के नीचे बैठ जाते हैं जैसा कि हमने देखा कि सेटल होकर के ये नीचे बैठ गए ये नीचे बैठ गए अब हम वेरियस टाइप की ज्योमेट्रीज की अगर बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड तो कुछ स्पेशल केसेस तुमसे मैं एज्यूम करवाना चाहती हूँ तुम बताना मुझे फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड जहाँ लिगेंड स्ट्रांग है जैसे कि साइन हो जैसे कि सी हो वहाँ पर अगर मैं ये वाला केस डिस्कस करूँ डी वन का तो क्या इन तीनों में थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है ये दोनों अलग ये थोड़ा अलग भाई वो तीन ऑर्बिटल्स जिनमें एक में इलेक्ट्रॉन है और दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं क्या उनमें रत्ती भर भी एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं होगा विधि कह रही है होगा एनीम एल्स जो जिसको लग रहा है होगा कि अगर तो कोई तीन ऑर्बिटल हैं जिसमें एक के अंदर एम बीम एम बेटू को लग रहा है होगा ठीक है अगर कोई तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक में इलेक्ट्रॉन है दो में नहीं है एक में इलेक्ट्रॉन है दो में नहीं है उसमें इनके इस ऑर्बिटल और इन दोनों में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होगा d2 के केस में यहां भर दिया यहां भर दिया तो क्या इसके दो ऑर्बिटल और इस वीक में एनर्जी डिफरेंस है है हल्का सा है इन दोनों में इसमें है हल्का सा है अब अब नहीं है अब तीनों का केस d3 तक नहीं है अब मसला है मैंने ये जो d3 तक स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड के, के केसेस तुमसे डिस्कस किए हैं इसमें डिफरेंस हो या ना हो t2g टू जी ऑर्बिटल्स पे तो लीगेंड अप्रोच ही नहीं करता तो उसको वैसे ही इतना रिपल्जन फील नहीं होता इसलिए इन केसेस में d1 d2 और d3 में ज़रा बहुत अगर एनर्जी डिफरेंस आ रहा है d3 में तो आएगा ही नहीं d1 d2 में माइनर आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो ठीक है मैंने आपको पहले ये सोचने को मजबूर किया कि d1 वाले केस में दोनों में ही एक ऑर्बिटल जो कि भरा है मतलब हाफ फील्ड है और दो खाली है उनमें माइनर एनर्जी डिफरेंसेस हैं आपने उस बात को समझा भी कि यस मैम एक में इलेक्ट्रॉन है और बाकी दो में नहीं है ठीक है तो उनमें एनर्जी डिफरेंस है पर अब मैं ही तुमको कह रही हूँ कि इस एनर्जी डिफरेंस को इग्नोर कर दो क्योंकि टी वो ऑर्बिटल है जिनके पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता लीगेंड गांव से है क्योंकि उनके ऊपर से नहीं आ रहा तो उनको ज्यादा रिपल्जन फील नहीं होते तो जब उनको रिपल्जन ही फील नहीं होते जब वो पिक्चर के मेन हीरो हैं ही नहीं तो हल्का फुल्का चेंज होगा भी सही तो हम उसको इग्नोर करते हैं ऑक्टाहेड्रल में ठीक है अब बात करते हैं बेटा डी की फॉर स्ट्रोंग फील्ड डी ऊपर चला जाता है ओ सॉरी फॉर स्ट्रांग फील्ड जो है वो डी नीचे आ जाता है और वीक फील्ड में डी ऊपर चला जाता है वीक फील्ड में डी ऊपर चला जाता है अब मेरे को ये वाला केस बताओ मुझे जब वीक फील्ड जिसमें आपकी जो स्पिन होती है वो हाई स्पिन होती है वीक फील्ड में हाई स्पिन होती है VBT वाले लैंग्वेज में बात करें तो तो वीक फील्ड हाई स्पिन केस में अब ये जो ऑर्बिटल है इसमें एक में इलेक्ट्रॉन और एक में नहीं क्या एनर्जी डिफरेंस होगा एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है क्या एनर्जी डिफरेंस होगा एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं, नहीं है होगा सौम्य कह रही है होगा थोड़े फास्ट रहो ना चैट में होगा होगा और इस बार ये माना भी जाएगा और माना जाने का कारण पता क्या है क्योंकि ये वो ऑर्बिटल से जहां से लीगन डायरेक्टली अप्रोच करता है अप्रोच करता है ठीक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है ये ये ऐसा केस हो सकता है कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो और ये डी जेड स्क्वायर हो ऐसा भी हो सकता है कि ये डी जेड स्क्वायर हो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो डिपेंड्स बट हाँ एक बात तय है कि जिन लीगेंट्स जो ऑर्बिटल्स लीगेंट्स के वार को झेल रहे हैं इस बार उनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन है और किसी एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है और जिसमें नहीं है उनमें एनर्जी का डिफरेंस होगा और अगर उनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है तो अब तुम थोड़ी सी इस चीज़ को इमेजिन करो कि अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ज़्यादा एनर्जी रिपल्जन्स फील हो रहे हैं क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ है तो क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा जब रिपल्जनस होते हैं तो बॉन्ड लंबा हो जाता है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यूज कर रहे हैं ये चारों लिगेंड्स तो कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल बनेगा लेकिन अगर तुमने डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन भर दिया मतलब अब केस ऐसा है जिसमें ये रिवर्स कर दे रही हूं मैं। ये हटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं कि डी एक्स स्क् इलेक्ट्रॉन है और डी जेड स्क्वायर में नहीं है पहले क्या किया था तो, नहीं मैंने सेम लिख दिया शायद डी जेड स्क्वायर में है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इस बार नहीं है ये केस भी पॉसिबल है ठीक है तो इस बार कौन लंबा होगा डी जेड स्क्वायर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा लंबे होंगे डी जेड स्क्वायर पर यह लीगेंड और ये लीगेंड है तो बॉन्ड लंबे हो जाएंगे रिपल्जन की वजह से तो ये एलोंगेटेड ऑक्टाहीड्रन का केस कौन सा हो जाएगा ये वाला और यही इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्स्वायर वाई स्क्वायर है तो कंप्रेस ऑक्टाहाड्रन बन जाएगा क्योंकि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीजनरेट नहीं होते डिस्टोर्शन हो जाते हैं इसमें ठीक है डिस्टोर्शन हो जाते हैं अगर डिस्टोर्शन हो गए तो दोनों बॉन्ड एक जैसे नहीं रहेंगे और यहां आप देख सकते हो कि सिमिट्रिकल ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री में बदल जाएगी ठीक है अब या तो अगर d z स्क्वायर वाला इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन गया है तो ऐसी ज्योमेट्री आ जाएगी और d x स्क्वायर y स्क्वायर में गया है तो जो मेट्री आ जाएगी लेकिन पक्की बात है कि अनसिमेट्रिकल तो ये ये हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अब दूसरी बात ये है कि चौथा इलेक्ट्रॉन इधर डाला अपन ने स्ट्रॉग फील्ड में इस केस में कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि इसको तो वैसे ही भाव नहीं दे रहे टी टू जी सेट को तो अपन वैसे ही नहीं भाव दे रहे टी टू जी को तो अपन कह रहे हैं टी टू जी हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टी टू जी लीगल पूछ ही नहीं रहा है टी टू जी को लिगेंट भाव ही दे रहा टी टू जी को तो इसमें अगर कोई डिफरेंस है तो हम इसको अगर इसका अगर इसको अपन वैल्यू करते तो डी को भी करते डी को भी करते हमने डी को क्यों नेग्लेक्ट किया क्योंकि वो टी टू जी में था टी टू जी की कोई वैल्यू नहीं होती है इसमें जो अटैक होता है वो ईजी से होता है तो टी टू जी में अगर कोई डिफ्रेंसेस हैं तो इग्नोर इट ठीक है अब पाँचवा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पाँचवा ये इधर आएगा अब ये सिमेट्रिकल हो गए यानी डी फाइव के केस में जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा मैं एक बार पॉइंटर्स बना दूँ डी फोर हाई स्पिन के केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा डी फोर हाई स्पिन ठीक है इधर क्या होगा डी फाइव इधर आएगा इसको तो अपन वैसे ही नहीं भाव दे रहे छठा इलेक्ट्रॉन देखो छठा इलेक्ट्रॉन इस केस में तो यहां आ गया अभी भी यहां तक तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई टी में जब तक खेल चल रहा है तब तक कोई जॉन्टेल डिस्टॉर्शन नहीं है इधर छठा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया इसका तो यहाँ पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है सातवां इलेक्ट्रॉन ये सातवां इलेक्ट्रॉन इधर आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड में जिसको हम बोलते हैं स्पिन पेड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन तो सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है इधर आए अब होगा अब होगा क्योंकि सातवां इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में जाता है अब अगर वो सातवां डी जेड स्क्वायर में गया है तो वो लंबा हो जाएगा बॉन्ड और अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में गए तो वो लंबे हो जाएंगे हो गया ना डिस्टॉर्शन समझे यहाँ होगी इसका मतलब अगला केस है डी सेवन लो स्पिन डी सेवन लो स्पिन ठीक है इसके केस में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा सातवां इधर सातवां इधर लगे तो कोई फर्क नहीं आठवां देखो बराबर हो गए यानी डी एट के केस में कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि अब ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो आपके जो वाले बॉन्ड्स थे ना चार लीगन वाले और दो लीगन वाले वो एक जैसे होंगे ठीक है और इधर डी सेवन डी एट कहां गया हमने आठ उधर कर लिया ना डी टू जी में कोई चेंजेस हो रहा उससे वैसे ही फर्क नहीं पड़ता नाइन्थ इलेक्ट्रॉन कहां गया नाइन्थ इलेक्ट्रॉन इधर गया फिर होगा फिर होगा यानी डी नाइन वाला केस कौन सा वाला डी नाइन कौन सा वाला लो स्पिन लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड डी लाइन केस लो स्पिन ठीक है और इधर डी नाइन कहाँ गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां भी नहीं किया था इधर तो नब्बा इधर भी होगा एंड हाई स्पिन इसका मतलब लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो डी नाइन का केस ओवरऑल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो डी नाइन का केस इधर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा इधर भी करेगा क्योंकि डी नाइन इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम चमका ठीक है फिर आता है डी टेन डी टेन में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ई जी सीमेट्रिकल हो गया इधर भी ई जी सीमेट्रिकल आई होप दिस इज क्लियर आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो कौन में लिख देती हूँ बोथ लो एंड हाई स्पिन क्योंकि कोई फर्क ही नहीं होता लो एंड हाई स्पिन दोनों ही तो ये वो केसेस हैं जिनमें ऑक्टाइडल ज्योमेट्रीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं एंड उनमें एलोंगेशन होता है या कंप्रेशन होता है फिर एलोंगेशन या कंप्रेशन इस बात पे निर्भर करता है कि जो बेसिकली लीगेंड इलेक्ट्रॉन है वो किस में है अगर वो जेड स्क्वायर में है तो वो लंबे हो जाते हैं कई बार टूट भी जाते हैं कॉपर का हेक्सामीन केस होता है जिसमें जॉन्टेल और इतना ज़्यादा हो जाता है वो डीनाइन ही केस होता है कॉपर का हेक्सामीन केस जो होता है कॉपर हैगजामीन उसके ऊपर जो टू प्लस चार्ज तुम लगाओगे वो डी नाइन का केस हो जाएगा वो ऐसा होता है जिसके अंदर इतना जबरदस्त जॉन्टे और डिस्ट्रॉशन होता है कि वो रुक ही नहीं पाता स्टेबल ही नहीं होता उसके जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड होते हैं वो टूट के खत्म हो जाते हैं और फिर कॉपर का टेट्रामीन एग्जिस्ट करता है हैग्जा नहीं एग्जिस्ट कर पाता ठीक है तो कौन कौन से में हो गया डी फोर में हो गया डी सेवन में हो गया एंड डी नाइन में हो गया बस ये ध्यान रखना इनमें हो गया जिसमें न्यूआ उसको छोड़ दो अब इसकी जरूरत नहीं मेरे को लग रहा था दो स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी पर पड़ी नहीं इस स्लाइड पे दोबारा समझाने की जरूरत है क्या देखो रिविजन करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है मैं हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ कि मेहनत करना चाहिए टीटू जी में कुछ भी उनसे मिट्टी हो फर्क नहीं पड़ता कोई और डिस्टोशन नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है 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 ठीक <laughs> है नहीं है नहीं है ठीक है समझे स्पीड देखी क्लियर हुआ ओके चलो क्वेश्चन जरा जॉन टेलर वेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज ऑफ किसके हाई स्पिन में देखने को 2016 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था थैंक यू बेटा नीलम थैंक यू सो मच कमेंट जरूर करना बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना बी वेरी गुड हो गया ना देखो कितना आसानी से मस्ती हो गया तुम्हारा तो ये तो बिल्कुल सही है रिद्धि एम बी बे बेटू एवरी वन इज एंग नैना एवरी वन इज संग डी एड अब आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो हमने कहा था है कि लीगेंट स्ट्रॉग और वीक तो उसको बेटा इस ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है फ्रॉम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉग जब हम लीगेंट को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करते हैं हम इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है इसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगी तुम्हारे चैनल पर इसी चैनल पर एक वीडियो बना दूंगी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें याद करनी है नीट वाले बच्चों को स्पेशली याद करनी है जेई का भी कोई बैठा है उसको भी याद करनी है ठीक है बोर्ड्स में इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता बट सी के लिए पूछ सकते हैं वो लोग ट्रिक है एक बार एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यारा भी मैम की ट्रिक्स तो ऐसी होती हैं नाचता हुआ उड़ता हुआ अमोनिया इन नॉर्थ ये कैनेडा एंड कोलंबिया नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया नॉर्थ कैनेडा नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया इसको तीन चार बार लिख के देना एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सीलेट का पानी से प्यार अब जैसे ऑक्सीलेट का पानी से पर पांच बार बोलोगे तो पता लगेगा पानी स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीलेट से नाचता हुआ उड़ता हुआ अमोनिया इन 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 मतलब इडिट ये इथलैंड आई मीन इन नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया ठीक है इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन नीट 2022 का देखो कर पा रहे हो एक बार बैठती हूँ क्योंकि बैक एक मेरा स्टार्ट हो गया तो एक बारी में बैठ जाती हूँ ये करो जरा ठीक है बिट्टू अभिनव बस हमारा भी ख़त्म ही हो रहा है कम सी स्लाइड्स बची हैं मैं भी फटाफट वाइंड अप करूँगी अब हाँ जी आंसर बताओ बेटा सी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर देखो मुझे सबसे ज़्यादा तो जिसमें सपर्ट ई एन जिसमें ई एन ज़्यादा है उसका भी ज़्यादा है क्योंकि ई एन काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड आ रहा था ना इन देखो तीसरे थर्ड लास्ट नंबर पे था इन नॉर्थ कैनेडा एंड कोलंबिया तो तीसरे नंबर का स्ट्रोंगेस्ट ली था ये तो ई एन जिसमें ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा जिसमें कम ए बी सी के ऑर्डर में घट रही है एनर्जी तो ए बी सी ए हो जाएगा ना आंसर ए बी सी के ऑर्डर में कटी ना सी ये तुम सी ए बी कैसे कर रहे हो ए बी सी ओ तेरी सॉरी 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 ई एम तो सबसे ज़्यादा इसमें है आई एम सो सॉरी ई एम तो सबसे ज़्यादा इसमें है फिर इसमें फिर इसमें तो सी ए बी उठक बैठक लगाओ उठक बैठक उठक बैठक ये करो अब रिव्यू रिव्यू ऑफ सी एफ्टी दो तरीके सॉरी कोई क्रीव्यू ऑफ सेफ्टी जी डी जेनेट ऑर्बिटल मैंने बताया था ये हैं इनके ज़िंदगी में टेंशन आ जाती है जब क्या कौन अप्रोच करता है जब अप्रोच करते हैं लीगेंस ठीक है इनको थोड़ा कम टेंशन होता है इनको ज़्यादा टेंशन होता है ठीक है फिर अब इसी चीज़ को अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई करेंगे तो टेट्राहेड्रल में कुछ नहीं करना दो बातें याद रखनी है उल्टा कर दो उल्टा क्योंकि टेट्राहेड्रल अप्रोच जो होती है ना वो यहाँ से होती है और तुम खुद देखो कि एक्सेस तो ये है यार ये एक्सेस है खुद देखो तुम टेट एक्सेस जो जिनको हम एक्सल ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना वो तो इधर लोकेटेड होते हैं या तो फिर इधर लोकेटेड होते हैं ये कहाँ से अप्रोच हो रही है एक्सेस के बीच में से शड़ा बीच में से सेंटर तो इसका मतलब एक्जियल ऑर्बिटल तो पक्का टेंशन फ्री है कि भैया हमारे तो कोई टेंशन नहीं है नॉन एक्जियल ऑर्बिटल कौन से हैं डी एक्स वाई हो गया डी वाई जेड हो गया डी एक्स जेड हो गया उनको फिर भी स्ट्रेस है कि भैया हमारे माथे आ रहे हैं लेकिन पता अच्छी बात क्या है जब लीगेंट्स टेट्राहेड्रली अप्रोच करते हैं ना तो वो एग्जैक्टली नॉन एक्सस पे वहाँ नहीं करते जहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल्स के लोब्स लोकेटेड है एग्जैक्टली वहाँ नहीं करते तो नॉन एक्सिल को टेंशन है लेकिन इतनी नहीं है जितनी ऑक्टाइडल के एक्सिल को होती है ऑक्टाइडल का एक्जिल तो ऊपर से अपने ऊपर मुसीबत गिरते हुए देखता है डी जेड स्क्वायर कहेगा अभी मेरे आया 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 भटाक ये डी जेड स्क्वायर की हालत है डी एक्स स्क्वायर आया 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 भटाक ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हालत है समझे लेकिन यहाँ ये थोड़े रिलैक्स हैं क्योंकि भले ही एक्जेल वाले तो टोटली तो रिलैक्सड है टोटली रिलैक्सड है एक्जेल कह रहे हैं हमारे ऊपर तो आई नहीं रहे हमारे तो बिल्कुल हम तो बच गए इस बार लेकिन नॉन एक्जेल कह रहे हैं भैया है आ तो रहे लेकिन साइड से कट मार वो तो तूफान होता है ना ऐसा साइड से कट मार के चला जाता है तो नॉन एक्जेल भी थोड़े बचे इस कारण से इनकी स्प्लिटिंग कभी भी ज़्यादा नहीं होती इनमें एक्जियल और नॉन एक्जियल ऑर्बिटल में कभी भी इतना गैप प्रोड्यूस नहीं होता जितना ऑक्टाहेड्रल में हुआ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक्जियल वालों के माथे भटा हुए थे वो नॉन एक्जियल बड़े मस्त शांति जिंदगी काट रहे थे चिल लाइफ इधर नॉन एक् यहाँ एक्जेल शांति में है पर नॉन एक्जेल कह रहे हैं वहाँ हमारे भी इतना कोई दिक्कत नहीं है हमारे माथे नहीं आ रहे तो मतलब दोनों में एनर्जी स्प्लिटिंग इतनी नहीं होगी तो टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी स्प्लिटिंग होती है वो जीरो पॉइंट फोर फाइव टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होती है मतलब वही लीगन जो ऑक्टाहेड्रल में मचा सकता है वो टेट्राहेड्रल में आधे से भी कम काम कर पाता है क्योंकि वो किसी भी ऑर्बिटल के माथे नहीं जाता आई होप तुम मेरी बात समझे है ना तो एक्जेल वालों को टेंशन है ही नहीं और नॉन एक्जेल वालों को भी टेंशन कम है तो अब देखो ज़रा ये लीगेंट का अप्रोच है ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम है दिस इज आई हैव ड्रॉन यहाँ से अप्रोच कर रहा है ठीक है जबकि एक्जेल ऑर्बिटल के लोब्स तो इधर लोकेटेड होते हैं ना सॉरी इधर लोकेटेड होते हैं ना तो इसका मतलब एक्जेल वालों को भी टेंशन नहीं नॉन एक्जेल वालों को भी टेंशन नहीं ज़्यादा टेंशन किसी को भी नहीं है इस केस में तो लेकिन हाँ एक्जेल वालों से नॉन एक्जेल को ज़रूर ज़्यादा है एक्जेल वालों से नॉन एक्जेल को ज़रूर ज़्यादा है सड़क के किनारे कोई आदमी खड़ा है वो तो बोलेगा ही सही कि मैं तो सेफ हूँ गाड़ी मेरे ऊपर नहीं आ रही है लेकिन सड़क के बीच में खड़ा है और कोई तेज तर्रार गाड़ी साइड से होके निकल गई तो ए, एक बार तो मतलब उसकी लग जाएगी ना उसको कुछ भी नहीं हुआ तो भी लग जाएगी भैया सामने उसके फस फराटेदार फर गाड़ी निकल गई तो यहाँ पे मसला ये है कि नॉन एक्जेल वालों की एनर्जी थोड़ी तो ज़्यादा रेज हो जाती है तो देखो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एक्जेल वाले कितने शांत हैं जैसे ही लीगेंड आया थोड़े से ऊँचे उठे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थोड़ा सा ऊंचा उठा एक्स वाई थोड़ा ज्यादा ऊंचा उठा वाई जेड थोड़ा ज्यादा ऊंचा उठा एक्सैड थोड़ा और ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा ऊंचा उठा तो नॉन एक्जेल वालों की एनर्जी ज़्यादा है नॉन एक्सल वालों की एनर्जी ज़्यादा है नॉन एक्जिल की ज़्यादा है एक्जिल की कम है पर इतना डिफरेंस भी नहीं है जितना किस में था ऑक्टाहेड्रल में इसलिए स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हमेशा ही लेस होती है

टी टू जी हटा देना अब ये लॉजिकल नहीं है तो याद करने का तरीका है तो ई नीचे और टी टू ऊपर ठीक है ई नीचे और टी टू ऊपर मैम प्लीज नीट की केमिस्ट्री करा नीचे कराई तो रही हूँ जी अभी टू ओके तो टेट्राहेड्रल में मेन मेन पॉइंटर्स क्या है मेन पॉइंटर्स ये एक तो ऑक्टाहेड्रल से डायग्राम उल्टा हो जाता है आपका जो टी टू है जो कि नीचे था वो चल जाता है ऊपर और ई जो कि ऊपर था वो आ जाता है नीचे रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है क्योंकि अप्रोच अच्छी नहीं थी तो जी हट जाते हैं और जो स्प्लिटिंग है वो कमज़ोर होती है तो लीगन हमेशा ही स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लीगन भी वीक बिहेव करता है कभी भी वो फट के नहीं आता क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पॉइंट फोर फाइव ही होता है ठीक है ये देखो ये ये स्प्लिटिंग है जिसमें आपका टी टू तो आ गया ऊपर ठीक है और ई आ गया नीचे और स्प्लिटिंग बहुत कम होती है ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग कम होती है अब ये फार्मूलाज हैं बेटा इसको नोट करो जरा ये क्या है ये सी एफ एस सी है जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स अब ये सी एफ ऐसी इसमें ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है इसका और कोई तरीका नहीं जस्ट यू हैव टू लर्न दिस एक्स क्या चीज़ है टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वाई क्या चीज है ई में टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टा है ना ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ये देखो नंबर ऑफ ले मैंने अच्छे से लिखे अपनी हैंड राइटिंग बढ़िया लगा के इसको नोट कर लो तासफिया कुरैशी जी स्टैंड्स फॉर जिराडे जिराडे एक अलग टाइप की सिमिट्री स्टेट होती है जो टेट्राहेड्रल में यूज नहीं होती बेटा ठीक है सी एफ एस सी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मूला नोट कर लो और अगर कर लिया है तो ये क्वेश्चन करके बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हैविंग सी एफ एस सी दिस एंड सराउंडेड बाई वीक फील्ड लिगेंड कैन बी मैं सोच रही हूँ भई मेरे को थोड़ा सा रिस्पांस वो उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था बट अगर जैसे मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो क्योंकि एक टीचर का बहुत एफर्ट जाता है कल लगभग मैं साढ़े तीन बजे सोई हूँ इस भी इस फाइल को बनाने के लिए तो वो उसका आउटपुट तब निकल के आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें तो मेरा मन तो है कि मैं इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप भी दूँ जो कि 20 मिनट में मैं निपटा दूँ मेरा मन तो है कि मैं इस चैप्टर पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ नीट ऑन दिस चैप्टर ये भी एक सेशन लूँ चाहे उसको रिकॉर्डेड ले लूँ या लाइव ले लूँ दस पंद्रह मिनट का ले लूँ या लाइव लूँगी तो फिर चालीस मिनट लगते हैं कम से कम तो वो भी मेरा मन है तो वो तुम लोग आओगे तब तो मैं लूँ ऐसे खाली थोड़ी ना बोल के जाऊंगी कैमरे के आगे है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और जो पक्का पक्का कमिटमेंट दे रहे हो आने का वो तब मैं लूँगी ये सेशन क्योंकि इन सेशंस को बना बेटा मुंह उठा के तो तुमको पता है मैं सवाल लाऊंगी नहीं अगर मैंने तुम्हें बोल दिया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ़ नीट तो इस बात की गारंटी है कि उस सेशन में से नीट में क्वेश्चन आएंगे पॉसिबल नहीं है कि नहीं आए क्योंकि फिर उसमें मैं रात भर जाग लूँगी चाहे तुम्हारा सेशन आधे घंटे का लूंगी पर उसकी उसके लिए रात जगी हुई होगी मेरी बीस साल के पेपर देख के कंक्लूजन निकलेगा ऐसे नहीं तो आओगे तब मैं इतना एफर्ट मारूँ पता चले कि मैं खाली कैमरे के आगे ऐसे ही बग बाग बगबाग कर रही हूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है बेटा हाँ सी इज द करेक्ट आंसर एम यू एम बी टू मस्त क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टा कॉम्प्लेक्स सी एफ बेटा माइनस टू जीरो पॉइंट एट कब आ सकती है वीक फील्ड लीगेंट के केस में माइनस जीरो पॉइंट एट कब आ सकती है इसमें कुछ भी नहीं हो इसमें कुछ भी नहीं हो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो यानी एक केस हो सकता है आपका जिसमें टी टू जी टू ई जी जीरो ये वाले केस में आ सकती है क्योंकि इसमें तुम फॉर्मूले में लगाओगे तो माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट एट हो जाएगा ना माइनस जीरो पॉइंट फोर इन टू है ना पूरा करोगे समझ में आ गया प्लस जीरो तो आंसर आएगा माइनस जीरो पॉइंट एट दूसरा कौन सा हो सकता है केस जिसमें सेम यही रिजल्ट आया माइनस जीरो पॉइंट एट इसमें तो एन की वैल्यू फिर टू हो जाएगी टू ठीक है और फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा शायद वहाँ तक वो गया कि नहीं गया एन एन प्लस टू है ना तो रूट ऑफ टू टू प्लस टू यानी कि रूट ऑफ एट ये आ जाएगा दूसरा कौन सा केस हो सकता है जिसमें माइनस जीरो पॉइंट एट आए दूसरा केस हो सकता है तुम्हारा एक दो तीन चार पाँच छः सात ये वाला केस हो सकता है कैसे देखो अगर उसके अंदर तुम छः सात हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात अगर तुम इसमें पाँच इलेक्ट्रॉन डाल दो एक दो तीन चार पाँच छः सात अगर तुम इसमें पाँच इलेक्ट्रॉन्स डाल दो तो ये हो जाएगा माइनस टू पॉइंट जीरो प्लस और उसके अंदर दो हैं दो नहीं हैं दो रहेंगे तीन रहे डी सेवन का केस हो जाएगा ये एक दो तीन <coughs> हाई स्पिन था ना चार पाँच छः सात दो तो अब ये क्या ये कितना हो जाएगा अपन को माइनस टू पॉइंट जीरो प्लस वन पॉइंट टू करना पड़ेगा ये कौन सा केस होएगा फाइव और थ्री फाइव और थ्री वाला केस हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा इसको पहले डिस्कस करो बेटू ये कौन सा केस हो जाएगा जिसके अंदर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये माइनस जीरो पॉइंट एट हो गया पाँच इसमें आ गए और 0.6 से दो को मल्टीप्लाई करना है दो इसमें आ गए तो ये केस हो गया इसमें भी n की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है एक दो तीन चार पाँच छ सात तो एक दो तीन एन की वैल्यू थ्री आ रही है तो थ्री टू प्लस थ्री एन एन प्लस टू है ना इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ फिफ्टीन तो रूट ओ एट और रूट फिफ्टीन दोनों ही केसेस इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ए और बी दोनों वीक फील्ड लिगेंड के केस में फॉर्मूला लगाया अपन ने क्लियर कमेंट सेक्शन बताना अब यही फॉर्मुला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ऐसे लगेगा ठीक है <coughs> और ये टेटराइडल कॉम्प्लेक्स में ये लगेगा ये तुम नोट करना है और रीड करना है लर्न करना है फॉर्मुला कुछ भी नहीं करना अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो कि गवर्न करते हैं बेटा नेचर ऑफ मेटल ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में थ्री डी से फोर डी आएंगे फोर डी से फाइव डी आएंगे एक एक बात को ध्यान से सुनो थ्री डी से फोर डी आएंगे फोर डी से फाइव डी आएंगे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे वीक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब हम नीचे आते हैं तो पुअर स्क्रीनिंग का रोल आता है पुअर स्क्रीनिंग में न्यूक्लियर चार्ज दमदार हो जाता है और जब न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज दमदार हो जाता है तो उस केस में फिर स्प्लिटिंग अच्छी होगी क्योंकि वो लीगन को ऐसे खच से खींचेगा और जब वो लीगन को खींचेगा तो स्प्लिटिंग भी फटके होगी ना एकदम से समझे पूरी की पूरी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस बात पे निर्भर करती है कि जितना प्रेम जितनी लव स्टोरी किसकी टाइट है मेटल और लिगेंड की उतनी ही इनकी लगी पड़ी है डी ऑर्बिटल्स की बस ये बात लिख लो जितना मेटल और लीगेंट की लव स्टोरी गजब की है लीगेंट्स की उतनी ही लगी पड़ी है तो स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी समझे तुम तो, तो मेटल और लीगेंट का अप्रोच अच्छा लीगेंट की वजह से भी हो सकता है अगर वो स्ट्रांग हो मेटल की वजह से भी हो सकता है अगर वो अट्रैक्ट अच्छा कर रहा हो तो मेटल कब अच्छा अट्रैक्ट करता है नीचे वाले हैवी और एलिमेंट्स तो नेचर ऑफ मेटल लाइन पर भी डिपेंड करता है देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इंक्रीज समझे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटलाइ मेटलाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी भी प्लस टू से प्लस थ्री ज्यादा अट्रैक्ट करेगा प्लस थ्री से प्लस फोर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो तो भी ये चीज़ ज़्यादा होगी अब है नेचर ऑफ लीगन नेचर ऑफ़ लीगन में देखो जरा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जीलेट का पानी से प्यार नाश्ता ओढ़ता वो मुन्नी वो जो भी तुम्हारा ऑर्डर था उसको चेक कर लेना ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल में दम ही नहीं होता टेट्राहेड्रल अप्रोच ही फर्जी होती है तो ज्योमेट्री की वजह से फिफ्टी परसेंट से रिड्यूस हो जाती है सेम लिगेंड ऑक्टाइडल में अप्रोच करेगा कमाल कर देगा टाइटाइडल में करेगा कमाल नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एम्स का क्वेश्चन करो जरा एम्स का क्वेश्चन करो बेटा पहले तो तू मुझे अपना नाम बताया बच्चा अभी नाम बताएगा मेरे को बहुत देर से पूछो बता नहीं रहा है साक्षी कह रही डी बिल्कुल प्लस थ्री स्टेट में है कोबाल्ट अपने प्लस थ्री स्टेट में क्या रहेगा थ्री डी सिक्स सिस्टम रहेगा थ्री डी सिक्स सिस्टम विथ स्ट्रॉग फील्ड लीगन स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब तो क्या होगा टी टू जी सिक्स सी जी जीरो एक दो तीन चार पाँच छः टी टू जी सिक्स सी जी जीरो ऊपर तक अपने को जाने ही क्यों है एक दो तीन चार पाँच छः क्योंकि वो सी एफ एस सी ज़्यादा हुई है ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई ये करो टू थाउजेंड फाइव के मेडिकल तब उसको नीट नहीं बोलते थे नाम बहुत बदले गए हैं ए आई पी एम टी और पता नहीं क्या क्या फिर आर पी एम टी हमारे राजस्थान का हुआ करता था विच ऑफ द फॉलिंग इज इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डाय मैग्नेटिक बिहेवियर इनर ऑर्बिटल भी होगा डाय मैग्नेटिक भी होगा <coughs>

ऑक्टाहेड्रल में उसमें एक साथ दो डी चाहिए होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ अब अगर ये पेयरिंग भी करा ले तो भी एक ही डी अफोर्ड कर सकता है दो नहीं कर सकता इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो निकल के ऑक्टाहेड्रल में बनते ही नहीं है ध्यान रखना बनते ही नहीं है इनफैक्ट डी सेवन से ही बनने बंद हो जाएंगे डी सेवन वाले का भी कैसे बनेगा डी सेवन वाला भी तो ये रहेगा ये स्थिति रहेगी डी सेवन की तो डी सेवन ऑनवर्ड्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ही नहीं क्योंकि वो फिर पेयरिंग करा भी लेंगे तो तुमको दो डी नहीं दे पाएंगे खाली दो डी मैक्सिमम डी सिक्स तक दिया जा सकता है इसलिए इसके तो इलेक्ट्रॉन अनपेड ही रहेंगे तो ये डाया मैग्नेटिक नहीं हो सकता इसलिए तुम्हारा आंसर डी तो गलत है सी करेक्ट है क्योंकि कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में थ्री डी सिक्स सिस्टम होता है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो थ्री डी सिक्स को सबको पेयर करा देगा ये ये होगा तो आराम से डाया मैग्नेटिक भी बनेगा और इनर ऑर्बिटल भी बनेगा क्योंकि अमोनिया स्ट्रांग फील्ड है ठीक है अगला करो ये तुम्हारे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मैं बैटरी उसको हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है बहुत पुराना नहीं है और क्या होता है कि नीट के पेपर जेई की तरह ना वो नहीं होते टेस्ट सीरीज़ नहीं होते साल में एक पेपर आता है सेट इतने सारे होते हैं सवाल वही होते हैं चेंज नहीं करते क्वेश्चन का अदल बदल करते हैं सिक्वेंसिंग ठीक है मेहनत ही नहीं होती ये ज़्यादा पचास क्वेश्चन लाते हैं पैंतालीस तुमको करने होते हैं और पूरे साल का एक पेपर और जेई में पता क्या होता है बारह होएंगे जनवरी में बारह होएंगे अप्रैल में चौबीस पेपर देखोगे तो एक साल का तैयारी होएगी इधर एक पेपर दो सवाल मिलेंगे तुमको एक चैप्टर के बस हाँ जी श्री प्रिया तू अब आई बेटा पूरा खत्म होने आ गया फर्स्ट सही हो गया तो आंसर क्या है सी आ रहा है से चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं आयरन जो है प्लस थ्री स्टेट में थ्री डी फाइव सिस्टम है थ्री डी फाइव और ये स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ये क्या मैच करवा रहा है तो ये तो फोर्थ से मैच होगा आयरन अपने प्लस थ्री स्टेट में थ्री डी फाइव सिस्टम होगा और वीक फील्ड लीगेंड है तो फाइव पॉइंट समथिंग आएगा आयरन अपने प्लस टू स्टेट में थ्री डी सिक्स सिस्टम होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है थ्री डी सिक्स सिस्टम है तो पूरा कंप्लीटली डाय मैग्नेटिक हो जाएगा और आयरन अपने प्लस टू स्टेट में वीक फील्ड लीगेंड के साथ में फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करेगा अब बताओ फोर वन टू थ्री किसका है फोर वन टू थ्री फोर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर क्या कर रहे हो गड़बड़ नहीं करो ना ध्यान से करो नीट का क्वेश्चन है दो हज़ार इक्कीस का अब ये तो बहुत तुम्हारे लिए हाथ की मैल हो गया कुछ है ही नहीं ये तो एकदम केक बॉक्स जैसा क्वेश्चन था ये करके दिखाओ ये इसी टाइप का रेप्लिका तैयार किया मैंने ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये रेप्लिका क्वेश्चन है इसको करो ट्वेंटी एट को अच्छा अच्छा बेटा श्रीप्रिया मुझे वापस समोसे खाने हैं कैसे खाऊं तू मेरे लिए समोसे लाई थी ना बड़े मस्त थे कचौड़ी समोसे जो भी थे वो मुझे फिर से खाने हैं कैसे खाऊं उसके लिए वापस कोटा ना पड़ेगा तेरे से मिलने सी है करेक्ट आंसर रिद्धि बोल रही सी चेक कर ले एक बार कोई गलती नहीं हो जाए रिद्धि <coughs> बस मैं आने वाली हूँ तुम्हारे वैसे भी तो कोटा में वो बन गया ना रिवर फ्रंट तो कभी भी कोई छुट्टी बाई चांस मिल गया वो तो मिलनी नहीं है लेकिन मिल गई तो मैं रिवर फ्रंट देखने आ रही हूँ तो तू आना फिर हाँ जी सही थी वैसे सी इज़ द करेक्ट आंसर चलो मैच कर लेते हैं क्रोमियम अपने प्लस टू स्टेट में है ना तो प्लस टू स्टेट में क्रोमियम डी फोर सिस्टम होता है और डी फोर के साथ वीक फील्ड लिगेंड है तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ठीक है मैंगनीज अपने प्लस टू स्टेट में डी फाइव सिस्टम होता है और वीक मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्रोमियम अपने प्लस टू स्टेट में विद्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक तो ये मेरी ने बहुत ही शोर मचा रखा है हाँ डी फोर सिस्टम होगा डी फोर ही होगा ना क्रोमियम प्लस टू में डी फोर डी फोर विद स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे अच्छा जबरदस्ती पेयरिंग मतलब सबकी मत करा देना एक ये भी मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर दू ध्यान से सुनो दो डी खाली चाहिए होते हैं ना तो दो ही चाहिए होते हैं तो जैसे डी फोर है तो पता चले पेयरिंग के लिए इतने सेंटी हो चुके हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन को पीछे घुसेड़ जा रहे हैं वो नहीं करना बस ये पेयर होगा ये खाली अनपेड रह जाएंगे क्योंकि दो डी खाली एक बात बताओ तुम्हारे घर में अगर मेहमानों के लिए दो कमरे खाली चाहिए कमरे आठ हैं तुम सब लोग रहते हो तो दो ही खाली करोगे सबके सब एक कमरे में थोड़ी आ जाओगे कि, कि हमने तो नौ कमरे खाली कर दिए आने वाले कौन आ रहे हैं फूफा जी आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी आ रही है कमरे हमने नौ खाली कर दिए तो नौ क्यों खाली करेंगे जितनी ज़रूरत है उतनी तो खाली करेंगे तो ये भी ध्यान रखना तो अब ये डी फोर है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग तो होगी बट दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और मैंगनीज प्लस टू स्टेट में है तो ये हो जाएगा आपका डी फाइव है ना और साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है स्ट्रॉन्ग फील पेरिंग एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या हुआ ये फोर फाइव टू वन फोर फाइव टू वन सही है सी इज़ द करेक्ट आंसर कलर कलर के बारे में ये पूरा अच्छे से चिट्ठा पढ़ लो सबसे पहली बात कलर डी डी ट्रांजिशन की वजह से होता है ध्यान से सुनो वाराणसी आऊँ बेटा इतना कहाँ आ पाऊँगी <laughs> कुछ सेशन अभी तो मैं बहुत सारी मतलब जब नीट वाले बच्चों को भी प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हें भी संभालूंगी जेई वाले बच्चों को प्रॉमिस कर दिया तुम्हें भी संभालूंगी फिर कैसे आऊँगी बेटा हाँ ओके तो देखो तो डी डी ट्रांजेक्शन की वजह से होता है और दूसरी बात यह कि डी डी ट्रांजेक्शन होने के लिए कलर कलर होने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो होना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन भी होना जरूरी है तो D0 और D10 कलरलेस होंगे जिसमें कंप या तो ठसा ठस इलेक्ट्रॉन भरेंगे D10 या D0 जीरो इलेक्ट्रॉन हेच नहीं तो कलर कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है जब तो कलर आता है तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहाँ पर भी कलर नहीं आएगा ठीक है ठसा ठस थास भरे वहाँ पर भी कलर नहीं आएगा और डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है किसकी वजह से आता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिमूवल ऑफ़ वाटर फ्रॉम दिस ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस अगर तुम पानी हटा दो तो लीगेंट चले जाएगा अगर लीगेंट चले जाएगा तो डीडी चिपक जाएगा और रेडी चिपक जाएगा तो कलर कहाँ से आएगा ठीक है तो इससे भी कलरलेस हो जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस कि खाली फुल फुली फील्ड एंड खाली ऑर्बिटल्स में कलर नहीं होता है आगे बढ़ते हैं ये वाला करो जरा 2020 का नीट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीडिंग इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी लेट मैंने इसको प्लेस किया क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ तुमको याद है कि नहीं वो ट्रिक हाँ आज ब्रेक नहीं लिया लेकिन मेरी मेरा बैक की लग गई मुझे लग रहा था आज बच्चे कम हैं अगर मैं ब्रेक लूंगी तो चले जाएंगे फिर और भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा तो मैंने इसीलिए आज ब्रेक दिया नहीं लेकिन अ, मेरा है ना वो सी वन से सी सिक्स का प्रॉब्लम दर्द हो रहा है एकदम सी आ रहा है आंसर और आज पी वाई क्यू सेशन भी अच्छे है बजे और वो बनाना भी है बनाया नहीं है अभी मैं क्या करने वाली मालूम है एरल <laughs> के नीलोरिन की फाइल में से खूब सारे पी वाई के इकट्ठे करूँगी हाँ, सी सभी का सी आ रहा है नए सवाल छांटने का टाइम नहीं मिलेगा आज ओके देख लेते विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ सबका रहा है एक बार सचिन क्लास से फरार क्यों ये ये सही है एस सी एन माइनस एन एफ माइनस का प्लेसमेंट सही है और और ऑक्सीडेट का पानी से को पेनो ये ये तो सही है ये भी सही है इसका चेक कर लो एक बारी फ्लोरीन और एस मेरे को डाउटफुल लग रहा है मेरे को भी चेक कर ले नीचे आ नीचे आ नीचे आ नहीं आ रहा नीचे आ, आ गया नहीं आ रहा थक चुका है क्या कहाँ गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये रहा हाँ एफ माइनस और एस सी एन माइनस में से एफ माइनस स्ट्रोंगर है एफ माइनस और एस सी एन माइनस में से एफ माइनस स्ट्रांग है बेटा थोड़ा सा फ़र्क दे रखा है हाँ A हुआ ना आंसर इसका सी कैसे हुआ फिर देखो इतनी सी गलती की वजह से अब ये किसी किसी बच्चे ने सी किया ही होगा अपने टाइम पे है ना समझे एफ हाँ तो ये इतनी इतनी गलतियों से सीट चली जाती है और ज़िंदगी में डॉक्टर बनना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है ठीक है तो डॉक्टर्स गलत फ़ैसला ले नहीं सकते इंजीनियर फिर गलत फ़ैसला शायद उसका किसी फ़ील्ड में गलत फ़ैसला उठा डॉक्टर का तो अलाउड नहीं होता है बंदों के शरीर के साथ डॉक्टर खेलता है ठीक है तो गलत फ़ैसला करोगे तो मैंने शुरुआत क्लास शुरू हुई थी तो क्या बोला था इतना आसान नहीं है नीट करना ठीक है तो ध्यान से करो ये करो जरा दो हज़ार उन्नीस का सवाल है ये नीट नहीं आसान ये बात समझ लेना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है तो कहीं पे भी सिली मिस्टेक का चांस नहीं है वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल आइटम इन दिस बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अंश है क्या ये अंश है साक्षी राय रिद्धि सभी सी बोल रहे हैं मैं देखती हूं इसको क्या है ये आयरन आयरन अपने प्लस टू स्टेट में है तो थ्री डी सिक्स सिस्टम हो जाता है और थ्री डी सिक्स सिस्टम हो जाएगा तो स्ट्रांग लिगेंड में टी टू जी सिक्स सी जी जीरो जी जी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डी वन होगा टी टू जी वन ई जी जीरो डी टू होगा टी टू जी टू ई जी जीरो डी थ्री होगा टी टू जी थ्री ई जी जीरो डी फोर होगा टी टू जी फोर ई जी जीरो टी टू जी फाइव ई जी जीरो फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन टी टू जी सिक्स ई जी जीरो फिर टी टू जी सिक्स ई जी वन ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में बाद में भरते हैं ऊपर वाले और वीक फील्ड वाले केस में क्या होता है टी टू जी थ्री तक तो सेम रहता है टी टू जी थ्री ई जी वन टी टू जी थ्री ई जी टू फिर टी टू जी फोर ई जी टू वैसे है ना ये ध्यान रखना मेरी रैप बस खत्म अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल तुमको पढ़ना है इसे मैं तुम्हें समझा देती हूँ मेटल कार्बोनिल तुम्हें याद है वो वाला पाई एक्सेप्टर लीगेंड है जो ना केवल अपने फिल्ड ऑर्बिटल से मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देकर सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल को कहता है ऐसे गेम में चीटिंग होगी तो मैं नहीं, नहीं खेलूंगा हर बार मही को इलेक्ट्रॉन दूंगा यार तो उससे इलेक्ट्रॉन लेता भी है अपने खाली ऑर्बिटल्स में मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल से वापस भी इलेक्ट्रॉन ये मांगता है तो अगर ये ऐसा करेगा तो डबल डबल बॉन्ड बनाता है और इसको बोलते हैं अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग ये मेटल कार्बोनिल्स में होती है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आइटम की जीरो होती है इसीलिए निकल टेट्रा कार्बोनिल बहुत स्पेसिफिक केस होता है सी का जहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होने के कारण टेट्राहाइड्रोजोमेटरी बनती है वो डाय मैग्नेटिक बनता है बड़ा अजीब सा केस है वो तो वो मेटल कार्बोनल्स का ही केस होता है उसके बाद आता है तुम्हारा एप्लीकेशन जो, जो भी मैंने हाईलाइट की हुई है ये तुमको लर्न करनी है जिसमें सिस प्लेटिन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुम देख लेना जितनी भी हाईलाइटेड है ये तुमको लर्न करनी है ठीक है कि भाई कैटलिस्ट की तरह कौन यूज़ हो रहा है विलकेंसन कैटलिस्ट कौन है सिल्वर एंड गोल्ड का यूज़ कहाँ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बेटा देखो जब है ना किस्मत पूँछ दबा के बैठी हो ना तब बहुत लफड़ा हो जाता है पूरा कोऑर्डिनेशन को आठ घंटे लगा के प्रैक्टिस कर लिए सौ सवाल पूरा कंटेंट पढ़ लिया तीन घंटे का वन शॉट अटेंड कर लिया और जब किस्मत ही पूछ दबा के बैठी हो ना तो फिर क्वेश्चन आएगा इसमें से फिर क्या करेंगे इसलिए इनको भी छोड़ना नहीं खत्म चैप्टर ये तुम्हारा होमवर्क है नीट दो का क्वेश्चन नीट दो का क्वेश्चन तेरह का क्वेश्चन बारह का क्वेश्चन बारह का क्योंकि हर साल दो क्वेश्चन आते हैं तो हर साल के मोस्टली दो मिलेंगे दिस इज़ योर आंसर की दैट्स इट इसको ज्वाइन कर लेना एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना अगर तुम्हें फ़ायदा लगा हो तो ठीक है एंड यस आई लव यू ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई लव यू ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू बिकम यू नो डॉक्टर्स मैं जब तुम डॉक्टर बनोगे तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरे को कहीं ना कहीं तो चाहिए ही चाहिए है ना फिर आउ आउ आओ, करते आऊँगे तुम्हारे पास इलाज करवाने ठीक है तो और मैं पैसे भी नहीं दूँगी ये बता रही हूँ पैसे मांगी तो फिर देख लूँ ना हाँ. तो एनी सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट करेंगे शेयर करेंगे सेशन को चैनल को सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए हमारे पास ज़बरदस्त एक्सपर्ट है के क्यू मैम बहुत एफर्ट करती हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं काफ़ी बड़ी टीचर हैं नमो सर ने बताया होगा तुम्हें कि कहाँ वो पढ़ा चुकी हैं वेल एक्सपीरियंस टीचर तुम उनसे ज़रूर पढ़ के देखो तुम्हें बहुत प्यार लगेगा बहुत स्वीट टीचर हैं और मेहनत करके पढ़ाती हैं ठीक है एंड उसके अलावा बाकी सबको तो आप जानते ही हो आपकी ठीक है चलो बाय बाय लव यू ऑल ओरल टेस्ट बेटा लू ओरल टेस्ट चलो ले लेती हूँ अभी बोल रही है तो ले लेती हूँ मुझे बता दो ज़रा हाई स्पिन डी फोर सिस्टम एक दो तीन सवाल पूछ लेती हूँ हाई स्पिन डी फोर सिस्टम बताओ नहीं नहीं इस चैप्टर की नहीं है बेटा यूट्यूब पर क्लास है वो हेलोल हेलोर इन की पी वाई क्यू की क्लास है मिशाकत हाई स्पिन डी फोर सिस्टम कॉन्फिग्रेशन बताओ वीक फील्ड तो है नहीं कंप्रेस्ड तस्वीर तो कब से बस कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड लिखे जा रही है हर सवाल का जवाब कंप्रेस्ड थोड़ी होता है नहीं कॉन्फिग्रेशन पूछ रही हूँ बेटा मैं D4 की टी G3 जी थ्री ई जी वन टी टू की बताओ D7 सेवन स्ट्रोंग फील्ड डी सेवन स्ट्रॉन्ग फील्ड डी सेवन स्ट्रोंग फील्ड बताओ फटाफट फट. D7 सेवन स्ट्रोंग फील्ड नहीं नहीं अब हो रहा है बस फिनिश हो रहा है दो मिनट में आ रही हूँ डी सेवन स्ट्रांग फील्ड टी टू जी सिक्स ई जी वन वेरी गुड रिद्धि और किसी ने नहीं जवाब दिया नैना ने दिया टी टू जी सिक्स ई जी वन ठीक है और मुझे ये बता दो कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन कौन से सिस्टम में होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन कौन से सिस्टम में होता है आंसमेट्रिकल तो हो जाते हैं बट फोर सेवन नाइन वेरी गुड नैना बिल्कुल सही इसमें लो स्पिन हाई स्पिन देख लेना नाइन के दोनों चलते हैं और फोर और सेवन मतलब जहाँ पे ई में डिफरेंस होगा ना ई के दोनों ऑर्बिटल्स में फिलिंग का डिफरेंस होगा वहाँ जॉन टेलर डिस्ट्रॉशन होगा ठीक है चलो बाय बाय लव यू ऑल बाय बच्चों मेहनत करो है ना अच्छे से मेहनत करो बेटा बाय बाय